देख uh -huh. <laughs> um, kind of मेरे को लगा तुम मोबाइल में भी सुनो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ राइटिंग स्किल्स तो नोट्स पूरी बनेंगी हेलो 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 ओके सो हेलो एवरीवन एक बार बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है या नहीं बिकॉज भाई साहब खतरनाक तरीके से हर जगह इस सेशन को लाइव किया गया है इसलिए थोड़ा सेटिंग वेटिंग में एडजस्टमेंट uh, चल रहा था हर पीसी लैपटॉप इधर पे इतने सारे कंप्यूटर में ये सेशन चल रहा है ना भाई <laughs> तो बस आप लोग एक बार अपनी एंड से मुझे बता दीजिए क्या यहाँ पे जो बच्चे है ठीक है आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है अच्छे से मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक बार बस आप लोगों का कंफर्मेशन आ जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का खतरनाक मैराथन जहां पे हम इंग्लिश की नैया पार करने वाले हैं दो दिन भी नहीं बचा है परसों सुबह ग्यारह बजे इंग्लिश का एग्जाम हो गया यार आपके जिंदगी का पहला बोर्ड पेपर ठीक है उसकी नैया पार करने वाले हैं जो भी बच्चों ने पूरा साल इंग्लिश को हल्के में लिए या जैसे तैसे पढ़े इतना अच्छे से उनको समझ में नहीं आया है फॉर्मेट बहुत सारे कंफ्यूजन रहे उनको वो सारी चीज आज क्लियर हो जाएगी ठीक है और जो बच्चों का पढ़ के हो गया है उनके लिए ये एक मस्त रिविजन का काम करने वाला है ठीक है जैसे कि आपको इधर पे दिख रहा है सब कुछ सही है एक मिनट ऑल गुड ऑल गुड ओके 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 इधर सब सही है इधर भी सही है क्या बात है जी ठीक है ठीक है ओके सो वीडियो एकदम सही है मस्त आप लोग रेडी हो गए हो पेन पेपर लेके मैरेथन यार लंबा चलने वाला है सेशन सो so, इतने सारे बच्चे अपने इधर पे सेशन देख रहे हैं है ना बहुत मेहनत यहाँ पे लगने वाली है आप लोगों के पूरे साल भर का सिलेबस आज इधर पे पढ़ाया जाएगा तो एक लाइक तो बनता है है ना एक लाइक तो बनता है जरूर तो कर दीजिए दिल खोल के इस सेशन को लाइक कीजिए क्योंकि आपको पता है यार अपना जितना ज्यादा इस वीडियो में लाइक आएगा उतना अपना ये जो वीडियो है ट्रेंडिंग में जाने के चांसेस बढ़ जाएगा यार महाराष्ट्र के सिलेबस इंडिया के लेवल पे ट्रेंडिंग आप लोग लेके जा सकते हो तो प्लीज रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि फटाफट से सेशन को लाइक करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और आपको एकदम जोश के साथ पढ़ाऊं ठीक है सो ओके स्टार्ट किया जाए कर दिए सारे बच्चों ने लाइक चलिए जी तो फिर देरी किस बात की स्टार्ट करते हैं और आज क्या होगा पहले मैं आपको शॉर्ट में बताती हूं ताकि आप लोग भी प्रिपेयर रहो कि क्या पहले होगा उसके बाद क्या होगा उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग आपका सेक्शन राइटिंग स्किल सेक्शन को कवर करेंगे उसके बाद नॉवेल्स बहुत सारे बच्चों ने नॉवेल्स के आंसर्स पढ़े बट उनको एक्चुअल में स्टोरीज नहीं पता है कि क्या स्टोरीज गई है सीक्वेंस क्या रहा है तो आपको चारों नॉवेल की स्टोरीज बताने वाली हूँ अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ़ ऑफकोर्स इट इज नॉट पॉसिबल बट पूरा इंपॉर्टेंट ठीक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस uh, होने वाला है वो इधर पे आपको बताया जाएगा और साथ में आप सबका प्यारा <laughs> ग्रामर जहां पे कितना भी पढ़ लो यार एंडिंग में आंसर लिखते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसको भी हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे पी क्यू सॉल्व करेंगे और अपन क्या करेंगे ये तीन सेक्शन को कंप्लीट करेंगे कल अपना एक और सेशन होने वाला है जो कि होगा पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर जहां पे मैं आपके सामने एक स्टूडेंट का आंसर शीट लगाऊंगी जिसने जिसने क्या किया है अस्सी मार्क्स का पेपर लिखा है आंसर शीट में और बहुत अच्छा है तो अपना कल पेपर प्रेजेंटेशन होगा उसके लिए रेडी रहना है तो so, स्टार्ट करते हैं यार अपना मैराथन आज है नाइनटीन फ़रवरी और ट्वेंटी फ़रवरी को आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है दो दिन में नैया पार हो सकती है मैराथन देखकर तो so, यहाँ पे आपको दिख रहा है छलांग मार सकते हैं हम अगर आपने ये वीडियो को पूरा डेडिकेटेडली देखे फिर से बोल रही हूं अगर आप बीच में 10 मिनट 15 मिनट लगायब हो रहे हो तो सिंक टूटेगा मैराथन को एक सीक्वेंस में बनाया जाता है सोच समझ के प्लानिंग की जाती है है ना इतना बड़ा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाने के लिए यार तो एक सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में आप गायब होगे लिंक टूटेगी और फिर आपका एंडिंग खराब हो जाएगी इसलिए आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को पूरा का पूरा सेशन गौर से सुनना है बीच में आपको मैं ब्रेक देते रहूंगी उसका टेंशन नहीं लेना है बीच से उठ के कोई ब्रेक नहीं लेगा मैं आपको दूंगी ठीक so, है सो स्टार्ट करते हैं अपने एक प्यारी मोटिवेशनल लाइन से क्या है जी चलो ना हो ना उम्मीद ना अपना इरादा बदल तेरी कोशिश ही तेरी तकदीर बदलेगी तू अभी इस मोमेंट में जो कोशिश करने वाला है कि दो दिन बचाए भले ही बट मेरे एंड से जो मैं कोशिश कर सकता हूं मेरे एंड से जो अभी मैं ताकत लगा सकता हूँ वो मैं लगाऊंगा अगर आपने ये कर दिए तकदीर बदलेगी रिजल्ट अच्छा आएगा और आपको यही चीज को सपोर्ट करने के लिए आपके सामने मैराथन लाया गया है है ना तो रेडी बी रेडी ठीक है पेन पेपर लेकर बैठ जाइए इंग्लिश के पेपर फोड़ के आएगी ट्वेंटी को तो चलिए जी अभी अपन क्या करने वाले हैं आ जाओ इधर पे सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे राइटिंग स्किल से ठीक है ऑलमोस्ट अपने को लगने वाला है इसमें एक घंटा ठीक है चार राइटिंग स्किल करेंगे और अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो आपके सामने मैंने रिटर्न रिटन आप लोग विजुअलाइज कर पाओ कि हाँ भाई हमारा जब आंसर पेपर में लिखेगा लिखना है हमको तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए ठीक है तो एक घंटे का सेशन राइटिंग स्किल कितने मार्क्स का आएगा 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा तो 16 मार्क्स आप अपने को आज कवर करने हैं फिर अपना साढ़े चार से छह बजे नॉवल सेक्शन कवर करेंगे यानी कि डेढ़ घंटा यहाँ पे भी अपना 16 मार्क्स अपन कवर करने वाले हैं चारों नोवेल को पढ़कर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे बीच में ठीक है उसके बाद ग्रामर स्टार्ट करेंगे दो घंटे का ग्रामर अपना यहां पे चलेगा आपको पता है आपके एग्जाम में आठ से दस मार्क्स का ग्रामर पूछा जाता है तीन पैसेज अनसीन पैसेज में आपको ग्रामर पूछा जाता है यानी अपने आज ऑलमोस्ट 42 मार्क्स के चीजें कवर होगी और ये ऐसी टॉपिक्स है जहाँ पे आपको अपने ही दिमाग से लिखना है ये वो सारी टॉपिक है जो आपको पैराग्राफ अवेलेबल तो कुछ होगी नहीं ना नॉवल में पैराग्राफ आने वाला है ना ग्रामर में आएगा और ना ही राइटिंग स्किल में आएगा यानी ये सारी चीज भाई माइंड में रखनी पड़ेगी बाकी तो सीन अनसीन में तो पैराग्राफ है ना उससे काम चल जाएगा तो आज अपन क्या करेंगे वो सारी चीज़ करेंगे जिसमें पैराग्राफ नहीं आएगा अपने को अपना दिमाग से घर से पढ़ के जाना है ठीक है राइटिंग स्किल के फॉर्मेट मालूम होने चाहिए नॉवल्स की स्टोरी मालूम होने चाहिए और ग्रामर के रूल्स मालूम होने चाहिए समझ समझ में में आई बात आई तो फिर लाइक ठोक दो ताकि मोटिवेशन मिले और इसी के साथ कंटिन्यू तो चलो जी स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन राइटिंग स्किल्स से लेट बिगिन एवरीवन शुरू हो जाओ हेडलाइन डाल दो अपने नोट्स में राइटिंग स्किल्स सिक्सटीन सुनो गौर से पहले तो आपके एग्जाम में आपको टोटल चार राइटिंग स्किल अटेम्प्ट करनी है चारों राइटिंग स्किल में तीन तीन ऑप्शन अवेलेबल हो गए कंपल्सरी ऑप्शन आने वाले हैं आपके पास आजादी होगी लो भाई ये तीनों में से कोई भी एक अटैम्प करो ये तीन में से कोई एक करो इसमें से कोई एक इसमें से कोई एक आप बोलोगे कि मैम सबसे इजी और सबसे टाइम सेविंग कौन सा है चारों में से टोटल ट्वेल्व हो गए तो क्या बारह पढ़ के जाओगे इतना टाइम आपके पास है नहीं है ना तो क्या करेंगे हम हम जो है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज पढ़ने वाले हैं आज सबसे कन, क्या इसको कम टाइम कम क्या है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है दूसरा इंटरव्यू राइटिंग किसी भी हालत में ईमेल और रिपोर्ट के कंपेयर में हमेशा इंटरव्यू को चूज करने का ठीक है फिर स्पीच राइटिंग एंड अपना रिव्यू राइटिंग ठीक है बहुत इजी है तो ये एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके पढ़ने वाले हैं देखो रिक्वेस्ट करूंगी यार प्लीज अपनी पेन पेपर में लिखो ये सारी चीजें क्योंकि मैराथन जब खत्म होगा आपके पास एक पन्ना होना चाहिए छह से सात पेजों का जो आपको ये तीन चार घंटे में कुछ जो रिजल्ट मिला क्योंकि सिर्फ बैठ के सुनोगे मोबाइल में ईयरफोन लगा के तो तीन चार घंटे बाद इतनी सारी इंफॉर्मेशन कब उड़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा समझ में आए तो ना एक बार का मैराथॉन अटेम्प्ट करो नोट्स बनाओ और यही आपकी जो नोट्स होगी ना कल रिवाइज करना एग्जाम के एक घंटे पहले रिवाइज करना ठीक है मैराथन एक ही बार देखेगा मैराथन तो एक ही बार देखो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि तीन चार घंटे मैराथन दो बार देखोगे बिल्कुल नहीं एक बार देखो नोट्स नोट्स बनाओ वो नोट को पढ़ो कल परसो ठीक है चलो तो फिर आज की अपनी पहली टॉपिक ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज जिन्होंने यार पूरे साल अच्छे से पढ़ाई किया है ना उन बोल बोले अरे यार यार चिंदी टॉपिक और जो लोग ने अभी स्टार्ट किया लोग बोले भाई ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है क्या चलो जी ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज हैश टैग नंबर वन आज का सबसे पहला टॉपिक चार मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ठीक है दो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं कि आप अंदर कंटेंट क्या लिख रहे हो क्या आपने प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करे हो इसको लिखने के लिए तो आपको एक मार्क्स दिया जाएगा क्या आपने सारे ग्रामर स्पेलिंग एरर सही है तो एक मार्क्स दे दिया जाएगा टोटल चार मार्क्स मिलने की संभावना इसमें है में आपको चार मैं चार, मिल तो में चार, में चार मिलता है इसका फॉर्मेट लिख लो क्या फॉर्मेट रहेगा इसका ड्राफ्टिंग वर्चुअल जब भी अटेम्प्ट करोगे आप हेडलाइन डालोगे क्या लिखकर मैसेज कैपिटल लेटर एंड बोल्ड लेटर अभी मैं थोड़ा फास्ट जाने वाली हूँ ठीक है टॉपिक पे टॉपिक टॉपिक पे टॉपिक कवर होने वाली है तो नोट्स पे नोट्स बनाते जाओ हेडलाइन पे हेडलाइन डालते जाओ ठीक है तीन घंटे बाद आप जब नोट्स देखोगे ना तब बोलोगे अच्छा मैम ये बोल रहे थे ये रूल बताए ये कराए समझ में आया चलो सो आई होप आज का दिन जो है महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सेशन देख रहे होंगे इंग्लिश का और इससे बहुत फायदा होने वाला है सो so, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो जिसको इस मोमेंट में सबसे ज्यादा जरूरत है ठीक है काइंडली रिक्वेस्टिंग यू ऑल और हाँ, एक और एक चीज प्लीज, प्लीज प्लीज कमेंट से थोड़ा दूर रहो बहुत सारे बच्चे ना स्पैमिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ने आए ना उनका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ठीक है सो so, रिक्वेस्टिंग कोई भी बच्चा इधर पे स्पैमिंग नहीं करेगा टाइम पास नहीं करेगा अगर आपको टाइम पास करना है तो दूसरे चैनल्स है

अपना ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का सबसे पहली चीज क्या है आप हेडलाइन डालोगे अपने ड्राफ्टिंग वर्चुअल की हेडलाइन क्या होती है मैसेज लिखोगे कैपिटल लेटर लेटर में बोल में बोल्ड ठीक है ये अपना हो गया एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे डेट क्वेश्चन पेपर में डेट है तो वही कॉपी पेस्ट करेंगे डेट नहीं है तो अपने मन से कुछ भी डाल दो टाइम अगर क्वेश्चन में है तो वही डालो नहीं है तो अपने मन से डाल दो फिर जो इंसान को मैसेज लिखने वाले हो उसका नाम इधर पर आएगा एक लाइन छोड़कर आप अपना मैसेज फ्रेम करोगे मैक्स टू मैक्स पांच लाइन

ठीक है अब आपके एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज को लेकर हाईकोर्ट को बॉक्स में डाल दोगे तो अच्छी बात है नहीं डालोगे तो कोई ऐसे मेजर इशू नहीं है मतलब तो पूरा मैसेज जब बन जाएगा ना तो ऐसा बॉक्स में डाल देना नहीं डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है देखो दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज से रिलेटेड टाइप वन जहां पे आपको ना सिर्फ एक टॉपिक दी गई रहेगी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दी रहेगी कन्वर्जेशन नहीं दिया रहेगा कि कौन किसको क्या बोल रहा है बस इतना बोला रहेगा कि देखो भाई तुम जो है ना क्या कर रहे हो तुम एक रिलेटिव के हॉस्टल रूम में अटेंड कुछ ऐसा कर रहे हो मतलब कौन किसको मैसेज लिख रहा है बस इतनी इन्फॉर्मेशन होगी मैसेज क्या है वो आपको बनाना पड़ेगा अपने मन से कुछ भी इंफॉर्मेशन रीजन कि आप जो है स्कूल नहीं गए तीन चार दिन तो उसका रीजन लिखो अपने टीचर को तो आपको पता है कि मैसेज लिखेगा स्टूडेंट किसको लिखेगा टीचर को अब क्या लिखना है वो आप अपने मन से कुछ भी रीजन डाल दो ठीक है तो ये टाइप वन है ओके

जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनसे मिलने जाना है यानी आप उस फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाओगे तो यहाँ पे आपको मैसेज फ्रेम करना है तो क्या करोगे वही फॉर्मेट फॉलो करते हुए मैसेज डेट टाइम कुछ नहीं था ना अपने मन से डाल दो डेट डाल दिए टाइम डाल दिए ठीक है नाम वाम भी कुछ नहीं था अपने को सब करना पड़ेगा मतलब पहला टाइप ऐसे कि सब अपने को करना है पे नकली नाम डाल दिए प्रणाली ठीक है फिर क्या लिखे देखो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मतलब ऐसा कुछ लिखो कि आप बता रहे हो कि मैं जो है माफी मांगना चाहता हूं कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा ड्यू टू ड्यू टू देखो अर्जेंटली आई एम रशिंग टू दी हॉस्पिटल आई डिजीज दिस दिस इज नॉट की प्लेस सो दे आर शिफ्टिंग टू सिटी हॉस्पिटल एंड आई एम गोइंग टू विजिट हिम आई होप यू विल अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड माई एबसेंस इन योर बर्थडे पार्टी किसने लिखी है पूजा ने लिखी ये पहला टाइप है आपका ठीक है दूसरा टाइप दूसरा टाइप पहला टाइप का हाँ पहले टाइप का ये दूसरा अपना है सेकेंड टाइप देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू इज मोर इम्पोर्टेंट दिस इज मोर अब सेकेंड टाइप में आपको ना कॉन्वर्जेशन भी दिया रहेगा मतलब पूरा का पूरा ना सब कुछ दे दिया रहेगा बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और ये वाला ज्यादा पॉपुलर है और ये वाला फॉर्मेट आपके पिछले साल भी बोर्ड एग्जाम में आया था। है ना तो ये काम ज्यादा अपना आसान होने वाले तो देखो इधर पे ना क्या दिया रहेगा अपने को सब कुछ दे दिया रहेगा कि क्या कौन मैसेज लिख रहा है किसको लिख रहा है क्या लिख रहा है सब कुछ तो देखो रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन जो भी बच्चों ने ड्राफ्टिंग मैसेज पढ़ चुके हैं कमेंट में इसका करके बताओ कि बीच का कौन है रीड क्राफ्ट वर्क फ्री मैसेज बेस्ड ऑन योर इट शुड नॉट बी ठीक है अथर्व अथर्व ने क्या बोला मे आई स्पीक टू वसुंधरा अथर्व को किससे बात करनी है वसुंधरा से बात करनी है लेकिन कॉल किसने उठा लिया कॉल उठा दी सारिका ने तो सारिका ने क्या बोली एक्सट्रीमली सॉरी वसुंधरा जो है वो अभी घर पर नहीं है मैं जान सकती हूँ कौन बात कर रहा है तो अथर्व क्या बोलता है हर बैडमिंटन कोच फ्रॉम पुलेला बैडमिंटन एकेडमी जहां पे वो बैडमिंटन क्लासेस लगाती है उसके सर बोल रहे हैं विल यू टेक अ मैसेज फॉर हर मैं उससे कुछ मैसेज देना चाहता हूँ क्या तुम मेरी बात पहुंचा दोगी है ना तो यहाँ पे क्या होने वाला है अथर्व की बात सारिका किसको पहुंचाने वाली है वसुंधरा को पहुंचाने वाली है यानी ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा रहेगा पे तीन लोग रहेंगे, एक बीच का बंधु रहेगा बीच का बंदूक को ढूंढना क्योंकि यही बीच का बंदूक आप पकड़ लोगे तो वही मैसेज तो लिखने वाला है ना तो आप पहचान जाओगे ठीक है तो अपने से, इस क्वेश्चन में बीच का बंधु कौन है जल्दी बताओ हु इज द बीच का बंधु यस कौन बताएगा सारी का क्या बात है करेक्ट तो अथर्व का मैसेज सारी का वसुंधरा को पहुंचाएगी यहाँ की बात वहां करेगी बीच की कौन हुई यहाँ की बात वहां कर रही है अथर्व की बात वसुंधरा को पहुंचा रही है ठीक है तो देखो वो बोल रही बताओ जी हाँ क्या बोलना चाहते हो तो अथर्व क्या अथर्व का क्या मैसेज है प्लीज इन्फॉर्म हर डेट अब मेन मुद्दा इधर पर है देखो आंसर में ये सब चीज आंसर में क्या आएगा वो मैं बताती हूँ पहले पहले रीड कर ले क्या इन्फॉर्म करना है डेट दी विल रिमेन क्लोज फॉर द पीरियड ऑफ एट डेज एज द कोरोना पॉजिटिव केसेज आर फाउंड हाँ ये पिछले साल के क्वेश्चन थे इसलिए कोरोना आ गया एकेडमिक विल रीओपन फ्रॉम एटीन ओके ठीक है सारिका नो प्रॉब्लम सर है सारिका को क्या करना था स्विमिंग क्लासेस जाना था इसलिए उसने क्या करी वसुंधरा को मैसेज लिख दी और छोड़ दी ठीक है तो यहाँ पे इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है आपके आंसर में क्या कॉपी पेस्ट करना है आपके आंसर में आप सिर्फ और सिर्फ उतनी बात कॉपी पेस्ट करोगे जो अथर्व सारी का सॉरी वसुंधरा तक पहुंचाना चाहता था अथर्व वसुंधरा तक क्या पहुंचाना चाहता था वो बस इतना मैसेज पहुंचाना चाहता था कि उसको बोल देना एकेडमी जो है आठ दिन के लिए बंद रहेगी कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे तो आपके आंसर में इतनी ये सब इंफॉर्मेशन आएगी ही नहीं ऊपर की सिर्फ और सिर्फ कितनी इंफॉर्मेशन आएगी यहां से लेके एकेडमी ये 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 समझ में आया इतना कॉपी पेश करना है बस और कुछ नहीं चार लाइन कैसे लिखोगे यही मैसेज डालेंगे डेट टाइम अच्छा वो वाला फ्रेम कर लेते इधर पे था नहीं। इधर पे पे है जी कैसे फ्रेम करेंगे उसको बताओ जल्दी मान लो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है फटाफट हेडलाइन मिडल में लिख देंगे मैसेज ठीक है फिर क्या लिखते हम डेट डेट वेट कुछ था नहीं तो ऐसा मान लो अपन लिख रहे हैं 15 फेब 2023 फरवरी लिखना चलेगा कैसा भी लिखो बट लिखो मंथ ईयर एंड डेट तीनों आना चाहिए टाइम कुछ भी नहीं था मान लो 2 पीएम अपन ले रहे हैं मैसेज कौन लिख रहा है वो लास्ट में आएगा बीच का बंदू लास्ट में आएगा किसको लिखा जा रहा है वो इधर पे आएगा तो किसको लिखा जा रहा था मैसेज वसुंधरा को तो वसुंधरा का नाम पहले आएगा ठीक है हमेशा ड्राफ्टिंग क्वेश्चन मैसेज की शुरुआत कैसे होगी कि जिसने मैसेज भेजवाया है उसका नाम इधर पर आएगा ठीक है पहले अपन बोलेंगे कि वो है कौन योर बैडमिंटन कोच योर बैडमिंटन कोच हैड कॉल्ड अप ये लाइन को रट्टा मार लो योर बैडमिंटन कोच हैड कॉल्ड अप टू से डैट ठीक है ये लाइन ना लिख लेने का पहले और फिर शांति से बैठ जाने का इतना पहले फटाफट कर लेने का इतना आपका काम हो गया उसके बाद मैसेज क्या है पूरा एक साथ मिटाने पहले पूरे दिन से नहीं नहीं, नहीं लिखा हुआ नोटेशन पूरा गायब नहीं नहीं नहीं, नहीं। लेकिन मिटा लू पहले होता था बात नहीं बात नहीं से करती कर कोई बात तो अपन क्या करेंगे जैसे मैंने बताई थी अपने को इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन से अपने क्या काम की इन्फॉर्मेशन है वसुंधरा के काम की इन्फॉर्मेशन क्या है कि बस एकेडमिक जो है आठ दिन के लिए बंद रहेगी और वो कित आठ दिन के लिए सॉरी हाँ ठीक है एट नवंबर को ओपन होगी ये पूरी लाइन अपन क्या कर देंगे उधर पे कॉपी पेस्ट कर देंगे इधर पे ठीक है यहाँ पे पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर देने का और लास्ट में नाम आ जाएगा किसका बीच का बंधु का यानी सारी का, का नाम इधर पे लिख देंगे खत्म कहानी ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की बस इतना ही होता है कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है. ये टेंस लगाओ वो टेंस लगाओ मत सोचो अभी इतना टाइम नहीं है फॉर्मेट याद करो ये लिखूंगा डेट लिखूंगा टाइम लिखूंगा जिसको मैसेज भेजना है तो ये चीज अपनी ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की कहानी समझ में आ गई होगी देखो बच्चे लोग आप जब आंसर लिखोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए साफ सुथरा दिख रहा है ना कि मैसेज लिखा है डेट है टाइम है सामने वाले का दोनों का नाम अच्छे से लिया तो ये प्रेजेंटेशन अच्छा कब होगा जब आप बीच बीच में ऐसे स्पेस छोड़ोगे बीच में मिक्स मत कर देना कि पे स्पेस ही नहीं है और इसका नाम आपने इधर लिखे हो बिना लाइन छोड़े प्रेजेंटेशन मैटर्स इन लैंग्वेज सब्जेक्ट ठीक है तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चे लिखो आप लोग लिखोगे ना तो ऐसा कुछ दिखना चाहिए आपका फॉर्मेट लिखा हुआ अब ये बच्चे का देखो ये बच्चे ने क्या गलती कर दिया बेचारे ने इसने ओवर राइटिंग कर दिया ठीक है डेट टाइम ये सब तो ठीक है ये सब ठीक है बट इसने ना ओवर राइटिंग है मतलब बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया ये देखो एक दो तीन चार मतलब ऑलमोस्ट दस लाइन इतना बड़ा लिखना ही नहीं होता है ठीक है जो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए काम की नहीं है मतलब हाय क्या बात हुई मैंने उसको हाय बोली उसने मेरे को हाय बोला फिर उसने बोला आप कौन मैंने पूछी मैं ये वो सब बताना ही नहीं है उसको क्या मैसेज पहुंचाना था तो उतनी बात लिखनी है ठीक है तो ही आपका आंसर शॉर्ट बनेगा बस तो समझ में आ गया होगा अपना ये था ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की कहानी समाप्त होती है अभी आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज से रिलेटेड अगर नहीं है तो सेकंड राइटिंग स्किल अपनी जो कि है इंटरव्यू राइटिंग वही प्यारी है सबसे बेस्ट टॉपिक लगती है कहते इंटरव्यू राइटिंग वो करेगा कुछ डाउट है जल्दी बताओ डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स थैंक यू सो मच फॉर दी सुपर चैट्स एंड ऑल योर लव्स बस सेशन को लाइक कर दो ठीक है एंड जितना फायदा इसका उठा सकते हो उठाओ ओके कुछ डाउट है क्या जो मैसेज लिख रहा है जो मैसेज लिख रहा है यानी बीच का बंधु उसका नाम लास्ट में आएगा ठीक है उसका नाम जिसको मैसेज लिखा जा रहा है यानी सेंडर का नाम इधर पर आएगा और रिसीवर का नाम इधर पर आएगा चलो आगे बढ़ जाऊं। जाऊन पेन से बॉक्स बनाना है क्या ये तो बॉक्स बस प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं ना तो आप पेंसिल से बनाओगे तो भी चलेगा मतलब है ना पेन का इस्तेमाल आप कौन से काम में करोगे जब वो आपका आंसर हो जैसे कि माइंड मैपिंग वेब डायग्राम तो वेब डायग्राम और माइंड मैपिंग में आप जो है अपने आंसर को पेन से क्रिएट करोगे और ये तो बस अपन अपने आंसर को साफ सुथरा दिखाने के लिए कर रहे है ना अपने को वो इससे मार्क्स नहीं मिलेगा कि आप ये लाइन मारो तो आपके ऊपर पेन से से बनाओ पेंसिल आपके ऊपर कैसे भी करो चलेगा कोई वैसा मैटर नहीं करेगा बस माइंड मैपिंग को आपको किसी भी हालत में पेन से बनाना है ठीक है माइंड मैपिंग को पेंसिल से मत बना के चलो नेक्स्ट अपना है नंबर राइटिंग टू स्टार्ट कर दो फटाफट हेडलाइन डाल दो इंटरव्यू राइटिंग इसके ऑप्शन में क्या रहने वाला है कौन बताएगा इंटरव्यू राइटिंग right? आना सिंपल सा है ज्यादा ना इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इंटरव्यू अपन सबको पता है इंटरव्यू उसी इंसान के लेते हैं जिसने कुछ उखाड़ा है अपनी जिंदगी में क्योंकि अपन उससे कुछ सवाल पूछेंगे वो कुछ जवाब देगा उसका जवाब बाकी सारी पब्लिक को भी काम आएगा

टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से इंटरव्यू राइटिंग में भी दो तरीके क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पहला टाइप का अपना पहले फॉर्मेट देख लो आपको ना मार्क्स कब मिलेंगे जब दो मार्क्स आपको मिलेंगे आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाए हो और क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क होना चाहिए क्वेश्चन मार्क नहीं तो गया फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए फॉर्मेट में बताऊंगी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वगैरह और फिर देखो ग्रामेटिकल एरर अगर सब परफेक्ट है तो मिल जाएगा दो टाइप के क्वेश्चन है टाइप वन एंड टाइप टू टाइप टू थोड़ा न्यू है जहाँ पे आपको टेबल आता है ठीक है और टाइप वन में थ्योरी रहती है हमेशा याद रखो आपको थ्योरी वाला क्वेश्चन आए मतलब कुछ टेबल वेबल कुछ नहीं बनाए तो आपका फॉर्मेट क्या होगा आपका फॉर्मेट होगा कि मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है ठीक है फिर मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं ओके आठ से दस में क्वेश्चन बनाऊंगा और फिर कंक्लूजन दूंगा ये मेरा फॉर्मेट रहेगा टाइप वन का अगर आप टाइप अटेंड कर रहे और आपने नहीं लिखे ना, तो पंद्रह पचास सौ क्वेश्चन से दो ही देगा क्योंकि ना टेबल की तो, गया, तो यहां पे आप इंट्रो कंक्लूजन कुछ नहीं लिखोगे जैसा आपके एग्जामिनेशन में पेपर में टेबल बना हुआ है पहले वो टेबल कॉपी पेस्ट करना अपने आंसर में आंसर शीट में ठीक है मैं बताऊंगी अभी टेंशन लो टेबल जैसा है ना एज इट इज क्रिएट करने का अपने आंसर शीट में और फिर उसको फिल कर देने का ठीक है मतलब जितना उसने बोला है रोल यहाँ पे बस रोल लिखा है और बीच में जगह खाली है तो रोल का भर दो यहाँ पे ना इंट्रो आएगा ना कंक्लूजन आएगा जितना भर अब लोग हम के साथ समझाती हूँ आप लोगों को पहले टाइप वन का देखते हैं देखो तो ये टाइप वन का फॉर्मेट है आ जाओ इंट्रो लिखना है कंक्लूजन लिखना है इंट्रो कंक्लूजन रट्टा मार लो रट्टा मार लो क्या है रट्टा मारने वाली चीज ये ये आपका इंट्रोडक्शन है टाइप वन का मोस्ट पॉपुलर आज तक आपके एग्जामिनेशन में टेबल वाला नहीं आया है क्वेश्चन बैंक में देखो तो टेबल दिया हुआ है सैंपल पेपर में देखो तो टेबल दिया हुआ है मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि ये न्यू फॉर्मेट है कभी ना कभी तो टपक जाएगा टेबल वाला तो अभी कौन सी बैच पर टपकेगा अपने को नहीं पता आज तक तो नहीं टपका है टेबल वाला बस बोलते आएगा आएगा पर अभी तक आया नहीं है आज तक तो जितने भी इंटरव्यू आपके एग्जाम में आए हैं पिछले दस पंद्रह सालों से सारे टाइप वन से आए हैं यानी कि आपको इंट्रोडक्शन आठ क्वेश्चन एंड कंक्लूजन लिखकर आने होते हैं समझ में आई बात तो यहां पे अपन क्या करेंगे इंट्रोडक्शन देखो क्या है आप लड़की का ले रहे हो तो मैडम सर लिखने का कॉन्ग्रेचुलेषन फॉर योर सक्सेस हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेन ऐसा सब लिखने का इट इज दी ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑनर टू हैव सच अ ग्रेट गेस्ट लाइक यू टुडे वी आर वेरी मच ईगर टू लिसन यू एंड योर लाइफ वी प्रोसीड शेल वी प्रोसीड क्वेश्चन मार्क ये आपका इंट्रोडक्शन है रट लो यार इसको ठीक है आपके लिए ना रेडीमेड चीज लाई हूं ताकि आपका काम आसान हो इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे और बट नोट्स का इंतजार मत करो मैं रिकमेंड करूंगी कि यार अभी सब करते रहो अभी स्क्रीन लेते रहो अभी फटाफट नोट्स बनाते रहो जो भी क्वेश्चन में आपको स्टार मार्क दिख रहे हैं ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप हर किसी से पूछ सकते हो वो कोई सेलिब्रिटी हो डॉक्टर हो एक्टर हो स्पोर्ट्समैन हो कोई भी इंसान हो आप ये स्टार वाले क्वेश्चन सबके साथ चिपका के आ जाना जैसे कि देखो पहले हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्ट क्या बोल के करोगे फर्स्टली क्या बोल गए की हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर मैसेफ अचीवमेंट है ना सक्सेस आपको किसने इंस्पायर किया आपका रोल मॉडल कौन है आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है आपके चैलेंजेस क्या है आप एनजाइटी को कैसे हैंडल करते हो आप किसको थैंक यू बोलना चाहते हो फ्री टाइम में क्या करते हो कॉमन क्वेश्चन है ना रट लो ना अरे रटने की भी जरूरत नहीं है सब बीच के बस पॉइंट याद कर लो फीलिंग इंस्पायर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बन जाएगा क्वेश्चन पॉइंट याद रखो फीलिंग इंस्पायर्ड कौन करता है रोल मॉडल स्ट्रेंथ चैलेंजेस एंजाइटी है ना इंटरव्यू राइटिंग इंट्रोडक्शन रट लो इसके क्वेश्चन के पॉइंट्स रट लो समझ में फिर क्या बोली थी एक और कुछ है देखो कब आपने डिसाइड किए अगर मान लो एग्जाम में आया डॉक्टर का इंटरव्यू लो तो लिखोगे वैन यू डिसाइडेड टू बिकम डॉक्टर एग्जाम में आया कि सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लो तो आप क्या लिखोगे वैन यू डिसाइडेड टू बिकम सेलिब्रिटी ठीक है तो कब डिसाइड इंस्पिरेशन मैसेज हमेशा लास्ट आपका रहेगा ठीक है मतलब क्वेश्चन का फ्लो भी ना स्लो से एंड जाना चाहिए स्टार्ट एंडिंग 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 ऐसा तो एंडिंग क्वेश्चन अपना हमेशा क्या बोल के स्टार्ट होगा लास्टली यानी सामने वाले को तसल्ली होनी चाहिए हाँ भाई मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे अब मेरे को छुट्टी मिलेगी तो लास्टली वॉट वुड लाइक टू गिव अब देखो ये सारे सेट ऑफ क्वेश्चन ऐसे जो आप हर किसी से पूछ सकते हो बट आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप थोड़ा मन से भी दो तीन क्वेश्चन बना लेना जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले साल आपको आया था एमपीएससी के टॉपर के इंटरव्यू लो ठीक है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में किसने टॉप किया उसका इंटरव्यू लो तो वहां पे आप थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना कि भाई टॉपर थे तुम तुम्हारा स्टडी शेड्यूल क्या था क्या टिप्स एंड ट्रिक्स तुम अपनाते थे अपने फास्ट रिवीजन के लिए है ना, ना तो दो तीन क्वेश्चन अपने मन से बनाना अकॉर्डिंग टू जो भी आपको

आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उसके साथ और आप उसको ऑल द बेस्ट बोल के गुड बाय बोल के टाटा कर दोगे तो मुझे में आ गया टाइप वन डिफरेंस से समझो क्योंकि ना बच्चे बहुत गलती करते हैं टाइप समझते नहीं है कि मेरे को टेबल आया है कि थ्योरी आया है टेबल पूछा है मतलब प्रीलियम में बच्चों को टेबल आया था तो लोग ऐसा बना के आए फिर मेरे को मेरे को स्क्रीन शॉट भेज रहे कि मैम हमने आंसर अटैम्प्ट करे हमको मार्क्स नहीं मिले मैंने बोली यार यार टेबल वाला था तो मैंने साफ साफ बोली थी टेबल वाले में इंट्रो कंक्लूजन नहीं आएगा एज इट इज बना के आना

एरिया ऑफ सक्सेस ऑफ कोर्स क्रिकेट डेट वेन्यू एंड टाइम डेट कोई भी डाल दो समझो अठारह आपने थाउजेंड फेब 2023 वेन्यू हमेशा अच्छा चूज करोगे विराट कोहली का इंटरव्यू ले रहे हो तो क्या कहीं सड़क पे बैठ के लोग नहीं ना गली कुछ कोई अच्छा ऑडिटोरियम या कॉलेज का कहीं ऑफिस कुछ ऐसा नाम लिखना तो कोई भी है ना नकली नाम याद करो ऐसा याद रखो गांधी ऑडिटोरियम ठीक है गांधी ऑडिटोरियम या आपका वेन्यू हो गया छोटा सा नाम लिखना बड़ा एड्रेस मत लिख देना और टाइम क्योंकि एड्रेस और वेन्यू में फर्क होता है टाइम कोई भी टाइम लिख दो इंटरव्यू ज्यादातर ऐसे शाम सुबह में होते हैं तो छो सिक्स पी एम ठीक है विराट कोहली आपको क्या लगता है दो घंटे का इंटरव्यू देगा आपको इतना टाइम है उसके पास नहीं ना तो थर्टी मिनट्स मैक्स टू मैक्स थर्टी मिनट्स क्या है वो ड्यूरेशन आपने कितना टाइम तक आपका इंटरव्यू चला तो मैक्स टू मैक्स थर्टी मिनी मतलब फोर्टी फाइव लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस उससे ज्यादा मत जाना फोर्टी फाइव ठीक ही है ऐसा भर देने का

च सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन अर्ली स्कूल डेज इसने कुछ ऐसा बनाया आप ऐसा भी बना सकते हो हाउ वॉज योर स्टूडेंट लाइफ ऐसा भी पूछ सकते हो कोई इसमें इशू नहीं है ठीक है बस मेन थीम क्या है कि आपके क्वेश्चन में ये स्टूडेंट लाइफ वर्ड आना चाहिए ठीक है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो हाउ वॉज योर स्टूडेंट लाइफ आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी तो बताएगा कि अच्छा था बुरा था बैक बेंचर था फर्स्ट बेंचर था जो भी था ठीक है तो हाउ बोल के दर पर अपन स्टार्ट करेंगे अर्ली इंटरेस्ट आपका क्रिकेट से पहले क्या और

क्रिकेट की जब जिंदगी शुरुआत किए थे ट्रेनिंग तो स्टार्टिंग कहाँ से आप ट्रेनिंग लेते थे है ना तो उसके बेस पर पे अपने क्वेश्चन बनाएंगे कि हु आर योर कोच समझ मैंने मतलब एक टॉपिक दिया रहेगा उसके बेस पे क्वेश्चन बनाना है इतना तो कर लोगे ना वॉट आर योर टारगेट फ्यूचर टारगेट्स या वॉट आर योर एक्म्प्लिशमेंट अचीवमेंट यानी ठीक है अपॉर्चुनिटीज सजेशन क्या देना चाहोगे हमेशा बताई थी लास्ट क्वेश्चन सजेशन वॉट आर सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू द अपकमिंग एस्परेंट्स क्रिकेटर्स जो भी है बस खत्म हो गया ना इंट्रो रहेगा ना कंफ्यूजन रहेगा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके डब्बे को बस भरना है ठीक है समझ में आ गया समझ में आया कैसे फ्रेम करना है आपका आंसर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए अगर टेबल तो इसने प्रियंका चोपड़ा एंटरटेनमेंट एक्टिंग ठीक है डेट देखो ऐसा भी लिख सकते हो चल जाएगा डेट वेन्यू टाइम गुलमोहर हॉल ड्यूरेशन हाँ इंस्पिरेशन हु योर इंस्पिरेशन प्रिपेरेशन क्या प्रीपेरेशन थी मतलब मेन right. अपना इंटरव्यू में डब्ल्यू एच क्वेश्चन ही रहेगा कि आप कौन से क्वेश्चन से अपने आंसर की शुरुआत कर रहे हो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाय हाउ बिचारा डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं होता लेकिन डब्ल्यू एच ही है वो ठीक है ऐसे करके बहुत सारे तो इसी से आपके आंसर की शुरुआत होनी चाहिए डब्ल्यू एच से ठीक है हु हु हाउ हाउ जो भी what, कितना भी कितना लो तो ये थी अपनी किसकी कहानी देखो ऐसा भी लिख सकते हो लग रहा है मतलब मैं पेपर चेक करती थी तो मुझे बहुत सारे बच्चों के आंसर परफेक्ट लगते थे। मतलब ये ऐसा नहीं कि हर बच्चे ऐसा आंसर लिखता है कितने में अगर सौ डेढ़ सौ पेपर चेक करती हूँ ना उसमें से कुछ ही बच्चे होते हैं जिनका प्रेजेंटेशन आंसर कंटेंट ऐसा निकल के आता है वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई स्पेलिंग एरर है, एरर है कटम कुटी है ये इधर जा जा रहे वो जा रहे हैं हैं उधर क्लियरली दी दिख रहे हैं प्रेजेंटेशन के साथ खिलवाड़ है तो आप जब जब इमेजिन करो कि आपका जब आंसर बनकर आए ना तो एक बार इसको ना एक बार लिखने की कोशिश करो आप देखो कि मैं जब लिखता हूँ तो मेरा आंसर बन पा रहा है क्या अच्छे फॉर्मेट में खुद आपको आइडिया मिलेगा ठीक है तो बस ये थी अपनी इंटरव्यू राइटिंग की कहानी आई होप समझ में आ गई होगी अभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या बात है आज तो अपन महाराष्ट्र का रिकॉर्ड ब्रेक ब्रेक करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम में लगभग बच्चे अपने को देख रहे हैं क्या बात है यार जज्बा देखो आप सबका है ना दो दिन पहले भी मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी अपने अंदर उम्मीद रखे हैं कि हाँ भाई मैं अब भी कर सकता हूँ है ना इसलिए तो आए हो इसलिए तो पढ़ रहे हो वरना आपके पास ऑप्शन है ना जाके सो सकते हो तो क्या बात है क्लियर इंटरव्यू कहानी समझ गई दो टाइप का टेबल और थ्योरी अभी अपन बढ़ते हैं हैशटैग नंबर स्पीच स्पीच राइटिंग स्पीछ राइटिंग आ जाइए जल्दी जल्दी लाइक ठोको <laughs> क्या बात है कभी नहीं भूला जाएगा यार ये दिन तो <laughs> हर जगह सेशन लाइव महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट अपना तो न्यू इंडियन एरा इतना बड़ा चैनल है अपने महाराष्ट्र का वहां पे भी कितने लगभग बच्चे देख रहे हैं इधर इधर पे पे क्या बात है इधर पे भी पांच हजार लगभग दस हजार से ज्यादा बच्चे क्या बात ग्रेट इंग्लिश में फोड़े गए इंग्लिश में तो फोड़ना है किसी भी हालत में यार जो मिथ बना हुआ था ना इंग्लिश अपने मार्क्स डाउन करवा देता है इंग्लिश में तो पैसे से काम हो जाता है नहीं कर ले

स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स के लिए है आपके लिए कौन है वो लोग आपके फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स और और एक और चीफ गेस्ट आते हैं ना इवेंट होता है चीफ गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे अपन गेस्ट लिख देंगे तो ये चार लोग की ऑडियंस है और अपने को खड़े रह के ना अपने स्कूल के सामने कॉलेज के सामने स्पीच देना है तो सबसे पहले स्पीच की शुरुआत हम क्या बोल के करते हैं ग्रीटिंग करके इसका देखो इसका फॉर्मेट अपना मार्क्स uh, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंट्रोडक्शन पे मार्क्स है इंट्रोडक्शन क्या देना है आपको ग्रीटिंग जो आपकी ऑडियंस है ना ग्रीटिंग टू ऑडियंस को ग्रीट करना है, इस पे एक है, फिर वो को बोलना है कि आपका भाषण सुने शांति से बैठ के तो उस पर वो लोग को एक मार्क्स देना है मिलेगा आप लोगों को और फिर बीच में जो आप जो भी बोले रहोगे जो भी अपना प्रिपरेशन करके आए होगे कंटेंट लिखोगे उस पर आपको दो मार्क्स है तो क्या हम ये नहीं कर सकते ग्रीटिंग और कंक्लूजन घर से याद करके चले जाए तो भाई दो मार्क्स आधे मार्क्स तो जेब में है ना पहले से बाद में तो सिंपल टॉपिक ही आएगी हम्म सोशल टॉपिक आ सकती है कोई भी स्पेशल डे मतलब टीचर डे है फादर डे है इंडिपेंडेंस डे है रिपब्लिक डे है और आपको खड़ा कर दिया स्पीच देने के लिए कोई प्रोवब है

ना दुख किस बात का हो रहा है आप लोगों को <laughs> कुछ बच्चों सेशन पर ध्यान दो सब कुछ हो जाएगा ठीक है सोशल टॉपिक क्या होती है फॉर एग्जाम्पल कि वुमन लोग के साथ जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती रहती है वो अपनी एक सोशल टॉपिक है ठीक है मतलब सेफ्टी फॉर वुमन हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी कि बच्चे लोग को एजुकेशन नहीं है पावर्टी ठीक है गरीबी तो ये सारी अपने सोशल टॉपिक है जो सोसाइटी लेवल पे प्रॉब्लम चलती रहती है ना उसके ऊपर आपको खड़ा कर दिया बोलने के लिए तो ये आपके ना आपके मतलब पिछले सालों में कुछ ऐसी टॉपिक्स मिली है कभी इस पे आते कभी इस पे कभी उस पर कभी उस पर ठीक है तो अपन क्या कर सकते हैं फिलहाल इस मोमेंट में पिछले साल तो ये आया था मार्क्स फॉर सेफ्टी पे टू टू कि भाई मार्क्स फॉर सेफ्टी के ऊपर आपको खड़ा कर दिया स्पीच दो तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे ये लाइन ये 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 को, को ग्रीटिंग करने ना। है ना ऑडियंस में कौन है गेस्ट है इसके सामने डिस्टिंग लगा दिए दूसरा कौन था प्रिंसिपल इसके साथ रिस्पेक्टेड लगा दिए तीसरा कौन था टीचर इसके साथ एस्टीम्ड लगा दिए और फिर फोर्थ कौन थे फ्रेंड्स उनके साथ डियर लगा दिए टुडे आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन द टॉपिक इतना लिख लेने का इतना लिखोगे तो आपके एक मार्क्स जेब में आ गए जो भी टॉपिक दी गई होगी फॉर एग्जाम्पल ट्री प्लांटेशन आया है तो आपके आगे क्या क्या आ जाएगा ट्री प्लांटेशन इसको आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखोगे टॉपिक को ठीक है फिर नेक्स्ट का जो पैराग्राफ होगा ये ना आप क्या समझना कि मैं निबंध लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं मैं ऐसे लिख रहा हूं मतलब देखो अभी ट्री प्लांटेशन यार बचपन मतलब साल का बच्चा को भी और आज क्या हालत हो रही है, दिफोरेस्टेशन। में दिफोरेस्टेशन हो रहा है ट्री प्लांटेशन करना पड़ कुछ भी लिखो कोई भी एंगल पे लेके जाओ आपका थीम बस होना चाहिए ट्री प्लांटेशन ट्री प्लांटेशन ऐसे करके आप क्या करो दो पैराग्राफ बनाओ ठीक है बीच बीच में आप स्पीच कर रहे हो स्पीच दे रहे हो यानी सामने के साथ एंगेजमेंट शो होना चाहिए ना तो आप क्या करना चार पांच सेंटेंस बोल रहे हो ना तो बीच बीच में ऐसा माय फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स यू नो ऐसे ऐसे वर्ड्स बीच बीच में ना लगाते रहना ताकि ना वो आपका एंगेजिंग बने ठीक है ये दो पैराग्राफ आपके हो गए लास्ट तो अपना कहा गया ये, आपका इस पे एक मार्क्स मै ना एंडिंग इसको रट लो हाँ थोड़ा चेंजेस कर सकते हो जरूरी नहीं सेम ही पता चले सेम फॉर्मेट लिख दिए बोलेगा भाई ये क्या है ना बैक बैक सेम सेम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है क्या है एंडिंग देखो देट कम टू एन एंड ऑफ माई स्पीच आई हमली थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली थैंक यू गुड बाय ठीक है कुछ भी बोलो इसपे आपको एक मार्क्स दिए जाएंगे मतलब यार दो मार्क्स तो पक्के कर दी मैंने आप लोगों के इंटरव्यू में भी ड्राफ्टिंग ऑर्चल मैसेज में भी इधर पे भी आपको रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन देख मेन बीच की कहानी ना क्योंकि देखो पता नहीं है ना एग्जाम में आएगा क्या ना मैं को मालूम है ना आपको मालूम है बस इतनी गारंटी है कि कोई ऐसी टॉपिक होगी जो आप लिख लोगे ट्री के ऊपर पॉल्यूशन के ऊपर वुमेन के ऊपर चिल्ड्रन के ऊपर पावर्टी के ऊपर रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों बच्चे पेपर देने वाले तो जनरल टॉपिक होगी कोई स्पेसिफिक फील्ड से उठा के नहीं पूछा जाए ये ऐसा आंसर क्वेश्चन पूछ ले कि आठ सोलह बच्चा दे नहीं पा रहा आंसर ऐसा नहीं हो सकता ठीक है तो मुझे पता है मुझे आप पे विश्वास है कि कोई भी स्पीच राइटिंग आए आप बीच का कंटेंट अपने मन से भर दोगे इंट्रो एंड कंक्लूजन याद कर लेना आपके साढ़े तीन मार्क्स पक्के हो गए ठीक है चार में से यहाँ पे देखो कौन है फ्रेंड्स ऑफ ट्रीज

बताओ जल्दी कमेंट में चार ऑडियंस कौन रहेगी आपकी कौन बताएगा कमेंट में कमेंट बताओ चार गेस्ट आपके स्पीच राइटिंग में कौन रहेंगे गेस्ट क्या बात है ओके यस एब्सोल्युटली करेक्ट कौन है ये कौन है ये कौन है हेमंत सिंह वेदांत आनिया यस एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है गेस्ट प्रिंसिपल टीचर्स स्टूडेंट सीक्वेंस भी बड़े से छोटा जाना चाहिए ऐसा नहीं कि पहले फ्रेंड को ग्रीट कर दिए डिस्टिंग्विश फ्रेंड्स डियर गेस्ट ऐसा उल्टा मत कर देना डिस्टिंग्विश गेस्ट फिर उसके बाद प्रिंसिपल फिर टीचर फिर स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस बड़े से छोटा जाना चाहिए चलिए जी लास्ट राइटिंग स्किल आज के सेशन का हमारा सिपाहियों हैशटैग नंबर फोर फाइनली लास्ट टॉपिक रिव्यू राइटिंग ओहो यहां पे तो आप घूम मचाओगे ना रिव्यू राइटिंग में चलो सबको पता है यार कि रिव्यू राइटिंग मतलब क्या आपके एग्जाम में अब तक तो इतना पता चल गया होगा हर एक बच्चे को इतना अपने पेपर दिए कॉलेज में कि में कि आपके एग्जाम बुक रिव्यू पे आपको क्वेश्चन आ सकता है या फिल्म रिव्यू पे आ सकता है बट सिलेबस में दो चीज और है पता है कहाँ है वो चीज दो मैगजीन भी है थर्ड वाला और कोई वीडियो वीडियो यानी कोई यूट्यूब वीडियो की बात हो रही है या कोई भी दूसरा कई ऐसी कई वीडियो आपने देख लिया ठीक है तो ये चार टॉपिक के ऊपर आपको रिव्यू राइटिंग आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूवी पहले मूवी को रटो ये हो गया उसके बाद बुक मेरे हिसाब से ये दो ही करके जाओ ये दोनों को स्किप कर दोगे तो हो जाए नहीं मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने इतने सारे सैंपल पेपर देखी बच्चों के बहुत सारे प्रीलियम पेपर उठा उठा के देखी पिछले साल के में भी नहीं है क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है मतलब पिछले साल का क्वेश्चन बैंक में भी नहीं आया था इस साल के उसमें भी नहीं तो यहाँ पे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है ठीक है मैगजीन पे क्या रिव्यू लिखेगा वीडियो आ गया वीडियो तो अपने मन से बना देना बट ये वाला बहुत है इसके ये दोनों के ज्यादा चांसेस है तो देखो अभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अपने कभी में एक, एक एक नहीं देखे, ऐसा हो सकता है क्या पे इतना भोला बच्चा है कि मैं कभी जिंदगी में मूवी नहीं देखा उसने कोई देखे हो गना एक मूवी देखे रहोगे वही मूवी लिख दो ना यार स्टोरी में बस उन लोग के गूगल में जाओ उन लोग के एक्टर का नाम क्या था फिल्म में और ओरिजिनल नाम क्या है डायरेक्टर का नाम दो तीन सॉन्ग के नाम बस बाकी अपना पूरा देना यहाँ पे कोई आपका वो नहीं है उठा के कि एग्जामिनर भी बैठ के देखेगा कि आपने स्टोरी एकदम परफेक्ट हो या नहीं फिल्म रिव्यू रिव्यू, रिव्यू देखो नाम सही है कि आप अपना ओपिनियन कहीं ना कहीं इसमें शो करोगे एट्टी परसेंट ऑफ टाइम देखो आप क्या करोगे कि आपने फिल्म देखी आपको कैसी लगी तो आपको अपना अपना शो करना है अपने दोस्त को कैसे बताते हो कि मैंने पठान मूवी देखा मेरे को तो कैसा ऐसी लगी वैसी लगी कैसे बताते हो अपने दोस्त को वैसी बताना ठीक है बुक रिव्यू देखो ये मैंने ना ये पीडीएफ में आपको दे दूंगी ना तो इसमें मैंने बुक रिव्यू एक रेडीमेड डाल ली ये अपना कौन सा बुक रिव्यू है विंग्स ऑफ तो फायर अभी आप बोल गए मैम ठीक है समझ में आ गया इसमें कुछ और कर सकते क्या समझ में तो आ गया है बट इसमें भी हमको कुछ रेडीमेड चीज दे दो ना तो अपन क्या करेंगे फॉर एग्जाम्पल बुक रिव्यू आया तो आप पहले जो भी बुक का रिव्यू देने वाले हो उसका नाम लिखोगे दो डॉट डालने का और फिर उसके बाद ये लिखने का अ बुक एवरी वन नीड्स टू गिव अ चांस ये टाइटल है आपका टाइटल पे मार्क्स होते टाइटल पे मार्क्स होते हैं। मतलब आप स्टार्टिंग में ही बता रहे हो कि आपका रिव्यू क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये बुक आपने पढ़े आपको एक हफ्ता लगा तो आप सामने वाले को क्या रिकमेंडेशन दे रहे हो आप बोल रहे हो कि हाँ भाई ये बुक है ना एवरी वन नीड टू गिव अ चांस हर लोग को ये बुक पढ़नी चाहिए तो ये आपका टाइटल में आना चाहिए कोई भी बुक हो आगे लिख दो फिर आपकी पूरी कहानी दर पर आ जाएगी आपके एग्जाम में पॉइंट्स दिए रहेंगे ठीक है और एंडिंग एंडिंग आपकी ये रहेगी कि आप

एंडिंग क्या करोगे माय रेटिंग पांच स्टार ऐसा बना देने का जितना स्टार आप देना चाहते हो उतने स्टार भर देने का बनाने का पांच जितना देते हो उतना भर दो बाकी खाली छोड़ दो ठीक है और बीच में पूरा आपका कंटेंट रहेगा फिल्म पे भी यहाँ पे मैंने रेडीमेड डाल दी हूँ डियर जिंदगी पे मैंने डाली अ अ अ मूवी नीड्स टू गिव चांस या मूवी अ मस्ट वॉच मूवी लिखो अब यहाँ पे मैं मूवी समझाते तो नहीं बैठूंगी ना यार अभी इतना थोड़ी क्या करूं मैं तो यहाँ पे पूरा है आपका मूवी की पूरी की पूरी कहानी ठीक है रिव्यू कौन सा हाँ रिव्यू राइटिंग फिल्म पे है सुपर थर्टी ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें इसलिए मैं नहीं बता रही हूं, बस मैंने आपको क्या बोली हूँ पूरा कंटेंट पूरा इधर पर दोगे पूरी स्टोरी आपको नहीं समझानी है मतलब स्टोरी तो समझानी है बट उसमें आपको अपना ओपिनियन भी व्यक्त करना है कि आपको ये मूवी क्यों अच्छी लगी कौन कौन से पॉइंट आपको लेकर यहाँ पे जाने हैं पहले तो कास्ट कौन कौन से इसमें हीरो uh, हीरोइन hero, है मेजर कैरेक्टर कौन है प्रोटेगनिस्ट कौन है साइड कैरेक्टर कौन है ठीक है थोड़ा सा सॉन्ग्स अगर मूवी है तो सॉन्ग्स पोयम है तो लैंग्वेज मूवी तो है तो सॉन्ग कैसा था डायरेक्शन कैसा था सेटिंग कैसी थी और अगर बुक है तो लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल की गई है उसके बारे में बात करूँ एक सिंपल लैंग्वेज है ठीक है थर्ड पर्सन बन के लिखा गया है ऑटो तो जो भी है ठीक है और क्या होता है मूवी में एनिमेशन की बात हो सकती है कि एनिमेशन कैसा इस्तेमाल किया गया है मतलब एग्जाम्पल दे देके कि फॉर एग्जाम्पल आप पठान मूवी का दे रहे हो रिव्यू राइटिंग तो आप एनिमेशन की तारीफ कर रहे हो तो कोई एक सीन समझा देना ठीक है कोई भी एक सीन का एग्जाम्पल देके समझा देना उस मूवी में कि वो दीपिका पादुकोण शाहरुख खान जो भी ठीक है ऐसा कम से कम आप चार से पांच अलग अलग पॉइंट्स कवर करोगे अलग अलग पॉइंट्स हाँ देखो कास्ट के बारे में बताइए एक पॉइंट हुआ सॉन्ग के बारे में बताइए दूसरा पॉइंट एनिमेशन तीसरा पॉइंट ऐसा करके कम से कम पांच पॉइंट लेकर जाना चार मार्क्स का क्वेश्चन है पांच पॉइंट लिखेगा एक मार्क्स एक्स्ट्रा मतलब एक बोनस थोड़ा एक एक्स्ट्रा अपन एक कदम आगे चले गए हमेशा ठीक है चार मार्क्स की चीज पांच पॉइंट एग्जाम्पल ठीक है इंट्रो मैंने बता दी हेडिंग और कंफ्यूजन वाला बस आपका इतना ही रहेगा फिर वो बुक रिव्यू हो या फिल्म रिव्यू हो एक ही कहानी रहेगी समझ में आ गई होगी बातें बताओ समझ में आ गई हाँ जी अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमको अपील अटेम्प्ट करना है तो बिल्कुल करो आपके पास आजादी है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस इसमें अच्छी बात ये होती है कि हम घर से याद करके जा सकते हैं क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं दिया रहेगा कि आपको ना यही मूवी के ऊपर लिखना है यही बुक पे नहीं आपको बोलेगा कि ये बुक तुमने पढ़े लिख दो ये मूवी ये मूवी आपने देखे इस पर लिख दो तो घर से याद करके जाएगा तो काम आसान ना अपील अब अप पता नहीं कौन से टॉपिक पे अपील आ जाए उस वक्त क्रिएटिविटी अपनी चलेगी दिमाग में नहीं चलेगी तो बोल नहीं सकते पॉइंट्स याद आएंगे नहीं याद आएंगे इसमें तो घर से याद करके जाएंगे ना छे पॉइंट इंट्रो है रेटिंग है इसी पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है साढ़े तीन पक्के हो जाएंगे तो समझ में आ गई होगी कहानी अपनी यहाँ पे खत्म होती है राइटिंग स्किल की हमने ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज इंटरव्यू राइटिंग स्पीच राइटिंग एंड रिव्यू राइटिंग को कंप्लीट कर दिए है जैसे कि मैंने आपको बताई थी कितना बज रहा है जी तीन से साढ़े चार का टाइम पंद्रह मिनट पहले हो गया चलो अच्छी बात है तो क्या आपको छोड़ दिया जाएगा नहीं जी जब तक हम क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करें चलो तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पांच पाँच मिनट का कि पाँच सेकंड का <laughs> पाँच सेकंड का ये क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करें समझ में आ गया होगा खुशी देखो थैंक यू सो मच अरे यार ये तो कौन ही अफवाह फैलाते हैं अचानक से बर्थडे बर्थडे करके किसका यहाँ पे किसी का भी बर्थडे नहीं है क्यों क्यों जबरदस्ती हम्म hmm, नॉवेल भी आ रहा है सबका टाइम आएगा टेंशन मत लो राइटिंग स्किल के बाद अपना नॉवेल भी स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे ये चीज मैंने आपके लिए लाई हूं इसको रीड करो ज्यादा आप लोगों के लिए अभी तो बस एक सेक्शन हुआ है आपको क्या लग रहा है कहानी खत्म या एग्जाम दे दोगे तो कहानी खत्म अभी तो असली उड़ान बाकी है बेटा तेरी अभी तो असली उड़ान बाकी है अभी तो असली इम्तिहान बाकी है अभी तेरा असली इम्तिहान बाकी है अभी तो सिर्फ लांघा है तूने समुद्र अभी तो सिर्फ लांघा है तूने समुद्र अभी तो तेरा पूरा आसमान बाकी है यानी कि अभी तो अपन ने क्या करे है कि छोटा सा पार्ट कंप्लीट किए है आपको अभी बहुत दूर तक जाना है ठीक है एग्जाम में भी फोड़ के आना है ऐसा नहीं कि बस हाँ थोड़ा सा मैराथन देख लिए, प्रिपेयर हो गए फिर ऐसा ऐसा नहीं पूरा एंड तक एग्जाम के आने तक आपका जोश वही रहना चाहिए रिजल्ट के दिन तक ठीक है so, सो इसी के साथ हम आसमान बाकी है करके जाते हैं न्यू सेक्शन की तरफ जो कि है अपना नॉवल सेक्शन हाँ चलो आने से पहले ना मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछती हूँ राइटिंग स्किल से रिलेटेड ठीक है नॉवल सेक्शन स्टार्ट करने से पहले राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि साढ़े चार बजे सेशन समाप्त होगा बट पंद्रह मिनट पहले हो गया है तो चलो मुझे बताओ कि आपके सामने एक क्वेश्चन है इसमें से ना बीच का मतलब सेंडर कौन है रिसीवर कौन है देखो जना यू आर संजना पर्सनल असिस्टेंट टू मिस सेन शी वॉज अवे अटेंडिंग अलियर है क्या ah, एकदम क्लियर है ना तो बताओ वेन मिस्टर सावंत रैंगू स्पोक टू हिम एंड क्या जॉटेड डाउन हिस्स मैसेज इन योर नोटपैड ड्राफ्ट मैसेज फॉर मिस सेन यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन योर नोटपैड सावंत ये पूरी इंफॉर्मेशन इधर बताओ जी सेंडर कौन है यानी बीच का बंधु और रिसीवर कौन है किसको मैसेज लिखा जाए बताओ कमेंट में जल्दी पहचान के संजना लिखकर बताओ ना कौन रिसीवर है और कौन रिसीवर है और सेंडर है यस yes, बिल्कुल तो यहां पर संजना जो है वो अपनी कौन है बीच की बंधु है ठीक है सेंडर संजना है और रिसीवर कौन है रिसीवर है मिस सेन ठीक है मिस सेन को मैसेज लिखने वाली है संजना किसका मैसेज पहुंचाएगी किसका मैसेज पहुंचाएगी सावंत का मिस्टर सावंत का ठीक है क्या मैसेज है मैसेज यह है कि उसने दो बजे कॉल किया था उसने आपकी भेजाई हुई सीडी को उसको अ, मिल गई है उसे पोस्टर भी मिल गए हैं वो कल आपके यहाँ पे आने वाले आपको थैंक यू बोलने के लिए और चेक को पर्सनली देने के लिए बस खत्म ठीक है मुझे ये बताओ कि आपके एग्जाम में बाई चांस आपको आ जाता है कि एक ना सोशल वर्कर का इंटरव्यू लेना है तो आप अपना और टाइप वन का क्वेश्चन है ठीक है यानी टेबल वेबल नहीं है तो क्या कोई मुझे इंट्रोडक्शन लिख के बता सकता है कमेंट सेक्शन में क्योंकि इंट्रोडक्शन के एक मार्क्स है बताओ क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे सोशल वर्कर इंट्रोडक्शन कौन बताएगा चलो आज अभी सब पता चल जाएगा कौन डिटेल में पढ़ रहा है अच्छे से पढ़ रहा है और कौन क्या लिखोगे मैं आपको देती हूं बीस दस पंद्रह बीस सेकेंड देती हूं चलो कौन बताएगा टाइप वन से इंटरव्यू क्वेश्चन आया है सोशल वर्कर का आपको लेना है इंट्रोडक्शन क्या बोल के शुरू करोगे वाह मैसेज डेट लिखेंगे वाह 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 ड्राफ्टिंग में चल मैसेज चल रहा है जो डेट लिखोगे गुड मॉर्निंग क्या बात है जी यस क्या बात है देखो यार कमेंट सेक्शन का फायदा उठाओ बट आप लोग आंसर दो ना आपकी प्रैक्टिस भी होगी ना कमेंट सेक्शन में आप लिख रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस पढ़ते भी जा रहे हो प्रैक्टिस भी करते जा रहे हो तो दूसरे बच्चों के भी आंसर देखने मिल रहे हैं तो टाइम पास मत करो जो बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो बोल रही यस yes, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेन ऑन योर सक्सेस टू इनफॉर्म बी प्रोसीड यस बिल्कुल क्या बात है तो बहुत सारे बच्चों ने इधर करेक्ट आंसर दिए जैसे साक्षी गणेश पूजा विवेक गौतम यस yes, बिल्कुल ठीक है तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है फिर आपको पता है आठ से दस क्वेश्चन पूछना डब्लू एच क्वेश्चन और फिर कंक्लूजन दे देना थैंक यू बोल देना दो तीन लाइन का कंक्लूजन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीच राइटिंग मान लो आपके एग्जाम में जो सेम क्वेश्चन आ गया उठा के इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ और आपको बोला है कि इसका स्पीच राइटिंग बनाओ तो आप क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे क्या अपने आंसर की शुरुआत करोगे देखो सबसे ना ना इंपॉर्टेंट होता 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 है 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 स्टार्ट 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 करना एक बार आंसर आंसर अच्छा start है. की शुरुआत अच्छी होती है ना तो आप पे भी कॉन्फिडेंस आता है फटाफट भर देते हो और एग्जामिनर भी में आपका स्टार्टिंग के चार पांच लाइन पढ़ता है इंप्रेशन अच्छा पड़ता है ठीक है तो हमेशा ना इंट्रोडक्शन तगड़ा होना चाहिए टाइटल अच्छे होने चाहिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए इंट्रोडक्शन भाई रख के जाने का हमेशा क्या लिखोगे राइटिंग में इंट्रोडक्शन क्या दोगे टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ आपका एलोकेशन कॉम्पिटिशन हो रहा है कॉलेज में जल्दी इट इज इंटरवाइटिंग खत्म स्पीच का बताओ गुड मॉर्निंग मैनी जल्दी स्पीड बढ़ाओ कमेंट में फटाफट लिखने की कोशिश करो यस yes, क्या बात है देखो बच्चे लोग कितने अच्छे यहाँ पे आंसर भी दे रहे हैं अल्ताफ नुरानी ने कितने अच्छे से लिखा है देखो गुफ्ट प्रिंसिपल टीचर यस बिल्कुल करेक्ट ओम यस समझ में आ गया बात जो मैंने आपको बताई थी आपको चार गेस्ट को ग्रीट करना है डिस्टिंग गेस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एस्टीम टीचर एंड डियर फ्रेंड्स ठीक है एंडिंग क्या बोल के करोगे स्पीच एंडिंग पे मार्क्स लेना एक क्या एंडिंग करोगे ऐसी कर? छोड़ दो लिखकर भाषण देके भाग जाओगे एंडिंग कौन करेगा जिसने आप लोग की बात सुना है जाओगेगा घंटा बैठकर उसको क्या थैंक यू नहीं बोलोगे बोलोगे ना तो एंडिंग करना है किसी भी हालत में स्पीच राइटिंग पे एक मार्क्स है बस इतना ही लिखना है आपको थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली गुड बाय बस इतना ही तो है थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली मेरा भाषण सुनने के लिए थैंक यू गुड बाय ऑल द बेस्ट और भी दो तीन वर्ड डालने डाल दो ठीक है इंट्रो कंक्लूजन कंपल्सरी रिव्यू राइटिंग मान लो आपके एग्जाम में आ जाता है कि एक बुक के ऊपर रिव्यू करो तो आप उस बुक का टाइटल क्या लिखने वाले हो क्या आपने अभी तक सोचे कि मैं कौन सी बुक पे रिव्यू लिखूंगा या अब तक कुछ क्लियर ही नहीं है नहीं क्लियर है तो यार सोच लो अभी भी टाइम है एक बुक चूज कर लो साइकोलॉजी ऑफ मनी विंग्स ऑफ फायर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी बुक है कोई भी एक बुक पकड़ो उसका नाम याद करो और उसके बाद क्या बोली थी दो कॉमा लगा के बुक वन नीड्स टू गिव अ चांस ये बोल के अपना क्या होगा आंसर की शुरुआत होगी शुरुआत अच्छा करना है राइटिंग स्किल में पहली बता रही हूं ठीक है चलिए बस अब फाइनली यहां पे अपन समाप्त करते हैं राइटिंग स्किल की कहानी ठीक है समझ में आ गया होगा आई होप क्लियर चलो नॉवल सेक्शन उड़ान भरते हैं अपन नॉवल सेक्शन की तरफ रेडी हो जाओ न्यू हेडिंग डाल दो नॉवेल सेक्शन अब थोड़ा सा ना जाएगी नॉवल सेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग कहानी आपको जाननी है ट्विस्ट प्लॉट थीम एडवेंचर कौन सी स्टोरी क्या है सब कुछ तो ना थोड़ा थोड़ा आराम आराम से ठीक है बिगिन विद द नॉवेल सेक्शन चलिए नॉवेल कितने मार्क्स का है भाई सोलह मार्क्स का है कितनी नॉवल पढ़नी है चार नॉवल पढ़नी है पहली नॉवल 4.1 क्वेश्चन कैसे आएंगे ऑब्जेक्टिव्स मान लो नोवेल नंबर वन से आपको थ्योरी बेस आ गया फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि गलत फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ गया है तो हमेशा फॉर्मेट आपका नोवेल नंबर वन का ऑब्जेक्टिव रहेगा थ्योरी आ गया लिख देना मार्क्स कट के मिल जाएंगे आपको फ्री के क्योंकि बोर्ड की गलती हो गई उधर पे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डे सॉरी टू सर विद लव 4.2 टू सर With love. क्या है ये एक ऐसी नॉवल है जहां पे राइटर ने खुद अपने जिंदगी के बारे में बताए है यानी एक ऑटोबायोग्राफी है नॉवल नंबर फोर पॉइंट टू इज ऑटोबायोग्राफी नॉवल नंबर वन कोई ना आपकी स्टोरी नहीं है इट इज जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉवल्स कि भाई नॉवल होती क्या है दुनिया में पहली नॉवल कब आई कितने टाइप की नॉवल है इंडिया में कौन कौन से फेमस नॉवलिस्ट है नॉवल नंबर वन अपना कोई स्टोरी नहीं है इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेटिव लेसन इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नंबर टू स्टोरी है थियोरी वियरी अपने को याद करना है थीम वगैरह सब फिर नॉवल नंबर फोर पॉइंट थ्री अराउंड द वर्ल्ड इन एट्टी डेज ये अपनी कैसी एडवेंचरस एडवेंचरस है एडवेंचरस अपन किसको बोलते हैं जहां पे जो प्रोटेगनिस्ट होता है वो बहुत इधर उधर अलग अलग प्लेसेस में जाकर एक्सप्लोर कर रहा होता है तो अपनी इस में भाई एक अपनेगनिस्ट है खतरनाक फिलिप्स घूमता है अस्सी दिन में फोर पॉइंट फोर द साइन ऑफ फोर फोर पॉइंट फोर द साइन ऑफ फोर क्या नॉवेल है ये एक डिटेक्टिव है जो एक मिस्टीरियस केस सॉल्व करता है तो ये नॉवल क्या है मिस्ट्री पे बेस्ड है सस्पेंस पे बेस्ड है ठीक है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें हॉरर का भी टचअप है और ना हल्का सा हल्का सा ऐसा खाने में हल्का सा नमक डालते ना वैसा पूरी की पूरी थोड़ा सा स्टोरी में हल्का सा रोमांस भी डाल दिया लोग ने यहाँ पे भी डाल दिया प्यार का एंगल है ना ताकि इंटरेस्ट बना रहे रीडर लोग का टू सर लव में भी डाल दिया यार हल्का सा रोमांस का तो यहाँ पे जो होते हैं ईआर ER आर ब्रेथवर्ड उनको अपने एक टीचर से हो जाता है प्यार अराउंड द वर्ल्ड में फिलिप्स को हो जाता है औधा नाम की लड़की से प्यार साइन ऑफ फोर में हो जाता है मैरी नाम, नाम की लड़की से प्यार तो यहाँ पे ये यह कहानी है हलका हलका, मैंने थीम अभी ना, वो पीडीएफ मुझे ओपन करना है जो मैंने बताई थी ना फोर पॉइंट वन क्या फोर पॉइंट वन वाला जो नॉवल था ना मैं बोली थी ओपन करना है मुझे बाद में वो हाँ हाँ ये पर ये मैं एक्स्ट्रा चलो ठीक है कोई बात नहीं दो हाँ चलिए ठीक है ठीक है ठीक है रहने ही रहने दो लिख सकती हूँ ना बस इसके ऊपर मैं बस 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 थैंक यू बस मैं एक्स्ट्रा पेज नहीं डाल पाऊंगी ना इतना ही है ना आ जाओ तो नॉवल फोर पॉइंट टू जी चलिए जी तो हम स्टार्ट करते हैं नॉवल नंबर वन को समझना इस नॉवल में देखा जाए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस मोमेंट में सब कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है जो जो बोलते जा रही हूं वो वो चीज है दिमाग में आपको रखनी है ठीक है जो मैं स्किप कर रही हूं आप भी स्किप कर दो ओके नॉवल नंबर फोर पॉइंट वन कैरियज फोर मार्क्स ऑब्जेक्टिव बेस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं तो यहाँ पे अपने को ना कोई भी आंसर को रट्टा नहीं मारने बैठ के सिर्फ अपन चीजों को समझेंगे तो ये नोट्स मैं आपको देने वाली हूँ ठीक है पूरी हैंडमेड नोट से आपके टेक्स्ट बुक के पूरे चैप्टर को मैंने कलरफुल तरीके से बना दी हूं तो ना आपको मजा आएगा जब आप ये नोट पढ़ोगे तो देखो अपने इस चैप्टर में जो ऑथर है वो कौन है ये है इनका नाम क्या है छोटा नहीं कर सकते क्या इनका नाम क्या है ई आर ब्रेथवेट ठीक है ई आर ब्रेथवेड फुल फॉर्म क्या है एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेड ये एक अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहे बहुत क्वालिफाइड थे बट अपनी लाइफ में ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करे सेम जैसा अपने इंडिया में बी आर अम्बेडकर ने फेस किए थे है ना कितने पढ़े लिखे पीएचडी करे हैं इतने आउट ऑफ कंट्री में जा जाके अपना क्वालिफिकेशन पार करे बट कास्ट सिस्टम ने तोड़ दिया इंडिया के लोग ही उनको तोड़ रहे वैसे ही वैसे ही ये जो होते हैं अपनी स्टोरी में ईआर ER ब्रेथवर्ड ये फेस कर रहे होते हैं रेजिजम क्या फेस कर रहे होते हैं आर ए सी आर ए सी आई एस एम रेसिज्म रेसिज्म मतलब क्या कोई इंसान दिखने में थोड़ा अलग है बाकी से तो रेसिज्म चिड़ाना उनको अपॉर्चुनिटी uh, नहीं देना कि वो क्वालिफाइड है जॉब के लिए बट फिर भी उनको जॉब नहीं देना होटल में जा रहे हैं तो होटल में एंट्री नहीं देना ये सब कुछ फेस करें क्यों क्योंकि इनका कलर ब्लैक था ठीक है इनका कलर क्या था ब्लैक था इन्होंने लाइफ में बहुत रेसिज्म फेस करे धोखा खाए जिस कंपनी के लिए काम करे उस कंपनी ने इनको धोखा दे दी ब्रिटिश लोग ने इनको धोखा दे दिया आर्मी में सर्व करते थे ठीक है तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी इतने पढ़े लिखे हैं बट उसके बावजूद प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में इसको ऊपर कैसे करेगी ये हिल क्यों नहीं रहा है इडियट क्या करना होता है आपने लिखा है वो कर जाएगा ठीक है चलेगा ओके फिर होगा ओके हम्म ज़ूम कर लीजिए हाँ तो समझ में आ गया होगा इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं नॉवल नंबर फोर पॉइंट टू में गौर से अपन को याद रखना है पर अपनी भावना नॉवल नंबर फोर पॉइंट टू में क्यों चलेगी अपने को तो पहले नॉवल नंबर फोर पॉइंट वन पढ़ना है मैं उनका फोटो देख के भावना में भेगी थोड़ा रुक जाओ अपने को आना है नॉवल नंबर फोर पॉइंट वन पे ठीक है आ जाओ आ जाओ जाओ स्टार्ट कर दो हेडलाइन डाल दो नॉवल नंबर फोर पॉइंट वन हिस्ट्री ऑफ नॉवल सबसे पहली चीज अब क्या याद रखोगे कि नॉवल में दो तरीके की कहानी लिखी गई होती है एक असली घटना पे आधारित उसको अपन नॉवल की भाषा में क्या बोलते हैं नॉन फिक्शन एक नकली इमेजिनरी कहानी जो कि क्या होती है फिक्शनल ठीक है तो आपके एग्जाम में अगर आता है भाई फिक्शनल स्टोरी मीन्स अनरियल स्टोरी तो आप क्या लिखोगे भाई ट्रू ठीक है ट्रू फॉल्स के बेस पर आ सकता है तो याद रखना ठीक है रियल असली कहानी है तो नॉन फिक्शन बोलते हैं अपने नॉवल नौ, की लिटरेचर की भाषा में और नकली स्टोरी है मन धड़प बनाई हुई है कोई भी स्टोरी अपने मन से बना रहे हैं तो फिक्शन फिर अपना है थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ ठीक है अभी दिख रहा है आप लोगों को हाँ। तो देखो अपने को क्या याद रखना है ना मैं पूरा पीडीएफ बनाई बट जो जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो सभी देखो आप ऐसा मत बोलना कि मैम आप स्किप कर रहे हो तो जो भी चीज मॉटन नहीं है वो सब मैं स्किप करने वाली हूँ देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है नॉवल का इस धरती में आगमन कौन सी सेंचुरी में हुआ दिमाग में चिपका लो लटींथ सेंचुरी में नॉवल इस दुनिया में कितने सेंचुरी में आई है एटीन सेंचुरी में आई है इंग्लिश लिटरेचर को नॉवल सबसे पहले कब मिली एटीन सेंचुरी में मिली ठीक है और उसके साथ प्रियोडिकल ऐसे नाम की भी एक चिड़िया आई थी बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है अपने को फोकस पूरा नॉवल पे करना है ठीक है प्रियोडिकल ऐसे मतलब क्या होता है वो स्टोरी जो टुकड़ों टुकड़ों में आती है नॉवल तो पूरी अक्खी बुक होती है एक ही साथ आ जाती तो पीरियोडिकल ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में आधी स्टोरी पहले आएगी फिर उसका पार्ट टू जैसे वेब सीरीज में होता है ना सीजन वन सीजन टू सीजन थ्री वैसा अब याद रखो जैसे ही नॉवल का आगमन अपना एटीन सेंचुरी में हुआ ना तो लोगों के लाइफ में बहुत चेंजेस आए क्योंकि लोग ना स्टोरी पढ़ पढ़ के थोड़ा इंटेलिजेंट बन गए थे वो लोग अलग अलग टाइप की नॉवल पढ़ पढ़ के इमोशन हॉर थ्योरी ये सब पढ़ेंगे ना पढ़िए इमोशंस भी ना अलग अलग के हो रहे हैं पहले के जमाने के लोग बहुत अलग टाइप के तो थे थे उनके इमोशंस थोड़े कम है ना और इतना नहीं सोचते तो ये सब चीजें थी रियलिस्टिक चीज में बिलीव करने लगे अच्छे इंस्ट्रक्टर बनने लगे तो ये चार चीज याद रखना जब नॉवल इस दुनिया में आई एटीन सेंचुरी में तो लोगों को क्या चीज इंप्रूव इंप्रूव हुई इंटेलेक्चुअली लेवल इंप्रूव हुआ सेंटीमेंटल लेवल इंप्रूव हुआ रियलिस्टिक लोग होने लगे मतलब रियल चीजों पे ज्यादा बिलीव करने लगे सुपरस्टिशन से हटने लगे इंस्ट्रक्ट रीडर बने यानी उनको पढ़ना अच्छा लगने लगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या हुआ जैसे ही दुनिया में नॉवल आई ना लिटरेचर की दुनिया में मतलब उससे पहले क्या आता भाई आप बोल गए नॉवल से पहले क्या था नॉवल से पहले अपने पोएम्स थे ड्रामा चलते थे ठीक है और ग्रीक रोमैंसेस चलता था मतलब कि ना रोमांस के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज होती थी बट एक्चुअल बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी साइंस फिक्शन मतलब एक प्रॉपर जो होती है ना नॉवेल जो एक पर्टिकुलर टॉपिक की डीप इंफॉर्मेशन दे लोगों को वो नहीं चलती थी लोगों के ना हीरो हीरोइन विलन वाली कहानी जिसको ना आपके देखो इधर पर बताया भी गया मैं बताती हूँ तो देखो जब नॉवल आई ना तो ना बहुत पॉपुलर पॉपुलर होने लग गई लोगों को पसंद आने लग गई ठीक है मतलब बाकी सारे पॉपुलर होने लगी इन द सेंस पोयम ड्रामा रोमांस को पीछे छोड़ दी नॉवल ने क्या कर दी कब्जा कर दी लिटरेचर में डोमिनेंट डोमिनेंट लिटरेचर जैनर बन गई ओके ये चीज आपको याद रखनी है कि नॉवल वॉज दी मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग ऑल ऑफ दी अदर लिटरेचर एलिमेंट्स सचेज सचेस पोयम ड्रामा एंड

लैंग्वेज में गए नॉवेल उठाए और उसको ना थोड़ा सा चेंजेस करके उसको नॉवल बना दिया इंग्लिश में डाल दिया नॉवल बना के तो इसका डेरिवेशन है ठीक है और क्या चीज याद रखनी है इस इसमें नॉवल क्या होती है एज कंपेयर टू ड्रामा एंड पोइट्री इजी होती है ट्रू फॉल्स में आया मैंने देखी पेपर में बहुत जगह तो याद रखना है नॉवल जो होती है वो ड्रामा एंड पोइट्री के कंपेयर में इजी होती है ट्रू है इसका आंसर ट्रू है ठीक है नॉवल को इस धरती में आगमन हुए लगभग दो हजार साल हो चुके हैं कितने साल दो हजार साल ठीक है आता है ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ज़्यादा अब मैंने क्या बोली थी नॉवल से पहले क्या था मतलब सेंचुरी में तो नॉवल आई तो प्रॉब्लम हो रहा है यार इसमें तो। मतलब नहीं हो रहा है ऊपर नहीं हो रहा है एक ही से ओके ठीक है ठीक है <laughs> तो आप पूछोगे कि अच्छा मैम कि अपना एटीन सेंचुरी में तो नॉवेलाइज आई समझ में आ गई ये बात तो सेवनटीन सेंचुरी में क्या चलता था सेंचुरी में लोग क्या बुक ही नहीं पढ़ते थे क्या करते थे तो सिक्सटीन सेवेंटीन सेंचुरी में क्या चल रहा था ग्रीक रोमांसेस नाम की स्टोरीज नाम सी लग रहा है ऐसी स्टोरीज जिसमें हीरो हीरोइन किसकी भाषा प्यार की भाषा और डिलाइटफुल स्टोरीज मतलब बस पढ़ के खुशी हो इमेजिनेटिव बस उसको हम इमेजिन कर सके रियलिटी पॉसिबल नहीं है है ना जहाँ पे परफेक्ट लव क्या होता है वो बताना लगभग हजार साल तक लगभग हजार ये लगभग हजार साल तक ग्रेप रोमांसेस चले थे ठीक है उसके बाद जब से नॉवल आया तो फिर दुनिया में रियलिस्टिक चीज होने लगी तो देखो प्रिकासर्स प्रिकासर्स मतलब क्या होता है प्रिकासर्स मतलब नॉवल के पहले क्या था कोई भी चीज आप मानो 2022 के टॉपर हो तो मैं बोलूंगी कि 2021 का प्रिकेसर कौन है तो एक साल पहले या दो साल पहले है ना तो नॉवल का प्रिकेसर कौन है एग्जाम में आ गया तो लिखना ग्रीक रोमांस ऑप्शन है नॉवल का प्रेसर कौन है ग्रीक रोमांस ड्रामा पोइट्री ऐसा करके चार ऑप्शन है तो आप क्लिक करोगे अब आपको ना कुछ नाम याद रखने हैं अब यहां पे कहानी थोड़ी टफ होगी थोड़ी से ना नाम याद रखने पड़ेंगे। ये कौन से नाम है ये ग्रीक रोमैंसिस के नाम ठीक है वर्जिल्स ने कौन सी ग्रीक रोमांस लिखे इकोलॉग नाम की मेलोरी नाम की एक लेडी है उन्होंने मोर्ते एंथर नाम की लिखी जोफ्रा जोफ्री कॉसर इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन समझना द कैंटेबरी टेल्स तो बस ये तीन नाम याद रखना है तीन नाम किसके है ग्रीक रोमैंसेस के बस कहानी खत्म ये तीन ग्रीक है वर्जेस ने ये लिखा मेलोरी ने ये और जॉफरी ने ये अब ये मेन यहां है अपना और क्या याद रखना है कि दुनिया की सबसे पहली नॉवल कौन सी थी भाई नाम क्या है दुनिया की पहली नॉवल का दुनिया की पहली नॉवल का नाम है टेल ऑफ गेंजी दुनिया की पहली नॉवल कौन सी है कौन सी है याद करते जाओ देखो टेक्स्ट से पढ़ोगे तो कितना बोरिंग लिखा है ना पूरा पैराग्राफ बना दिए आपके लिए कलरफुल करके लाइन ना तो इसको ना नोटिस करो देखो दुनिया दुनिया की सबसे पहली नोवेल टेल ऑफ गेंजी किसने लिखा मुरा साकी की वो ठीक है तो, <laughs> तो ये बस तो ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे इसलिए बहुत ही जोश के साथ सो so, यहां पे आपको याद रखने एक तो के नाम भी ऐसे एनिमी टाइप <laughs> हेमंत को बहुत हंसी आ रही है <laughs> आज हेमंत को ट्वेल्थ एग्जाम में उठा देगा टॉप कर देगा इंग्लिश में इतना डेडिकेशन के साथ हुई खड़ा है <laughs> तो अपना दुनिया की पहली नोवेल टेल ऑफ गेनजी रिटन बाय मुरासाकी वो कब लिखे 10 10 10 10 में ठीक है यूरोपियन नोवेल यूरोपियन नोवेल मतलब यूरोप की पहली नोवेल कौन सी थी नाम देखो डॉन काहू थी किसने लिखा एक स्पेनिश राइटर मेगियोल नाम देखो भाई वर्ल्ड <laughs> की पहली नॉवल यूरोप की पहली नॉवल डॉन का होती ठीक है अभी आ जाओ और क्या देखना है अपने को अब ये हल्का समय इस पर भी ग्लिम्स डाल देते कि आप बोलोगे एटीन सेंचुरी में न्यूज़पेपर मैगजीन भी तो पब्लिक पढ़ती थी ना लिटरेचर में उन लोग का क्या हुआ तो देखो न्यूज़पेपर और मैगजीन भी था मार्केट में लेकिन वो पसंद किया जा रहा था किसके द्वारा मिडिल क्लास के द्वारा न्यूज़पेपर और मैगजीन पसंद कर रहे थे मिडिल क्लास लोग और नॉवल पसंद कर रहे थे कौन लोग रीच लोग लिखा है दिस रीडर्स अपर क्लास अपर क्लास मतलब क्या रीच ठीक है तो याद रखो ग्रीक रोमैंसेस ट्रेजेडीज ये सब न्यूज पेपर में थोड़ी होते हैं रोमांस की बात थोड़ी होती है ना कोई अपना आ, क्या नाम है न्यूज पेपर में रियल लाइफ स्टोरीज होती है रियल लाइफ स्टोरीज रियल लाइफ स्टोरीज इन द सेंस अरे भाई अपने आसपास जो हो रहा है उसकी कहानी होती है तो मिडिल क्लास लोग को वो पसंद आ रहा था तो कहीं ना कहीं लिटरेचर की दुनिया में न्यूज़पेपर आगे बढ़ रहा था तो ये बात नावल को पसंद नहीं आई नावल ने बोला कि भाई दुनिया में तो अमीर लोग कम है और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है अगर हमको आगे बढ़ना है लिटरेचर को डोमिनेंट बन नावल को डोमिनेंट बनवाना है लिटरेचर की दुनिया में तो अपने को ना मिडल क्लास लोग का भी ध्यान कैप्चर करना पड़ेगा है ना मिडिल मिडिल क्लास क्लास लोग लोग का ध्यान कैप्चर करना पड़ेगा अगर पढ़ेंगे तो हमारा नॉवल क्या बनेगा डोमिनेंट बनेगा तो लोग ने क्या अपनाया वो लोग ने कॉपी अपना न्यूज पेपर को देखे कि भाई, को क्यों पढ़ा जा रहा है क्योंकि ना न्यूज पेपर में रियलिस्टिक्स बात की जाती है मन धड़क रोमांस और ट्रेजेडीज की स्टोरीज नहीं होती मतलब जो रियलिटी है वही मिर्च मसाला तड़का ये सब नहीं होता है जो खटरा है वही तो ये लोग ने क्या करे ये लोग ने नॉवेल लोग ने क्या करे मिडिल क्लास लोग का ध्यान आकर्षित करने के लिए 18th सेंचुरी के थोड़ा एंडिंग में अपना ना एलिमेंट चेंज कर दिए क्या एलिमेंट चेंज कर दिए अब नोवेल में सिर्फ रोमांस ही नहीं स्पिरिट ऑफ रियलिज्म भी आ गया मतलब है ना अब रियलिस्टिक नोवेल भी आने लगी रियलिस्टिक नोवेल इन द सेंस चल क्यों नहीं अब ना ऐसे स्टोरीज मतलब अब ऑटोबायोग्राफी आने वाली आई देखो अब ऑटोबायोग्राफी आई पहले नहीं आई अभी आई न्यूज पेपर को देख के ऑटोबायोग्राफी जहां पे कोई बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी रियल बेस साइंस बेस कोई भी हो सकती है जिसमें रियल स्टोरीज है ठीक है ऑफ रोमांटिक फीचर जो रोमांटिक फीचर हद से ज्यादा हो रहे थे नॉवेल में वो कम कर दिए गए ठीक है जो भी नॉवलिस्ट थे जो प्यार भरी भाषा बहुत लिखते थे उनको बोले खाई तो कम कर थोड़ा कम कर ठीक है आगे बढ़ना है तो रोमांटिक फीचर को कम कराए रियलिस्टिक चीजों को बढ़वाए ठीक है ताके क्या हो मिडिल क्लास लोग भी अपने घर में देखो आप बोलोगे ये कौन सी बुक की दुनिया हो रही है लोग क्या क्या तो, उस दम आने में तो ना आया, अभी अपन बढ़ते फटाफट आगे एक चीज बस इसमें याद रखना कि 18th में जो लोग का मोटिव था वो पूरा हुआ ठीक है कि नॉवल ने अपना एलिमेंट चेंज किया रोमांटिक फीचर को कम किया रियलिस्टिक फीचर को बढ़वाया साथ में एक और हुई कि उस वक्त एटीन सेंचुरी में क्या आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया जहां पे मिडिल क्लास लोग जो थे वो लोग का इनकम बचने लगा क्यों बिकॉज आधा काम मशीन कर रही है तो लोग का ना जो टाइम बचने लगा इनकम बचने लगा वो लोग अपना स्पेंड करने लगे इन्हीं दो चीज से मिलकर नोवेल को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला कि उन लोगों ने अपने एलिमेंट पे चेंजेस लाए और उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो मिडिल क्लास लोग भी शिफ्ट हो गए ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है ये सब इधर पे लिखी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में अब देखो जो भी नोवेल बनाते थे लोग क्या करते थे लोगों को तो मेन यही था कि हमको कैसे बिक करके मिडिल क्लास लोग का क्या ध्यान कैप्चर करना है तो उन लोग की जो भी डिमांड होती थी मिडिल क्लास लोगों की कि जैसे गवर्नमेंट होती है वो गरीब लोगों के लिए बहुत करती है बट मिडिल क्लास लोगों को पूछता नहीं तो वो सारी लोग की जो डिमांड होती है गवर्नमेंट तक पहुंचाना नॉवल पहुंचाती थी तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे बढ़ते अपन <laughs> नॉवल जो है सिर्फ स्टोरी नहीं हर एक लेवल की नॉलेज सोशल नॉलेज हो पॉलिटिकल हो कल्चरल हो या साइंटिफिक नॉलेज हो हर वेराइटी मतलब देखो अब उसका एरिया बढ़ रहा है ठीक है पहले सिर्फ रोमांस था फिर रियलिस्टिक आया है ना फिर पॉलिटिकल सोशल कल्चर साइंटिफिक ऐसे करके उसका स्कोप बढ़ने लगा ठीक है अब यहाँ पे ना अपने को क्या करना है एटीन सेंचुरी के कुछ नॉवेलिस्ट के नाम याद करने पड़ेगे तो मैंने ना आपके लिए क्या कर दी वो सब नॉवेल की बुक का स्क्रीनशॉट चिपका दी सबसे पहला कौन है जॉन बुनियान नाम का अपने को नाम याद रखना है जॉन बुनियान ये देखो ये बुक है उन्होंने ये नॉवल लिखे ये पूरी बुक है कौन सी क्या नाम है द पिलग्रिम प्रोग्रेस एग्जाम में आता है आपको कि जो ये उन्होंने क्या लिखे मैचअप आता है ये सब है ना तो ये ना थोड़ा याद करने वाली चीज है जॉन बुनियान ने पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखे अफरा बैन नाम की लेडी ने ओरू नोकू लिखे ठीक है जॉनथन स्विफ्ट ने गुलीवर्स ट्रेवल नाम की नॉवल लिखे कभी ये सब एटीन सेंचुरी की पॉपुलर नॉवल है ठीक है एटीन सेंचुरी की याद रखो तीन नाम हो गए जॉन बुनियान ने पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखा अफरा अपराबेन ने ओरूनोकू और जॉन तो जोनथन स्विफ्ट ने गुलीवर्स ट्रेवल और कौन है और है रॉबिनसन ने क्या लिखा डैन्यूल डेफी और सैम्यूल ने क्या लिखा पेमिला पेमिला बस याद रखो और फिर थोड़े और एक्स्ट्रा लोगों ने नाम दिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है सब छोड़ दो ठीक है ऐसा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा याद मत करो स्टालवर्ट नॉविस्ट के नाम याद कर लो स्टालवर्ट नावलिस्ट मतलब वो नॉवलिस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ नॉवल लिखे और कुछ करे ही नहीं पूरी जिंदगी दे दी है बस हम कहानी लिखेंगे एक से एक स्टालवर्ट नॉवलिस्ट कौन कौन है चार्ल्स डिकन वॉल्टर स्कॉट थॉमस हार्डी विल की कॉलिन एंड एच जी वेल्स ठीक है समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है याद करो ये सारी चीजें ध्यान से वर्डिंग्स पे मेरे फोकस करो बाई चांस आता है तो आपको वर्ड याद आने चाहिए ये सब कौन है स्टालवर्ट नॉवलिस्ट फाइन दैन में आ सकता है तीन स्टालवर्ट के नाम हो और एक किसी और का नाम होगा एटीन सेंचुरी का बोलेगा बताओ इसमें ऑर्डमैन कौन है ठीक है अफराबेन आ गई मान लो अफराबेन तो अफराबेन तो वो कौन है वो एटीन सेंचुरी के नॉवलिस्ट है वो स्टालवर्ट में कैसे आ गई तो आप क्या कर दोगे अफराबेन अपनी ऑडमैन आउट है ठीक है तो ऐसे ना आपको क्वेश्चन आएंगे

ठीक है अब ये लोग का इंपॉर्टेंस क्यों है क्योंकि ये लोग ऐसे थे जो लोग मॉडर्न टॉपिक्स कवर कर रहे थे इनोवेटिव स्टाइल में नॉवेल को लिख रहे थे ये लोग का लिखने का लिखने तरीका जो है ना एकदम रैशनलिस्टिक था मतलब पढ़ के सामने को लगेगा कुछ सही बोल रहा है है ना तो और लोग पॉलिटिकल सोशल तो ट्वेंटी तो यानी लोग का माइंड में थोड़ा डेवलप हो गया ना तो ये सारे लोग क्या थे मॉडर्न टॉपिक्स पे लिखते थे ओके पुराने टॉपिक्स पर नहीं फिर आते हैं अपनी फोर्थ कैटेगरी ऑथर यानी जो दूसरे देश से आए हैं नॉर्मल तीन जो आए कहीं और से है, रह रहे है कहीं और है, और वहां की कहानी लिख रहे बैठ के है ना तो ये सलमान इंडिया के ठीक है वी एस नापोल के त्रिनीडेड क्या काजुओ जापान के ठीक है इसको शॉर्ट में तीन ही नाम है ना सलमान वर्सेस काजू याद रख लो सलमान वर्सेस काजू ठीक है तो ये सलमान पहला ये वीएस नेपोल और ये काजू ये तीन लोग कौन है ये तीन लोग इम माइग्रेंट है बाई चांस आपका मैन में आ गया कि ये तीन लोग के नाम है और कोई एक दूसरा कोई भलता सा है तो आपका ऑर्डमैन बन जाएगा ठीक है सिर्फ तीन लोग हैं हैंट में आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन वुमेन की बात ना हो ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे देखो बहुत सारी वुमेन भी ऐसी लेडी है जिन्होंने एक से एक नॉवल लिखे तो उनका नाम है और कौ, किसने कौन सी नॉवल लिखा वो सब है जैसे ये 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 बर्नी ने लिखी गौथिक देखो ये याद रखो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला कि गौथिक नॉवल ना ये वाली लेडी जो थी ना बहुत खतरनाक डरावनी डरावनी स्टोरी लिखती थी भाई इंसान को नींद ना आए रात में बुक पढ़ के ऐसी तो देखो इसका नाम भी कितना खतरनाक है एंड रेड क्लिप्स ये क्या थी ये ना गौथिक नॉवल लिखती थी गौथिक नॉवल मतलब क्या हॉरर बेस ठीक है हॉरर साइंस की पहली नॉवल थी ठीक है साइंस की पहली नॉवल किसने लिखा मैरी शैली ने मैरी शैली इंपॉर्टेंट है इसको भी रट लो ठीक है ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है फिर ये ये स्किप करो स्किप स्कीप स्किप ये वाला इंपॉर्टेंट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये जो टेक्निक है ये किसने इन्वेंट किया है वर्जीनिया वुल्फ नाम की लेडी ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखो कॉन्शियस मतलब क्या होता है माइंड में कोई चीज चलना अपनी स्टोरी में कोई भी प्रोटेगनिस्ट है कोई भी हीरो हीरोइन है उसके माइंड में जो भी चल रहा है अगर वो सारी उसकी माइंड की बातें स्टोरी में लिखी हुई है यानी क्या है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कौन सा चैप्टर आपका बताओ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है कोई बताएगा इधर पे आपके इंग्लिश के सिलेबस का एक चैप्टर ऐसा है जो इस टेक्निक के द्वारा इस टेक्निक के इस्तेमाल से लिखा गया है और यही लेडी के द्वा, द्वारा लिखा गया है कौन सा चैप्टर है वो बताओ कौन सा चैप्टर है द न्यू ड्रेस आयशा बिल्कुल सही तो चैप्टर नंबर फाइव जो आपका है द न्यू ड्रेस ठीक है ये क्या है इसमें टेक्निक इस्तेमाल की गई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या बोली जो प्रोटेगनिस्ट होगा मेन कैरेक्टर होगा कौन है इसमें मेन कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल, चल वही तो, तो, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है बहुत याद रखो इसको फिर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है डिटेक्टिव नॉवल क्राइम बेस्ड नॉवल कौन लिखती थी अघास्था क्रिस्टी ये वाला वोला इंपॉर्टेंट ये वाला स्किप कर दो अदर्स वदर्स को फिर आती है इंडियन की कहानी यूरोप दुनिया नॉवल एन सेंचुरी सेंचुरी सबकी बात कर ली अब इंडिया की बात करेंगे कि भाई इंडिया का नॉवल में क्या सीन रहा तो इंडिया में पहली नॉवल जो थी वो कौन सी थी राजमोहन वाइफ यहां पे देखो फोटो लगा दी कुछ ऐसी दिखती थी वो ये राजमोहन वाइफ रिटर्न बाय बमकिन चंद्र छोपाद्या ठीक है इसको इंडिया के टीवी में सीरियल भी बनाया गया बहुत चला ये सीरियल इस टॉपिक राजमोहन वाइफ याद रखना इंडिया की पहली नॉवल कौन सी भाषा में लिखी गई इंग्लिश में इंग्लिश की पहली नॉवेल इंडिया की एक और चीज याद रखना इंडिया में जब नोवेल आई तो जो इंडियन राइटर्स थे ना अपने इंडियन राइटर्स वो कौन से थीम के ऊपर स्टोरी लिखते थे उस वक्त अपना पूरा फोकस था कि भाई कैसे भी करके इंडिया को आजाद करवाने है भगाना है ये अपने लोग को अपने नहीं क्या नाम है ब्रिटिश लोग को तो नेशनलिस्टिक वर्च्यूज के ऊपर लिखते थे लोग और सोशल इश्यूज याद रखो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है इंडिया के राइटर्स लोग नॉवल कौन से टॉपिक पे लिखते थे नेशनलिस्टिक वर्च्यूज एंड सोशल इश्यूज रोमांस ट्रेजेडी हॉरर दूर दूर तक लेना देना नहीं था ठीक है इंडिया में कब एंट्री हुई है सबकी पहले की बात कर रही हूँ जब इंट्रोड्यूस हुआ तब ये लिखते थे उसके बाद बहुत फेमस फेमस नॉवलिस्ट आए अपने इंडिया में कितनों लोग की जोड़ी बन गई जैसे होते हैं ना चार तीन चार लोग मिलके एक नॉवल लिखते हैं है हाँ ना तो ये तीन लोग की जोड़ी बन गई थी तो ना इसको अपन ट्रायो नॉवलिस्ट बोलते हैं ये तीन लोग ने ना मिल के इतनी खतरनाक खतरनाक खतर, खतर, नॉवल ना खतर, ना प्रोड्यूस किए हैं कि बता नहीं सकता आपको तो आर के नारायण पता ही होगा आर के नारायण के कितने सारे सीरियल अपने इंडिया में चले हैं ना उनके नॉवेल को कन्वर्ट किया गया स्टोरीज में आर के नारायण की दुनिया ऐसा करो बहुत सारे तो ये याद रखो ये तीन लोग ने ना क्या करते थे जोड़ी बनाते थे मतलब जोड़ी बन गई तो तीनों लोग मिल के एक नॉवल प्रोड्यूस करते थे धना धन धना धन ठीक है फिर इंडिया के नॉवलिस्ट जिसने क्या किया मैं बोलती ना कि देखो ये लोग जो थे स्टार्टिंग वाले लोग नेशनलिस्टिक वर्चुअल लिखते थे थीम किसने चेंज किया कहाँ से लोग न्यू न्यू टॉपिक के ऊपर लिखने लगे ये देखो इसने अनीथा देसाई नयन सहगाल एंड अरुण जोशी एंड मनोहर ये लोग ने क्या करे चेंज द करंट इंडियन इंग्लिश नॉवल थीम थीम चेंज करें मतलब नेशनलिस्टिक वर्च्यूज एंड सोशल इश्यूज के अलावा भी दूसरी कैटेगरी कवर होने लग गई ये लोग के बाद से ठीक है ये स्किप करो डेजलिंग परफॉर्मेंस डेजलिंग मतलब क्या जिसने एकदम हट के नॉवल लिखा बहुत पॉपुलर नॉवल्स लिखे लोग सब फेमस नॉवलिस्ट के नाम है इधर पे ठीक है तो ये सब कहानी थी अपनी नॉवेल्स के बारे में नॉवल एक बड़ी सी बुक होती है जिसमें एक बड़ी सी स्टोरी होती है अब कोई स्टोरी ऐसी हो जो छोटी है ज्यादा बड़ी नहीं है छोटी सी है ऐसा मानो नॉवल जो आपकी है वो 300 पेजेस की है है ना 300 पेज की आपकी स्टोरी है अब कोई स्टोरी कोई स्टोरी ऐसी है जो मान लो अस्सी पेज की है तो वो भी स्टोरी है लेकिन शॉर्ट स्टोरी है तो शॉर्ट स्टोरी जब भी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं नॉवेल ठीक है बस इतना ही है अभी नोवेला का बस आपको डेरिवेशन याद रखना नोवेला मीन्स वॉट नोवेला नॉवेला शॉर्ट स्टोरीज नॉवेल मीन्स लॉन्ग स्टोरीज ठीक है अब अपन ने क्या देखे थे भाई नॉवेल का डेरिवेशन था लैटिन वर्ड से आया है नोवेला विच मीन्स न्यू अब नोवेला का डेरिवेशन क्या है इसको कहां से उठाए इसको अपन ने उठाए वो इटालियन वर्ड से इटालियन वर्ड जो कि था नोवेले इजी है याद हो जाएगा ठीक है बताइए मैंने आपको नोवेला क्या होता है

जैसे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा गया जोसेफ के द्वारा टर्न ऑफ दिस हेनरी के द्वारा बिली बर्ड हरमन के द्वारा दैट इन थॉमस सीज द डे पर्ल बाय तो ये आ ठीक है इंपॉर्टेंट है important. ये पांच कितना है छे, छे आपको याद करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे अपनी कहानी खत्म हो जाती है नॉवेल और नॉवेल्स की अभी अपन जाते हैं कि भाई अपने तो देख लिया दोनों नॉवेल है बस फर्क इतना है कि जो अपनी ये है लॉन्ग स्टोरीज है और ये शॉर्ट स्टोरी है बस इतना ही फर्क है ना अब इसके अंदर स्टोरी तो एक ही है भ, बस सिर्फ लेंथ छोटा है, है ना तो इसके एलिमेंट तो सेम ही हो गए एलिमेंट मतलब क्या कोई भी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर होना कंपल्सरी है उसके अंदर प्लॉट क्या है उसके अंदर लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की गई है उसके अंदर सेटिंग क्या है मतलब कि जो हीरो hero, हीरोइन है वो कौन से कंट्री के है वो लोग कौन से विंटर रेनी सीजन होता है ना कि कोई आप मूवी देख रहे हो तो उसमें रेनी सीजन में सीन होते रहते हैं तो सबसेंग में आता है ठीक है तो ऐसा करके अपने पास टोटल कितने एलिमेंट है टोटल अपने पास छह एलिमेंट है ठीक है नॉवेल एंड नॉवेल के टोटल कितने एलिमेंट है जी छे एलिमेंट है बहुत सारे सैंपल पेपर मैंने ऐसे ट्रू फॉल्स आता है सिंपल सा कि देर आर ओनली फाइव एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल ट्रू और फॉल्स तो आपको लिखना है फॉल्स पांच नहीं छे है ठीक है इतना से कभी कभी आता है सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है कौन कौन सा भाई छे पहला है थीम दूसरा है प्लॉट कैरेक्टर सेटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड लैंग्वेज स्टाइल थीम में क्या थीम मतलब वो पूरे पूरी की पूरी स्टोरी का सार तीन घंटे की अगर फिल्म है तो तीन मिनट में आप क्या बोलोगे मतलब उसका सेंट्रल आइडिया क्या है सेंट्रल आइडिया तो याद रखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीम सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी सेंट्रल आइडिया नटशेल में लिखा होता है नटशेल मतलब एकदम शॉर्ट भाषा में क्योंकि ऐसे वर्ड ना मैंने देखी हूं बहुत आपके क्वेश्चन बैंक में यूज किए गए तो इसलिए याद रखना आपको बोला जाए कि भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें सेंट्रल और ऐसा सब लिखा हुआ है तो आप क्या चूज करोगे थीम प्लॉट मतलब क्या होता है प्लॉट मतलब सिक्वेंस ऑफ स्टोरी सिक्वेंस ऑफ स्टोरी मतलब कि आपकी स्टोरी में पहले क्लाइमेक्स आ रहे इमोशनल मोमेंट आ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या मतलब प्लॉट क्या है डायरेक्ट ही आपके स्टोरी शुरू होती है झगड़े हो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या पहले एकदम शांति से शुरू हुआ फिर इमोशनल सीन आया फिर झगड़ा हुआ मतलब प्लॉटिंग आपने क्या क्या रखे हो ठीक है तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टोरी क्या है फिर कैरेक्टर तो भाई सबको पता है ना अब कैरेक्टर अपने स्टोरी में दो टाइप के होते हैं एक होता है मेन कैरेक्टर मेन कैरेक्टर जिसको नॉवल की भाषा में क्या बोलते हैं अपन जल्दी बताओ प्रोटैगनिस्ट ठीक है मेन कैरेक्टर दो टाइप के हो सकते हैं कि मेन कैरेक्टर है और वो हीरो है मेन कैरेक्टर है और वो हीरो है तो अपना क्या भाषा आएगा वो प्रोटेगनिस्ट है मेन कैरेक्टर है बट वो विलन का रोल प्ले कर रहा है विलन का तो अपन उसको तो क्या बोलेगा भाई वो एंटेगनिस्ट है ठीक है क्या है वो एंटेगनिस्ट है समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है याद रखो पूछा जाएगा एलिमेंट छह एलिमेंट थीम सेंट्रल आइडिया प्लॉट सीक्वेंस ऑफ स्टोरी कैरेक्टर दो टाइप के होते हैं मेन कैरेक्टर पहला उसके अंदर है है तो hero, है तो हीरो विलन प्रोटेगेगे अब दूसरा क्या है माइनर कैरेक्टर जो साइड रोल प्ले करते हैं ना भाई बहन दोस्त ये सब तो अपने क्या हो गया माइनर कैरेक्टर मेन कैरेक्टर की डिटेलिंग्स बताई जाती है नॉवेल में ना क्या पहना है किधर खड़े क्या कर रहा है माइनर कैरेक्टर की डिटेलिंग नहीं बताई जाती तो ट्रू फॉल्स में आएगा तो याद रखना मेन कैरेक्टर की डिटेलिंग बताई जाती है माइनर कैरेक्टर की डिटेलिंग नहीं बताई जाती नॉवेल्स में ट्रू और फॉल्स तो आप लिखोगे ट्रू यस मेन माइनर की नहीं बताई जाती तो ये अपनी कहानी हो गई इसकी कैरेक्टर अब आता है सेटिंग 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 मतलब क्या सेटिंग मतलब क्या? हाँ सही बिल्कुल भावना ऐसी देखो, कितने बच्चे ऐसे जो पर रही हूं न, कमेंट में भी लिख रहे हैं मतलब उनका रिवीजन भी होते जा रहा है बिल्कुल सही तो सेटिंग कहा है भाई इधर हाँ? सेटिंग सेटिंग में क्या होता है कि अपनी स्टोरी किधर पे हुई है जैसे मैंने आपको बताई ना स्टार्टिंग में कि कौन से पीरियड में हुई है मतलब सन मतलब कोई को देखो, कोई 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 मूवी एकदम पुराने जमाने की होती है तो उसमें लोग को फिर उस हिसाब से कपड़े भी पहनने पड़ते हैं ना तो ऐसा पुरानी है, तो क्या है मतलब ईयर क्या है ठीक है और फिर अपना सीजन क्या लोग ने चूज करे है सीजन जो आपकी नॉवल में जो कहानी चल रही है उसमें रेनी सीजन है क्या क्या है सेटिंग क्या रखे हो आपने उसका बैकग्राउंड क्या है तो ये सब चीजें मिलकर अगर आपको ये नॉलेज है हर एक चीज की तो आप प्रॉपर से एक तो है कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा मतलब मेजोरिटी नाइनटी नाइन परसेंट कोई भी मूवी हो कोई भी बुक हो कोई भी स्टोरी हो उसमें लोग कॉन्फ्लिक्ट डालती है फाइट उसी से तो बनता है थोड़ा एक्साइटमेंट और थ्रिलर आता है स्टोरी में तो यहाँ पे ऑफ़ ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है अपन सबको पता है हीरो और विलन के बीच में तो इसको लैंग्वेज यार सिंपल सी भाषा आपको पता है कि लैंग्वेज कौन से इस्तेमाल की गई है सिंपल क्या अभी मैं ना आपको फटाफट इससे बताती हूँ चलो आ जाओ देखो जैसे मैंने बताई थी थीम का मतलब क्या सेंट्रल आइडिया ठीक है फिर प्लॉट का क्या बताई थी इज अ क्रिएटिव ह्यूमन हां तो याद रखना प्लॉट दो टाइप के होते हैं एक होता है सिंपल प्लॉट एक होता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट आप बोलोगे क्या फर्क है दोनों में अगर कोई एक इवेंट ऐसा मानो आपने एक स्टोरी लिखी है जिसमें स्टार्टिंग में ना शुरुआत इमोशनल हुआ फिर फाइटिंग हुई फिर कुछ भी ऐसा मतलब तीन चार इवेंट हुए एक-एक ही एक बार एक हुए और खत्म हो गया तो अपना सिंपल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या पहले आपकी शुरुआत शांति से हुई खुशी बजा है फिर क्या हुआ उसमें इमोशनल सीन आया फिर लड़ाई हुई ठीक है फिर उसमें एडवेंचर आया फिर इमोशन आया फिर एक्साइटमेंट आया फिर मतलब ना प्लॉट रिपीट हो रहे ऊपर नीचे जा रहे हैं समझ रहे क्या फर्क है इसमें और इसमें सिंपल में क्या एक बार घटना घटी एक एक बार घटी हो गया खत्म कहानी लेकिन सब प्लॉट में कहानी क्या हो रही है बार बार प्लॉट ट्विस्ट हो रहे चेंज हो रहे क्लाइमेक्स आ रहे जा रहे हैं लड़ाई बार बार हो रही है तो ये कॉम्प्लेक्स मैनी सब प्लॉट सब प्लॉट बहुत होते हैं इसमें कैरेक्टर के बारे में सब बता दी, setting, सेटिंग का क्या बताई थी टाइम क्लाइमेट वेदर लाइफ क्या है उठाए गए कोई भी पे मन से नहीं है टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना आप बोलोगे अरे भाई साहब तो पूरा एक एक वर्ड ने ऐसा बना दिए तो काम आसान हो गया कुछ है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन बनेगा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं आने वाले ना एक्स्ट्रा मैं करती भी क्या कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रगल स्ट्रगल बिटवीन बिटवीन फाइट स्टोरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज एक्सटेंसिव कह है तो नॉर्मल सही है ठीक है ये तो अपनी कहानी हो गई एलिमेंट के बारे में ठीक है छह एलिमेंट थे अभी अपना आ जाता है टाइप्स लास्ट लास्ट चीज जो फटाफट अपने को देखनी है वो है टाइप्स ऑफ नॉवेल ठीक है फिर अपन ले थोड़ा सा दो मिनट का ब्रेक और फिर पढ़ेंगे फटाफट नॉवल नंबर फोर पॉइंट टू ठीक है चलो आ जाते फटाफट नॉवल नंबर फोर पॉइंट वन का लास्ट सब सेक्शन नॉवल कितने टाइप की होती है टोटल ग्यारह टाइप की नॉवल होती है ठीक है आपके सामने लिख दी हूं पहली है रियलिस्टिक नाम से लग रहा है रियल रियल घटना पे आधारित पीकार बताऊंगी क्या है ये ये फटाफट पर लेना नाम टोटल ना, बिल्डिंग्स रूम अब एक एक करके पढ़ते कि किसके क्या फीचर है देखो रियल अभी ना क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी तो आप देखना आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो आ जाओ देखो रियलिस्टिक नोवेल मतलब क्या कि इट गिव इफेक्ट ऑफ रियलिज्म है ना मतलब पढ़ ऐसा लगता है हाँ भाई सच में ऐसा कुछ हुआ है ठीक है इट इज ऑल्सो नॉवल ऑफ मैनर इसका दूसरा नाम क्या है नॉवल ऑफ मैनर ठीक है इसमें ऐसी नॉवल में ना कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं ठीक है थीके? क्योंकि कोई भी जब असली घटना आधारित होती है तो उसमें कैरेक्टर बहुत सारे होते हैं मतलब कोई भी इमेजिनरी स्टोरी होती है ना तो उसमें लोग सिर्फ एक हीरो हीरोइन लगते हैं और इसी को पूरी कहानी बना देते हैं जब कोई एक्चुअल घटना होती है ना तो इसमें लोग को ना हर एक कैरेक्टर को इंक्लूड करना पड़ता है फिर पिकारेस इसमें से क्या या, वर्ड याद रखो ये पिकारेस ये जो वर्ड है ना ये किधर से आया है ये स्पेनिश वर्ड से आया है चिपका लो दिमाग में ये स्पेनिश वर्ड, वर्ड से आया है वर्ड है 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 इसका इसका मतलब क्या होता होता uh, कौन सा है वो पिकारो इसका में, होता है, रोग या विलन इसमें क्या हो रहा होता है जो प्रोटैगनिस्ट है ना वो खुद एक विलन का रोल प्ले कर रहा है मतलब पगला गया इंसान है वो ठीक है तो देखो हु इज एन एस सेंट्री को डिसरेप्यूटेबल पर्सन इन एन एफिक फॉर्म देखो नाम में ना पिकार कहां से आया पिकारो पिकारो का मतलब भी विलन है एक विलन मूवी है और भी और कोई मूवी आपको पता है जिसमें अपने ऐसे हीरो है जो खुद ही मर्डर कर रहे हैं कोई तो एक मूवी है मतलब खुद ही विलन का रोल प्ले करते सिद्धार्थ मल्होत्रा उसमें है, आ, वो भी है। ना हैं मतलब विलन, विलन है? है, है। सुपर हीरो।, हीरो, हीरो, हीरो मतलब क्या वो सबकी मदद करेंगे सबको बचाएंगे बहुत दिल के अच्छे होंगे है ना यहाँ पे वैसा सीन नहीं होता है कुछ ऐसी स्टोरी होती है जहाँ पे जो हीरो होगा मतलब जो प्रोटेगनिस्ट होगा वो खुद विलन का रोल प्ले कर रहा होगा ठीक है करेगा, सामने वाले को मारेगा बदला लेगा रिवेंज लेगा तो अपने मतलब एग्जाम्पल आ यस बिल्कुल सही ठीक है के जी एफ या क्या बात है बिल्कुल ठीक है समझ में आ गया फिर आप हिस्टोरिकल नॉवेल यार वो सारी स्टोरीज जो हिस्ट्री पे बेस्ड है शिवाजी महाराज के बारे में कुछ लिख रहे हैं हिस्टोरिकल नॉवेल मतलब अम्बेडकर के बारे में कुछ लिख रहे हैं हिस्टोरिकल नॉवेल है ना कोई भी पुरानी घटना अकबर बिलबर की कोई स्टोरी लिख रहे हैं हिस्टोरिकल नॉवेल बस मतलब प्रेजेंट मोमेंट से अरियल अर्लियर जमाने की कोई भी बात लिख रहे हैं हिस्टोरिकल नॉवल खत्म कहानी बस इतना ही है एपिस्टोलरी नॉवल क्या होती है वो सारी नॉवल जिसको प्रोड्यूस किया जाता है जनरल्स के द्वारा डायरीज के मतलब बुक में नहीं एक बड़ी सी बुक नहीं रहेगी वो ना जर्नल्स में प्रोड्यूस होगी कॉरेस्पॉन्डेंट लेटर लेटर की तरह वो होगा बस इतना याद रखो इसमें और कुछ मत करो एपिस्टोलरी का मतलब क्या होता है ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मध्य कौन सा वर्ड है वो एपिस्टोला इसका मतलब है लेटर एपिस्टोलरी का मतलब ही क्या है लेटर यानी स्टोरीज बताई जाएगी थ्रू लेटर्स नॉट बुक ठीक है फिर आ गया गॉथिक नॉवल फिफ्थ टाइप गौथिक गौथिक में क्या होगा ऐसे स्टोरी जिसमें भाई दर्द टेरर खौफ मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर सुपर भूत आत्मा मर्डर हो रहा है डूम डीके लाशे मतलब मार काट सब हो रहे हैं इसमें ऐसी नॉवल इसका अपन मतलब देख लो यार ना यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है और बहुत पेपर में मैंने इसको नोटिस करोथिक नॉवल के, निकल निकल के आ रहे गौथिक में क्या क्या होता है कि हमने एक लेडी का नाम पढ़े थे जिसने बहुत ज्यादा पॉपुलर गौथिक नॉवल प्रोड्यूस मैंने आपको बोली थी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो लेडी का नाम भी बहुत खतरनाक है कौन बताएगा गौथिक नॉवल एक नाम अगर मैं आपको बोला जाए कि भाई एक नाम दे दो कोई ऑथर का जिसने अपनी जिंदगी में फेमस फेमस गौथिक नॉवल प्रोड्यूस किया है तो आप क्या लिखोगे जल्दी थोड़ा सा बस बाकी है फिर ब्रेक मिलेगा अपने को और फिर अपन पढ़ेंगे फोर फोर पॉइंट टू टू सर विद भूल गए क्या बात है यस रे एंड रेड क्लीफ बिल्कुल सही क्या आंसर है एन रेड क्लीफ ठीक है ये लेडी का नाम याद रखना थोड़ा ये हो गया इन्होंने ना बहुत भौतिक नॉवल लिखे अपनी लाइफ में डोराउनी एक से एक फिर अपनी आती है ऑटोबायोग्राफिकल जैसे कि क्या एग्जांपल देगा अपनी इधर पे टू सर विथ ईआर ब्रेथवर्ड वाली जो खुद ही अपनी लाइफ की स्टोरी खुद ही लिख रहे स्टोरी और खुद ही पब्लिश कर रहे हैं तो टू सर विथ लव टू सर विथ लव और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं द विंग्स ऑफ फायर रिटर्न बाय ए पीजे अब्दुल कलाम है Fire, ना तो वो सारी नॉवेल्स जो लिखी गई है वही इंसान के द्वारा जो स्टोरी में रोल प्ले कर रहा है ऑटोबायोग्राफी ठीक है फिर एलिगोरिकल नॉवल अपना आ गया एलिगोरिकल जहाँ पे हम ना कुछ स्टोरी के थ्रू सच्चाई बताना चाहते कोई इंसान की लेकिन ना उस इंसान का नाम नहीं ले सकते वरना फंस जाएगा जैसे किधर पे ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट के अपने को समझो कुछ सच्चाई पता है ना कि आप गवर्नमेंट के अंदर थे आई पी एस ऑफिसर तो वहां पे पर कुछ देखे कि पे करप्शन हो रहा है ये हो रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है किसने की आपको नाम भी पता है आपने खुद अपनी आंखों से देखे पर आप बता नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको डर है क्योंकि आप उनके अंडर में हो ना तो आप क्या करोगे एग्जाम्पल आप कोई जर्नलिस्ट इसको बता दोगे ऐसे ऐसे तो वो ना इनडायरेक्ट वे में क्या करेगा स्टोरी लिखेगा और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेगा बट उसमें उसका एक्चुअल नाम नहीं होगा पर लोगों को पढ़ के समझ में आएगा कि हाँ इसकी बात हो रही है क्योंकि प्लॉट कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया होगा तो यहां पे हम जब भी ना डबल लेयर मीनिंग देखो स्टोरीज लेट बियर मोर देन वन लेवल ऑफ मीनिंग डायरेक्टली डबल मीनिंग वाले होते हैं ना मतलब बोलते कुछ है बट उसके पीछे का मीनिंग कुछ और होता है वैसा देखो यहाँ पे पे यूज करते हैं हम पॉलिटिकल में रिलीजियस में कुछ हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल ये चार एरिया में हम कहा क्या यूज करते हैं एलिगोरिकल नॉवल अगर कुछ सच्चाई पता है सामने वाले का डायरेक्ट नाम लेके नहीं लिख सकते किसने ऐसे ऐसे ये, ये पूरी स्टोरी है उसको ना अपन कुछ नकली कैरेक्टर बना देते हैं उसमें प्लॉट व्लॉट सेटिंग वेटिंग सब वही रहेगी मतलब पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई इसकी बात हो रही है ठीक है तो ये एलिगोरिकल हो गया नाम है डाइस्टोपियन इसका मतलब क्या है <coughs> सिंपल सा यार यहाँ पे ना इमेजिनरी स्टोरी होती है सिंपल सी और यहाँ पे ना पूरा का पूरा मन धड़क सोसाइटी बनी होती है नॉवलिस्ट के द्वारा नॉवलिस्ट जो होते हैं ना अपने हिसाब से कुछ भी फीचर दे देते हैं कि इस सोसाइटी में जो लोग हैं उनके पास ये ये पावर है उड़ने की पावर ये मतलब इमेजिनरी तो ये एकदम ना बहुत इमेजिनरी जो नॉवल्स होती है ना उसकी कैटेगरी में आता है यहाँ पे तो भाई रियलिटी का दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है यहाँ पे कैरेक्टर भी उनके पास सुपर पावर होती है और यहाँ की सोसाइटी के पास भी सुपर पावर होती है ठीक है फिर आती है साइकोलॉजिकल नॉवल यहां पे क्या है नाम से लग रहा है साइकोलॉजिकल मतलब माइंड किसका माइंड प्रोटेगनिस्ट का माइंड

बस इतना याद रखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेंथ वाला आ गया बस हो गया खत्म अपना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दो नाम आप याद रखोगे दो नाम पहला नाम तो अपने को पता होना चाहिए कि ये टेक्निक किसके द्वारा इन्वेंट की गई वर्जिनिया वुल्फ ठीक है ये नाम किसने निकाला ये नाम किसने निकाला द वर्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिस फ्रेज इस कॉइंग ये किसने निकाला ये भाई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम होना चाहिए जो तो आप क्या लिखोगे विलियम जेम्स कंफ्यूज मत होना विलियम जेम्स और वर्जीनिया में कंफ्यूज मत होना ये वर्ड इसने बनाया और ये टेक्निक हम नॉवेल्स में कैसे कर सकते हैं ये, ये किसने किया वर्जीनिया वुल्फ ने करी ठीक है देखो कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है वो सब बताता है लास्ट अपना है चलो जी लास्ट नॉवेल कौन सी है बिल्कुल विलियम जेम्स ने कॉइंड किया और वर्जीनिया वुल्फ ने इन्वेंट करी टेक्निक को बिल्डिंग्स रोमन कोई भी ऐसी स्टोरी जहां पे जो भी कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में छोटा था बट स्टोरी के एंड में वो बड़ा हो गया है हाँ ना मतलब आप स्टोरी पढ़ रहे थे तो छोटा सा बच्चा था फिर पढ़े फिर वो बड़ा हो गया फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर एंड में और बड़ा हो गया मतलब स्टोरी स्टार्ट हुई स्मॉल लेवल पे के और फिर एंडिंग में क्या हो गया बड़ा है जैसे टारजन ता, टारजन वाला कार्टून है ना जैसे उसका वो सॉरी मूवी है तो उसमें कैसा शुरुआत उसके बचपन से होती है और फिर एंडिंग में बड़ा हो जाता है सक्सेसफुल हो जाता है एम एस धोनी मूवी देखे हो ना बचपन शुरुआत कैसे होती है मूवी की छोटा सा बच्चा है फिर स्कूल गया फिर बड़ा हुआ मेरा कॉलेज गया गया फिर सक्सेसफुल हो गया कितना तो कोई भी ऐसी स्टोरी जहाँ पे प्रोटेगनिस्ट का ना पूरा अर्ली लाइफ से लेके देखो चाइल्डहुड से लेके पूरा का पूरा अडल्टुड तक इन्फॉर्मेशन दे रहे ना तो ऐसे ही बोलते हैं बिल्डिंग रोमन ठीक है बस इतनी ही कहानी है ये अपना बायोग्राफी भी हो सकता है ऑटोबायोग्राफी भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है एम एस धोनी क्या है एक अपनी रियल स्टोरी है ना वैसी

नोवेल uh, में अपन देखेंगे डिटेक्टिव फिक्शन है वो 4.4 साइंस फिक्शन पताई थी मैंने दुनिया की पहली साइंस नोवेल क्या कौन सी थी फ्रेंकस्टाइन रिटन बाय मैरी शेली इन 1823 याद रखो साइंस वाले बच्चे आप लोगों को तो पता होनी चाहिए ना दुनिया की पहली साइंस नोवेल hmm. चलो प्रैक्टिस करें अपन क्या करते है? थोड़ा सा टेन सेकेंड्स के लिए माइंड को वो करते हैं मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप थोड़े माइंड में फिट करो फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछूंगी अपन ना थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर ये बोली नॉवल खत्म अपनी पढ़ के भी और फिर समझ के भी चलो जी क्या बात है या अभी जोश बाकी है हो गई नॉवल नंबर वन इज डन ठीक है स्टार्ट कहां से करें अपन ने नॉवल को मीनिंग डेरिवेशन 18th सेंचुरी की नोवेल पढ़े 20th सेंचुरी स्टालवर्ट इमिग्रेंट इंडियन नॉवेल्स वुमेन नॉवेल्स फिर नोवेला पे गए फिर एलिमेंट्स पे गए फिर टाइप्स ऑफ नोवेल पे आए ठीक है तो ये सारी चीज अपने को इस पे पढ़नी थी छह एलिमेंट 11 टाइप्स चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस करना कौन इसका आंसर बताएगा एटीन सेंचुरी गिफ्टेड मैन काइंड सेंचुरी ने लिटरेचर को क्या दिया कौन सी गिफ्ट दिया दो गिफ्ट दिया था ना दो गिफ्ट बनाई थी मैंने ड्रामा पोइट्री नॉवल ड्रामा पोइट्री नॉवल या तो, नॉवल एंडल ऐसे बताओ यस एब्सोल्युटली करेक्ट हाँ बस बस मिल गया ब्रेक बस अपन चार पांच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या है नॉवेल एंड प्रियोडिकल ऐसे बताई थी ना नॉवल पूरी एक बुक होती है प्रियोडिकल ऐसे को थोड़े थोड़े लेवल पे छोड़ा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नॉवल बिकम डोमेंट लिटरेरी जैनाट एज इट एज इट कॉट द इंटेलेक्चुअल याद है कि नहीं याद है इंटेलेक्चुअल सेंटिमेंटल रियलिस्टिक प्लान और क्यों डॉमिनेंट हुआ लाइफ एंड तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए क्योंकि ये चारों तीनों ऑप्शंस करेक्ट है है ना ऑफ ग्रेन पॉप सब है इंडियन राइटर्स स्टार्टिंग में कौन से थीम के ऊपर नॉवल लिखते थे क्वेश्चन बैंक ये, यस बताओ नहीं यस yes, इसका आंसर क्या है नेशनलिस्टिक वर्क वैल्यूज एंड सोशल वर्च्यूज ठीक है गौथिक नॉवल के अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं टेरर होता है हाँ होता है सुपर नेचरल यस मिस्ट्री भी होता है थ्रिलर भी होता है हॉरर इन इसका आंसर क्या है ऑल ऑफ दिस ठीक है

कौन सी नॉवल थी ऐसी नॉवल जिसमें प्रोटैगनिस्ट विलन का रोल प्ले कर रहा है पिकारिस डी तो वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि डिटेक्टिव और ये प्रोटेगनिस्ट पिकारिस अलग है है ना तो ये स्ट्राइक हो गया ये डिटेक्टिव में जाता है ये वाला जाता है और इसने आघास्था क्रिस्ती ने आ, ये वाला देखना पड़ेगा रुक जाओ आघास्ता क्रिस्ती इधर पे है क्या मैरी शेली साइंस फिक्शन आघास्ता क्रिस्ती तो शायद उसमें थी ना अपनी हॉरर में हम्म तो देखो डिटेक्टिव फिक्शन में क्या क्या था अपना डिटेक्टिव फिक्शन में था कि ये क्राइम का सब जेनर होता है मिस्ट्री इसमें होता है जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन क्राइम मर्डर हाँ। तो वो अपना गलत है देखो ये वाला करेक्ट है ये वाला करेक्ट है स्ट्राइक क्या हो जाएगा ये और ये चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट नॉवेला इज द रिलेटिवलीश नेरेटिव ऑफकोर्स लॉन्ग नरेटिव इंग्लिश वर्ड नॉवेल इज डिराइव फ्रॉम द इटेलियन वर्ड नोवेला नोवेला नॉवेलस नॉवेला जोफ्रीज रोट इसने क्या लिखा था मुरा सा किशी को लिखा है जोफ्रानी ने क्या लिखा दिल्ली बताओ

पता है अपने को मुरासा के वो टेल ऑफ गेंजी जॉनथन स्विफ्ट गुली गुलीवर्स ट्रेवल हाँ जॉन बुनियान पिलग्रिम प्रोग्रेस ये इसका मैचअप था अभी अपने को फाइंड द ऑर्डमेन आउट आया है अमित घोष विक्रम सेठ हेनरी एंड अमिता इधर कोई भी बता दे यार ये तीन इंडियन है विक्रम अनीता और अमित ये हेनरी इधर क्या कर रहा है तो ये ऑर्डमैन हट जाएगा ये ऑर्डमैन हो जाएगा अपना प्लॉट नॉवेला सेटिंग थीम यस ठीक है प्लॉट सेटिंग थीम ये अपने क्या है एलिमेंट है नॉवेल के चलिए जी इधर पे डन होता है अपना नॉवेल नंबर वन की कहानी अभी हम लेते हैं मात्र कितने मिनट का ब्रेक चाहिए आप लोगों को दो मिनट <laughs> दो मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे जी नोवेल नंबर फोर पॉइंट टू आपके सामने रेडी है इसको भी समझेंगे फुल नोट्स के साथ ओके तो आ जाओ चलो जी जब तक आपको कुछ डाउट है तो मैं कमेंट देख रही हूं ये पे खड़े रहकर लाइक कर, कर दो यार जब तक सेशन को सेवन थाउजेंड लाइक्स इधर पर आई है लगभग फिफ्त 54,000 बच्चे अपना सेशन यहां पर देखकर गए हैं लाइव लगभग 5,000 हजार यहाँ देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा में भी लगभग 7,000 क्या बात है यार ग्रेट आप सब की मेहनत रंग लाएगी ठीक है अपन सब की मेहनत रंग लाएगी अपन ये जो मैराथन कर रहे हैं ये बहुत काम आएगा आई होप आप इसकी नोट्स बना के इसको रिवाइज करना एकदम अच्छा बस कुछ डाउट है तो पूछ रहे चलो मैं आपका कमेंट देखती हूँ जल्दी अपने को अभी एक घंटा है अपने पास साढ़े छः साढ़े छः बजे तक ना अपने को क्या करना है तीन नॉवल पढ़नी है <laughs> यह बड़ी थी क्योंकि ना इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा थी ना तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा अभी नेक्स्ट की जो नॉवल है ना उसमें मैं आपको स्टोरी समझाऊंगी ना तो ना उसमें फटाफट हो जाएगा ठीक है अभी जोश बाकी है मेरे दोस्त क्या बात है एबीसीडी सेट नहीं है आप लोगों को फिलहाल जहां तक अभी खबर आई है एक ही क्वेश्चन पेपर सबको मिलने वाला है ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है लगभग ढाई सौ पेज का है ठीक है तो ये मैं पूरा का पूरा उठा के ना टेलीग्राम पर डाल दूंगी बट कभी ये क्या हो गया इसको हाँ अच्छा जूम हो गया तबली इंडिया का झंडा कहाँ से आ गया ये ऐसा लग रहा तो पूरा पी मिल जाएगा बट सेशन के बाद क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती आप देखोगे चलो यार मेरे को तो नोट्स मिल गए मेरे को तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी सब लिखा हुआ है बट मैं पढ़ा रही तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज तो नोट्स आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज की बनाओगे स्टार्ट करूं बैटरी डेड हाँ हाँ वही जगह ही नहीं ना क्योंकि यहां से निकाले कब तक नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए यहाँ पे कुछ है क्या चार्जिंग वगैरह गया है चलें बस मजा आएगा ना नहीं। नहीं। इसको नहीं तो रिवर्स कर देती हूं इसके उधर उसको उधर कर कम को थोड़ा सा इधर करूँ रिवर्स लॉक हो गया क्या हाँ नहीं हो जाएगा सी जाए, जाए। चलिए इधर पे आते हैं ना ले के रखो कि पढ़ने आए हो तो पूरा पढ़ के ही जाना है ठीक है आज का पूरा आज की पूरी शाम इंग्लिश के नाम ठीक है आज की पूरी शाम इंग्लिश के नाम पूरे साल आपने इंग्लिश को किया इग्नोर यार एक दिन तो बनता है ना एक दिन डेडिकेट कर दो बेचारे को हो सकता है खुश हो जाए और आपको मिल जाए मस्त मार्क्स इंग्लिश में इमेजिन करो नावेंटी के आ 70, 71, 72 कुछ आ एक सब्जेक्ट की वजह से मतलब आज का दिन अगर आज का दिन यूटिलाइज करोगे इंग्लिश का सब्जेक्ट मार्क्स बूस्ट इंग्लिश में ओवरऑल परसेंटेज बूस्ट तो अच्छा चांस है ठीक है तुमने कुछ शॉर्ट्स बनाए हो क्या okay, मेरा hmm. बताओ बच्चे <laughs> बोल रहे हाँ <laughs> <laughs> <Wow. laughs> <laughs> <laughs> मस्त बनाया फुल एनिमेशन सिनेमेटिक शॉट्स चलिए जी स्टार्ट करते हैं नॉवल नंबर फोर पॉइंट टू तैयार हो जाओ हेडलाइन डाल दो ये चलो स्टार्ट करते आ जाओ हेडलाइन डाल दो नॉवल नंबर फोर पॉइंट टू टू सर विथ लव टू सर लव क्या स्टोरी है फुल जाने अभी आ जाओ. <coughs> चलो जी फोकस लाओ सेशन में जल्दी हो गया ब्रेक खत्म फोकस लाओ हाँ? जब सिस्टम बाहर थे ना तुमसे ब्रेक था चलो <coughs> फोकस लाइए चलो To serve with love, सबसे पहले तो इसको आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे थियोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव अवेलेबल नहीं हो गया यानी आंसर स्टोरीज अगर आपको याद है तो आप लिख लोगे ओके पैसेज भी अवेलेबल नहीं होगा अपने मन से आपको आंसर लिखना याद करना होगा स्टोरी को समझना पड़ेगा स्टोरी छोटी सी स्टोरी नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स डे जैसे छोटी सी स्टोरी है, 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 है तो सब देखेगा तो चलो मैंने आपको ना ऑलरेडी ई आर के बारे में थोड़ा बहुत बता दी थी अगर आपको याद होगा तो फिर से रिवाइज करा दू मैंने क्या बोली थी ई आर ब्रेथवर्ड बहुत अपनी लाइफ में क्या रहे सक्सेसफुल रहे क्वालिफाइड रहे बट उसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में क्या फेस करे फेस करे क्यों? उनका जो कलर था वो डार्क था ब्लैक था है ना तो वहां वो जिधर काम कर रहे थे ब्रिटेन में ठीक है ब्रिटिश लोग ने किसी को भी नहीं छोड़े इनको भी नहीं छोड़े तो यहाँ पे ब्रिटेन लोग के साथ ये काम करते थे एज अ आर्मी ऑफिसर ब्रिटिश में ठीक है आर्मी ऑफिसर डिप्लोमेट थे ये बहुत सारे थे मैं बताऊंगी पर फिलहाल के सुनो तो इन्होंने ना रेजिज्म फेस करे अपनी लाइफ में ये पहला थीम आपको याद रखना है इस का क्या है कि अपने स्टोरी में जो ई आर ब्रेथवर्ड है ना उन्होंने अपनी लाइफ में रेजिज्म फेस करे किधर करे कैसे करे किसने किया ये सब पहले माइंड में याद रखेगा क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आया तो आपको पॉइंट होने चाहिए आंसर लिखने के लिए पूरी स्टोरी थोड़ी लिख कर आओगे देखो मैंने सब थीम लगाई हुई थोड़ा इमेजिन करो ये क्या हो सकता है टू सर विथ लव टू सर यानी सर है ना सर है तो उनके स्टूडेंट भी तो हो गए स्टूडेंट देखो सब गोरे गोरे <laughs> अरे सर तो यहाँ पे सुनो ये जो बच्चे थे ना इतने खतरनाक बच्चे थे ना भाई साहब मतलब ये लोग फेलियर थे थे पहली बात तो स्कूल से फेल होके आए ये ना ग्रीन स्लेट स्कूल में सर पढ़ाते थे ठीक है मैं बताती हूँ किधर पे इनका कैसे हुआ तो ये बच्चे लोग इतने खतरनाक इतना सताते थे सर को देखो ये प्रैक्टिकल करा रहे तो मुंह बना रहे मतलब चिड़ाना पढ़ाए गए तो डेक्स बजाना सर को अब्यूज करना डिस्क्रिमिनेट करना बुरी बुरी बातें बोलना ऐसा चलता रहता था बहुत लाइफ में पहले ही बाहर से तो रिस्पेक्ट नहीं मिली अब स्कूल में भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो इनको क्या करना था कैसे भी करके बच्चों को सुधारना था तो इन्होंने क्या करे ये अपना सेकंड थीम है ठीक है क्या सेकंड थीम है कि ईआर ER ब्रेथवर्ट के स्टूडेंट्स जो थे उनका बिहेवियर कैसा था और ईआर ER ब्रेथवर्ट ने क्या उनको सुधार पाए या नहीं सुधार पाए सेकंड थीम पहला थीम क्या उन्होंने रेजिदम फेस करे दूसरा जिस स्कूल में पढ़ाते थे स्टूडेंट स्टूडेंट का बिहेवियर खराब था और उन्होंने ईआर ER ब्रेथवर्थ ने कैसे उनका बिहेवियर ठीक करें यह अपन जानेंगे ठीक है और अपना थर्ड थीम मैं बता देती हूं क्योंकि वो आगे शुरू हो रहा है। थीम, थीम अपना क्या है हाफ ईयरली रिपोर्ट फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो क्योंकि ये तीन आंसर के अलग अलग पॉइंट रहेगा क्वेश्चन आया तो आप यहां पे हाफ ईयरली की इंफॉर्मेशन तो नहीं दोगे आप कोई स्टूडेंट की तो इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे ना तो इसलिए हाफ ईयरली रिपोर्ट जो बच्चे लोग पेश करते हैं फिलहाल अब मैं तीनों पॉइंट को कवर करूंगी करके पहले ना स्टार्ट करते हैं मैं जब से बोल रही कि बहुत थे। उन्होंने अपनी में कुछ किए तो क्या -क्या थे, थे ब्रिटिश एयरफोर्स में वॉर में बहुत उन्होंने ब्रिटेन लोग को ठीक है उसके बाद वो इंजीनियर भी रहे ऑयल रिफाइनरी में देखो इंजीनियर केमिकल इंजीनियर की जॉब है उन्होंने ठीक है उसके बाद जब उनको ना जॉब से देखो यहां से जब उनको हटा दिया गया वॉर खत्म हो गई अब जॉब से ना बहुत सारे लोग को निकाल दिया गया अब फिर से जब वो जा रहे थे अपना जॉब लेने के लिए तो उनको ना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे थे जॉब नहीं दे रहे थे इंग्लिश डू नॉट कंसिडर हिम टू बी द वन मतलब उन्होंने क्या बोले कि अब तुम हम में से नहीं हो क्योंकि उनको ना उस वो कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर दिया फिलहाल के बस इतने याद रखो इंजीनियरिंग की जॉब उसके बाद अब क्या हो रहा था उनको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी ठीक है तो उन्होंने क्या सोचे एकदम होता ना हार मान के चलो यार एक स्कूल में अप्लाई कर देता हूँ एक नॉर्मल सी स्कूल होती है चलो यार इधर पे अप्लाई कर देता हूँ हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो वैसे भी कहीं नहीं हो रहा है डालने में क्या है तो ना ऐसी रैंडमली क्या करते हैं एक ग्रीन स्लेड स्कूल नाम की स्कूल में एप्लीकेशन भर देते और एक्सीडेंटली क्या हो जाता है उनका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है एज ए टीचर तो वो तो बहुत खुश होते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया एक तो वो एकदम ना ब्रिटिश टाइप की स्कूल थी वहां पे इस प्रिंसिपल स्टूडेंट सब गोरे गोरे और वो अकेले तो वो थोड़ा शॉक भी हुए कि ऐसे कैसे तो चलो कोई बात नहीं बोलती चलो चलिए जाता हूँ क्या हो गया तो क्या करते हैं ग्रीन फ्लेट स्कूल में वो एज ए टीचर की जॉब कर रहे होते स्कूल किधर होती है लंडन ईस्ट में होती है कौन सी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं उस स्कूल की सबसे हाईएस्ट लेवल की क्लास को पढ़ा रहे होते हैं यानी मान लो अगर यहाँ पे स्टोरी में, में नहीं है कि क्लास ट्वेल्थ हाइएस्ट है क्लास टेंथ तो मैं मानकर चाहिए क्लास ट्वेल्थ ठीक है ऐसा मान लो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं लोग ओके तो सीनियर क्लास को पढ़ा रहे हैं ओके okay. अब ये उन्होंने टीचर की जॉब तो करी लेकिन बाद में अफकोर्स देखो यार वो राइटर भी बने इसलिए तो उन्होंने बुक लिखे ना टू सर लव अपने बारे में तो राइटर जब वो बने ना तो अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर चीजें लिखी है कि कैसे एक इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है स्पेशली रेशियल क्योंकि उन्होंने खुद फेस किया है इसलिए तो ये चीज आपको याद रखनी है अगर राइटर के बारे में करेक्टर स्केच आता है तो आपको ये सब पॉइंट्स कवर करने हैं ठीक है डिप्लोमैट्स टीचर इंजीनियर एंड राइटर ओके okay. अभी अपन जानेंगे कि ये जो ग्रीन स्लेट स्कूल थी ये कैसी स्कूल हाँ तो मैंने बताई ना वैसे भी स्टूडेंट जो थे चलो तो अपना पहला थीम मैंने क्या बताई थी जल्दी बताओ पहला थीम क्या था रेजिज्म है ना कि ने रेजिज्म मान लो कि क्वेश्चन आया कुछ रेजिजम टॉपिक आपके क्वेश्चन में ना कुछ रेजिज्म और ई आर ब्रेथवर्ट लिखा है तो आपके आंसर में क्या क्या कवर होना चाहिए कि एनकाउंटर ऑन द बस मतलब उनको बस में चढ़ने नहीं देते थे हटा जॉब इंटरव्यू में खाना खाने नहीं दे रहे और ग्रीन स्लेट स्कूल में भले ही उनका की जॉब लगी उसमें कोई दो वायर नहीं है लेकिन वहां के बच्चों ने तो परेशान किए ना तो ग्रीन स्लेट स्कूल में क्या एड्रेस लिख देना की स्टूडेंट्स लोग ने उनको बहुत तंग किया ऑफ इस कलर ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट कड़ा तो चार मार्क्स दो मार्क्स का ही अपना आंसर होता है ना तो दो मार्क्स के लिए अगर आपके एग्जाम में आता है रेजिज्म तो ये सारे पॉइंट कवर करोगे पैराग्राफ बनाकर लिखना ठीक है फेजेस इन लाइफ है पॉइंट्स याद करो आप खुद इसके पैराग्राफ ऑटोमेटिक बना लोगे मतलब लंबी लंबी लाइन बना के लिख देना ठीक है फिर अभी ना ग्रीन स्लेट स्कूल जो ग्रीन स्लेट स्कूल में पढ़ा रहे थे एज ए टीचर की जॉब अब की लग चुकी है तो ये School की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना सब ट्रबल मेकर है सब शरारती भाई एकदम बोलते हैं ना तंग कर देना वैसे वो मतलब दूसरे से फेल होके गए इधर पे उन लोग को मिल गया एडमिशन स्टार्टिंग में ये सारे बच्चे जो थे उन सर को क्या करते थे बुलीड करते थे लेकिन बाद में सुधर गए सोचो तो ऐसे सुधर गए क्या कुछ तो किए हो ना सर ने जो सुधरे तो सर ने क्या टेक्टिक्स अपना है वो अपन देखेंगे और ये आई थिंक पिछले साल ये वाला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि जो सर है यार ने ऐसा क्या करे कि बच्चों का बिहेवियर चेंज हो गया है ना तो अपन देखेंगे पहले तो याद रखना कि बहुत खतरनाक था बिहेवियर चेंज हुआ कैसे चेंज हुआ देखेंगे रू जाओ आप बोल बिहेवियर खराब था क्या खराब था देखो वो लोग जो थे ना बात अच्छे से नहीं करते थे पहली बात एम्बेरेस करते थे सर को शर्मिंदा कर देते थे ये बोल के कि तुम तो काले हो ये वो ये ऐसा ठीक है स्टूडेंट डिसरिस्पेक्टफुल थे मतलब सर को सर करके नहीं बुलाते थे उनके नाम से बुलाते थे अच्छे से मतलब बिल्कुल खराब रवैया मिस्टीवियस पढ़ना नहीं पहले दिन से ही ऐसा नहीं कि बाद में वो फ्री हुए तो करने लगे पहले अच्छे थे ऐसा नहीं डे वन से ही उनको सताना ये सारे पॉइंट कवर करोगे आप, आपके एग्जाम में आया ना कि स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में पॉइंट्स का लिखो ई आर बेतवट के स्टूडेंट का बिहेवियर तो ये सारे पॉइंट लिखने हैं बेंच को स्लैम करते थे ठीक है Blanche, पढ़ाते थे तो पढ़, पढ़ते आ, पढ़ते नहीं थे वो फॉल लैंग्वेज खराब भाषा का इस्तेमाल करना बहुत बुली तो वही बात हो गई लड़कियां भी कम नहीं थी लड़की भी सर के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी ठीक है सता सता के तो स्टार्टिंग में जो सर थे ना जब वो देखे कि ये लोग बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे बच्चे लोग तो सर का भी ना कभी कभी हल्का हल्का गुस्सा निकलता था ठीक है बट कभी भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया देखो सर ना कभी कभी उनको बोल देते थे क्या है तुम लड़की हो कैसा अनलेडी बिहेवियर कर रहे हो ठीक है क्या समझ कर हो तुम्हारी क्लास है ना मतलब तो ऐसा लिखा है आपकी स्टोरी में कि वो ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा उनके मुंह से निकल जाता था लेकिन जब वो लोग सुधर ही नहीं रहे थे डांट भी रहे तो सुधर नहीं रहे तो उन्होंने एक टेक्टिक्स अपना है उन्होंने एक टेक्निक अपना है कि भाई इन लोग को सुधारने के लिए ना मेरे को ना गांधी वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा गांधी का फॉर्मूला पता है ना आपको अच्छे के साथ तो अच्छा करना ही है कोई इंसान अपने साथ अच्छा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा करो कोई इंसान अपने साथ साथ बुरा कर रहा है उसके साथ भी अच्छा करो वो इंसान क्या करेगा अपने ही करतूत पे शर्मिंदा होके पछताएगा और फिर अपने से माफी मांगेगा तो यहाँ पे भी ई आर ब्रैतवट ने क्या समझे ये बात कि मैं जो गुस्सा कर रहा हूं उससे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही बच्चे सुधर ही नहीं रहे तो ट ER ने क्या है? ER ने है कि मैं चेंजेस लाता हूँ कहा स्टाइल में उन्होंने क्या चेंज लाया कि मैं ना बच्चों को अब सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं उनको प्रैक्टिकल लेके जाऊंगा अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं ना तो उन लोगों को म्यूजियम्स लेके जाऊंगा एक्सकरशन लेके जाऊंगा फील्ड ट्रिप करवाऊंगा तो क्या होगा ट्रेवलिंग के दौरान वो लोग होते हैं ना Enjoyment, थोड़ा बातचीत जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है दूर हो जाएगी ऐसा सब तो ये सब सोच के उन्होंने क्या करे सब स्टार्ट करे फील्ड ट्रिप एक्सकर्शन ठीक है ये सब लिखना आप। आपके ना पिछले साल आया ये ये में तो बच्चों को सारे कवर करने थे ये ठीक है ये पहला तो टीचिंग स्टाइल में उन्होंने ये चेंज है। हैंडलिंग टेक्टिक्स में क्या कि गर्ल्स को, गर्ल्स को वो मिस नाम से बुलाने लगे मतलब वहां के बच्चे लोग सर को सर नहीं बुला दे और सर बच्चों को मिस सर नाम से बुला रहे बोलो ऐसा तो बच्चे भी पहले तो शॉक हुए पहले हंसे क्या कर रहे हैं लेकिन बाद में इतना शर्मिंदा हुए कि हम ही गलत है यार इतना मतलब कोई इंसान को इतना तंग कर दिए बट वो उसके बावजूद हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है ठीक है तब तो हुआ क्या देखो <laughs> इधर पे जब लोग फील्ड ट्रिप में जाते थे ना सब टीचर लोग मतलब इस सर के साथ और भी दो तीन टीचर जाती थी बच्चे भी जाते थे तो वहां पे सर को एक गिलेन नाम की टीचर से हो गया और फिर उन लोगों की लव कहानी स्टार्ट हुई थी बस उतना ही है खत्म हो गया <laughs> खत्म हुआ मतलब अपनी स्टोरी में खत्म हुआ लोग का चला और लो की शादी भी हुई लिखा भी था हाँ फिर प्रीजुडाइजेज ये तो अपनी कहानी हो गई अपने किसके बारे में स्टूडेंट का बिहेवियर क्या खराब था और राइटर ने ई आर ने क्या चेंजेस लाए अपने टेक्निक्स में ताकि वो अच्छे सुधर जाए तो दो चीज कवर हो गया अभी प्रिजुराइजेज मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ना ऊपर ऊपर से रीड कर लेते हैं मतलब वही कि अपने साथ कुछ गलत होना ठीक है मतलब अपन ने कुछ अच्छा किया बट अपने साथ अच्छा नहीं हुआ प्रीजुडाइज तो देखो ना ब्रेथवर्ड ने जो थे उन्होंने ब्रिटिश लोग के लिए कितना काम करे आर्मी ऑफिसर वो उधर पे थे बट उनको वहां से निकाल दिया गया तो उनके साथ प्रिजुराइज हुआ कि नहीं हुआ ये स्किप कर दो यहाँ पे फिर लिखा भी है कि उनको ना ऐसा गुस्सा आने लगा थोड़ा सा और वही बोले कि उनको क्या बोल के जॉब से निकाल दिया जाता था बोलते थे कि जॉब पूरी हो गई है या तो बोलते थे तुम ओवर क्वालिफाइड हो हमारी जॉब के लिए मतलब वो ज्यादा ही पढ़े लिखे उनको इतने पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए बोलो ऐसा ओवर क्वालिफाइड और सेम चीज ना वी आर अम्बेडकर को भी बोली जाती थी अपने इंडिया में बोलो ऐसा ये रीजन से निकालना जॉब से सिनोपसिस हाँ अभी यहाँ पे अपना ना सेंट्रल थीम स्टार्ट होता है अपने स्टोरी का आपके एग्जाम में आता है राइट the तो सेंट्रल the थीम से तो क्या है अपने स्टोरी का कि अपने uh, देखो, मतलब क्या शॉर्ट समरी 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 मतलब थीम है ना थीम बड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट में बोलना सेंट्रल आइडिया वही तो होता है तो यहां पर क्या हो रहा होता है बच्चे सुधरे कैसे ये बात तो अभी तक अपुन ने किए नहीं अपुन ने बस इतना बोले कि बच्चे बुरे हैं सर ने यह अपनाया है। क्या बच्चे सुधरे ये तो अभी तक कहीं पे बात नहीं हुई है मतलब सुधरे क्या बच्चों ने रिस्पेक्ट से सर को बुलाए बच्चों ने माफी मांगे अभी तक कुछ बात हुई ऐसी इधर पे नहीं हुई तो ये कहानी प्रूफ करेगा कि बच्चे सुधर गए सच में क्या प्रूफ करेगा हाफ ईयरली रिपोर्ट Uh, हुआ कभी एटीन सॉरी फिफ्टींथ नोवर को सुबह दस बजे हाफ ईयरली रिपोर्ट मतलब क्या ग्रीन स्लेट स्कूल के सारे क्लास के बच्चे क्या करने वाले हैं मतलब क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के बच्चे आएंगे ऑडिटोरियम में और अपना आधा साल हाफ ईयर उन्होंने क्या पढ़े हैं उस पर प्रेजेंटेशन देंगे ठीक है तो अब सब टीचर लोग डरेगे ना क्योंकि उन्होंने ही पढ़ाया अपने बच्चों को तो बच्चे लोग अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे तो टीचर का नाम होगा अगर बच्चे ने धज्जे उड़ा दिए तो फिर टीचर का नाम खराब अब ई ब्रेथवर्थ को पहले से टेंशन था कि मेरे बच्चे ऐसे है अब सुधरे नहीं सुधरे उनको भी नहीं मालूम था उनको खुद बाद में पता चलता है कि भाई मेरे तो सुधर गए यार तो ही नहीं किया था तो देखो होता क्या है पंद्रह नवंबर सुबह ग्यारह बजे ऑडिटोरियम में आ, क्या आ, हाफ रिपोर्ट येट स्कूल के सारे बच्चे आएंगे क्लास वन से क्लास ट्वेल्व तक अब उन्होंने आधा साल जो भी पढ़े हैं उस पर प्रेजेंटेशन देंगे ठीक है उसमें ई आर ब्रेथवर्ट के क्लास के बच्चे भी होते हैं अभिपुन के नाम भी देखेंगे कौन कौन से बच्चे हैं ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना बस याद रखना कि जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट मतलब ऐसा होता है ना पर्दा खुला तो कौन बैठा हुआ था तीन लोग बैठे हुए थे स्टेज में जोसेफ देम और फ्लोरियन अब बोल गए लोग कौन है फ्लोरियन है ग्रीन स्लेट स्कूल का प्रिंसिपल देनहम और जोसेफ कौन है ये ई आर ब्रेथवर्ट के स्टूडेंट है यानी सीनियर स्टूडेंट है है ना क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं तो इनको मॉनिटर बना दिए बोले कि तुम लोग हैंडल करो तो ये जोसेफ और ठीक है लड़का है e के सीनियर स्टूडेंट ये तीन लोग स्टेज पे बैठे होते हैं टू मोर सीनियर स्टूडेंट ठीक है student, अब यहाँ पे हमेशा शुरुआत किससे होती है मिस्टर फ्लोरियन यानी प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं क्या बोलकर कि मतलब तारीफ करते हैं ना स्कूल की इसकी उसकी हेडमास्टर है वो ये 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 चलता है बताते हैं वो पहले छोटी क्लास आएगी उसके बाद बड़ी क्लास आएगी ठीक है ये ये चलता है अब ये नहीं ये सब सेम चीज आगे रिपीट होगी इसलिए मैं ना इसको स्किप कर रही हूँ ये सेम चीज आगे आने वाली है टेंशन मत लो इधर से सुबह दस बजे घंटी बजती है ऑडिटोरियम का पर्दा खुलता है सारे लोग पूरे क्लास के सारे हर बच्चे ऑडिटोरियम में बैठे हैं हर टीचर बैठी है प्रिंसिपल बैठे है ऑडिटोरियम में स्टेज में ये तीन लोग बैठे हैं सेट ऑन द स्टेज ठीक है जैसे ही सारे लोग ऑडिटोरियम में आके बैठ जाते हैं थोड़ा शांति होती है क्या होता है उसके बाद मैंने बताई जैसे कि फ्लोरियन स्पीच देना स्टार्ट करता है किसके बारे में स्पीच देता है कंडक्ट क्लीनलीनेस नॉलेज के इंपॉर्टेंस सब बताता है जब उसकी स्पीच एंड होती है तो सब लोग ताली बजाते हैं अपनी स्पीच एंड हो जाती है फिर वो चले गया फ्लोरियन चले गया अब नेक्स्ट कौन बैठा है स्टेज पे जोसेफ तो जोसेफ बोलना स्टार्ट करती है खड़ी होती है और एक्सप्लेन करती है कि भाई आज हमारा जो प्रोग्राम है वो उसमें क्या क्या होने वाला है ठीक है मतलब ऑडिटोरियम वालों को समझा रही है जोसेफ समझ में आ रहा है अब देखो अच्छा 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 ठीक है इतना सही है इतना सही है ना हम्म तो देखो यहाँ पे ये सारी चीजें कौन बोल रही है यहाँ पे सारी चीजें जोसेफ बोल रही है अपने ऑडियंस को कि ऐसा ऐसा होने वाला है सब बच्चे आए गए ये चीज अलाउड है चीज़ नहीं ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको स्किप करो फिर यहाँ पे बता रहे कि जब छोटे क्लास के बच्चे लोग ने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करे तो छोटे छोटे बारह साल के बच्चे थे ऐसा वो शर्मा रहे थे बेचारे लोग लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा यार उन लोग ने क्या करे बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन मैनेज करे ये लोग का रिपोर्ट छोटा छोटा था ऐसे ही सब बात कौन बोल रहे कौन बताएगा जोसेफ तो बोल रही है बट एक्चुअल में कौन प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि <laughs> ने ये स्टोरी लिखी है ना सिंपल सी बात तो मतलब उन्होंने ही तो हाँ। क्लास क्लास। एक के बाद एक क्लास जा रही है अब जोसेफ की कहानी खत्म समझा रहे है क्या हुआ अब क्लास आफ्टर क्लास यानी टू थ्री फोर सिक्स सेवन थे सब आ गए अब सारे के सारे लोग का प्रेजेंटेशन एंड हो गया है अब बारी आई है सीनियर क्लास के बच्चों की यानी ई आर के बच्चों की तो ई आर के बच्चों की बारी आती है ना तो ई आर दम एकदम अचानक से खड़े हो जाते हैं एंशियस लीडर के ठीक है सबसे पहला बच्चा ई आर की क्लास का कौन है देनहम माइक उठाता है और क्या बोलता है जेंटेटिव के नाम वो पुकारता है मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट पे बोलेगा एक सब्जेक्ट में छह सात सब्जेक्ट होते हैं तो एक बच्चे ने एक एक सब्जेक्ट लिया कि मैं हिस्ट्री पे बोलूंगा साइंस पे बोलना तू इस पे पर ज्योग्राफी पे ठीक है तो यह क्या करता है रिप्रेजेंटेटिव यानी ऐसा बोलेगा क्या बोलेगा जैसे पॉटर पॉटर अरिथमेटिक सब्जेक्ट पे देने वाला है सेपियोनो नाम का लड़का नेचर स्टडी पे प्रेजेंटेशन देगा मिस पैग एंड जैक्सन मिलके के ज्योग्राफी पे प्रेजेंटेशन देंगे ये और ये मिलके फिजियोलॉजी पर देंगे ठीक है दौड़ इस पे ये तो ये कौन बोल रहा है ये बोल रहा है देन हम ठीक है? अब यहां ज़्यादा खुश हो जाते हैं ये बात देखकर सर वॉज वेरी प्लीज टू सी कि जिस कॉन्फिडेंस से देनहम ने और जिस हम्बलनेस से देनहम ने सबको पुकारा स्पेशली हर लड़की के सामने उसने मिस लगाया शॉक्ट हो गए वो लेकिन ये लोग ऐसे बच्चे जो एक दूसरे के साथ तो थे ही उल्टी सीधी भाषा मेरे साथ भी बुरी भाषा स्टेज पे जाके भाई साहब तो एकदम खुश हो गए ठीक है तो याद रखना सर जो है प्लीज क्यों हो गए अपने बच्चों का तो ये रीजन आपको देना कि देन हम जब माइक उठाया और सबके नाम के साथ स्पेशल लड़की मिस लगा रहा था बहुत ही हमली उसने एड्रेस किया अब देखो क्या होते सारे के सारे बच्चे का नाम पुकारा गया एक एक करके एक एक करके बच्चे क्या कर रहे हैं स्टेज पे आ रहे हैं और एकदम अच्छे लहजे में मतलब कोई उनको देखेगा ना ऐसा लगेगा क्लास के टॉपर है वो लोग ऐसा लगेगा बट एक्चुअली फेलियर बच्चे कहीं और से आए तो ऐसा लग रहा था कि कितना अच्छा उन लोग का बिहेवियर हो गया है देखो वेर केल दे देयर सीट विद कमांडेबल ग्रेविटी मतलब इतना एक होता है ना एकदम आए और अचानक से सब बैठ गए गुस्से में वैसा नहीं एकदम आराम से आना लहजे में एकदम अच्छे से बैठना वैसा कमांडेबल ग्रेविटी तो ये सारी अच्छी बातें देखकर सर खुश हुए याद रखना ठीक है अभी देखो यहाँ पे ना फिर पूरा की पूरी इंफॉर्मेशन ना हर बच्चे ने क्या प्रेजेंटेशन दिया उसने क्या बोला वो सर वे? उससे अपने को इतना मतलब नहीं रखना है ठीक है देखो जैसे जोसेफ ने किस पे नहीं Uh, हाँ पहले ना आई और उसने फिर से एड्रेस करी क्योंकि जोसेफ भी क्या है ब्रेथ क्लास की बच्ची है ना तो वो भी आई और पहले उसने बताई कि देखो हमारी क्लास का प्रेजेंटेशन का थीम क्या है कि जो इंसान है ना वो एक दूसरे पर डिपेंड है डिपेंड है इंटर डिपेंड है तो हम सब जो इंसान लोग है ना भले ही दिखने में अलग है रिलीजन अलग है कल्चर अलग है जियोग्राफिकल लेवल पे अलग रहते हैं बट अंदर से हम सेम है और एक दूसरे पे डिपेंड है तो राइटर शॉक्ट हो गए बोले कि भाई एक जमाना था जब ये लोग बच्चे लोग मेरे पे डिस्क्रिमिनेट करते थे मेरे से भेदभाव करते थे और आज ये बच्चे ये टॉपिक लेकर आए मतलब कंक्लूजन इतना खतरनाक वो लोग निकाले गए हमने सोचे नहीं थे है ना तो समझाती है देखो ऑल मैन काइंडरपेंडेंट इन इन स्पाइट ऑफ ज्योग्राफिकल ठीक है फिर वो क्या करती है पॉटर को बुलाती है अब वो लोग का प्रेजेंटेशन का सिलसिला स्टार्ट होता है ठीक है फिर देखो पॉटर आता है पे देता है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है इससे मतलब मत रखो इतना सेपियोना आता है नेचर स्टडी पे वो ये सारी बातें करता है मिस पैग जैक्सन ज्योग्रफी पे आके ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं फरमान का याद रखो ठीक है फरमान अब बोले क्यों फरमान क्योंकि इसने ना पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन जो हुआ हाफ ईयरली रिपोर्ट में पंद्रह नवंबर को सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन इसका था क्यों क्योंकि इसने प्रेजेंटेशन सिर्फ बोलकर नहीं दिया बाकी सारे बच्चे आ रहे थे रीड कर रहे थे स्पीच दे रहे थे जा रहे थे इसने प्रैक्टिकल लेवल पे समझाया ठीक है इसने क्या किया कि ट्रम्प कार्ड प्ले किया मतलब सबको सरप्राइज कर दिया सबको शॉक्ट कर दिया किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये जो बच्चा है फरमान ये इतने अच्छे से हमको कॉन्सेप्ट समझाएगा तो देखो इसने क्या किया ये स्टेज पर आया सबसे पहले तो ठीक है मैं समानो फरमान स्टेज पे आया उसके सामने पूरी ऑडियंस खड़ी है बैठी है सॉरी उसके सूल वाले फिर ना वो दो बच्चों को बुलाते है एक वेल्श और एक एलिसन नाम के बच्चों को बुलाते हैं वो दो बच्चे ना अपने हाथ में कुछ लेकर आते हैं क्या लेकर आते हैं उनके हाथ में ना एक स्केलेटन होता है जो सॉर्ट ऑफ गैलॉस की तरह आप बोलिए क्या लिखा है भाई ये देखो कुछ ऐसा ये पूरी फोटो दिख रही है इसको बोलते हैं अपन गैलॉस मतलब वो दो बच्चे ये उठाकर लेकर आए ठीक है थीके? ये लकड़ा है और बीच में स्केलेटन लटका हुआ है ठीक है अब ये बच्चे स्टेज पर रखे फरमान खड़ा हुआ है बच्चे चले गए अब देखो इसके ऊपर ये क्या लगा है ऐसी रस्सी लगी है तो ये ऐसा हल्का हल्का सा राउंड घूमेगा ना कोई भी चीज अपने लटका देखा घूमती है ना तो जैसी सब लोग देखे भाई ये क्या हो रहा है स्केलेटन उसने लाया फिर अचानक से ना एकदम साइलेंस हो जाता है और फिर वो स्केलेटन सा गोल गोल घूमने लगता है तो सब लोग की हंसी निकल जाती है बस यहाँ पे ऐसा लिखा है सब लोग की ना हंसी निकल जाती है पूरे स्कूल वाले लोग हंसने लगते हैं मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि कुछ सिचुएशन डरावनी होती है स्केलेटन आ गया बट तो अपनी हंसी निकल जाती है तो यहां पे ना आपको ना ऐसे क्वेश्चन बहुत मैंने देखी बहुत पूछे गए कि फरमान ने ऑडिटोरियम में कॉमिक रिलीफ लाया जस्टिफाई एलोबरेट डिस्कस ऐसे क्वेश्चन देखी तो इसका आंसर क्या होगा समझ में आया क्या लिखोगे आप ये वाली चीज समझाओगे आप यहां एलिसन आए ये गैलोस को लेकर ठीक है ये गैलोस रखा हुआ था दिस अरेंजमेंट वाज मेड देयर वाज अ स्केलेटन हैंगिंग फ्रॉम अ हुक ठीक है टॉप स्कल जेंटली रिवॉल्विंग एट द एंड रिवॉल्व गोल घूम रहा था तो स्कूल हंसने लगी ठीक है ये देखकर अब जैसे ही सब शांत हो गए फरमान ने अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया जैसे ही जैसे ही क्या हुआ जैसे ही सबकी हंसी बंद हो गई इवेपोरेट हो गई फरमान ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ड्रामेटिक के टोन एकदम मतलब बोलते ना कॉन्फिडेंट है बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट है डर नहीं रहा है और अपने प्रेजेंटेशन को समझाना स्टार्ट किया सबसे पहले तो उसने बोला कि जो स्केलीटन है ना फीमेल का है मैं एक चीज आपको बस बताता हूं ये जो स्केलेटन है ये फीमेल का है इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मुझे कोई बता सकता है क्या ये जो स्केलेटन है ये कौन से रिलीजन का है कल्चर का है इसका क्या कलर था क्या कास्ट था कोई बता सकता है जैसे सवाल पूछता है फरमान ठीक है क्या पूछता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि या ये येटन चाइनीज है फ्रेंच है जर्मन है ग्रीक है ब्राउन है व्हाइट है या मिक्सचर ऑफ बोथ है एकदम ऐसा बोलते ना एग्रेसिव वॉइस कॉन्फिडेंट है स्ट्रॉन्ग है अपने जान डाल के अपनी बात बोल रहा है वैसे टोन में बोलता है कोई आंसर नहीं दे पाता तो कंफ्यूजन क्या देता है मैं यही बोलना चाहता हूं कि सारे लोग सेम होते हैं हमारी बाहरी तौर पे बाहरी तौर पे हम अलग दिखते हैं वी डि, डिफरेंट है बट फाउंडेशन अपना है ना जो अंदर से इनर सेल्फ हम सबकी सेम है स्केलिटन जैसे इधर पे अपन है ना अब ये स्केलेटन का रिलीजन क्या था कौन से कलर का था किसको क्या मालूम तो अंदर से तो सेम है तो हम क्यों फिर डिस्क्रिमिनेट करते तो राइटर देख रहे वो शौक टू तो कि भैया मेरे बच्चे मतलब <laughs> कोई ऐसा इंसान जिसने अपने लाइफ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया स्पेशली कलर को लेकर और उसी के बच्चे जब ऐसी बातें करेंगे तो इससे पता चलता है ना कि वो बच्चे ने अपने टीचर से कितना कुछ सीख लिया और उनको इंपैक्ट हुआ और किस लेवल पे और समझा रहे वो बातें तो सर बहुत खुश हुए मतलब प्लीज हैप्पीनेस आपके एग्जाम में आते हैं तो ये सारी बातें लिखनी है आपको

उसका जो रिपोर्ट था वो बहुत ही शॉकिंग था सब लोग शॉक्ट हो गए कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं क्या उसने पीटीएन गेम्स का जब रिपोर्ट दिया तो फुल क्रिटिसाइज किया मतलब शिकायत शिकायत कि हमारे स्कूल में ये पीटी क्या सोच के रखे मुझे पता नहीं अरे हफ्ते में एक दिन पीटी कराते हैं आधे घंटे के लिए एक जगह खड़े के वन टू वन टू करो क्या फायदा या तो पीटी का ड्यूरेशन बढ़ाओ लेक्चर ज्यादा रखो या तो इसको हटाओ और गेम लाओ वो ऐसा बोलने लगा ठीक है तो यहाँ पे ना सब शॉक्ड हो गए बच्चे अब जो सबको गेम पसंद है फुटबॉल कबड्डी सब रखेगा ना तो बच्चे उसको सपोर्ट करने लगे है ना ये सब थोड़ी बात इधर पे लिखी गई है तो देन हमको याद रखना अब ये टॉपिक ना यहीं पे रुक जाती है ना रुक जाओ देखो वो कंप्लेन करने लगता है ना देन हम कंप्लेन करने लगता है तो बच्चे लोग जो होते हैं ना एकदम खुश हो जाते हैं क्योंकि सब जॉली गेम है तो सब लोग उसको क्या कर रहे होते हैं चीयर कर रहे होते हैं देन देन हम हम और एग्रेसिव हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ भाई ये पीटी गेम को गेम्स को लाओ वरना ये करेंगे वो करेंगे ऐसा सब होने लगता है ठीक है सारे ऑडियंस लाउडली मतलब बच्चे लोग ना सब उसको क्या करने लगते हैं चीयर करने लगते हैं जैसे ही देन हम का रिपोर्ट ओवर होता है याद रखो हम का रिपोर्ट एंड हो गया पूरा का पूरा हाफ ईयरली रिपोर्ट एंड हो चुका है एक चीज वो लोग डिसाइड किए होते हैं कि सारे बच्चों का जैसे ही प्रेजेंटेशन एंड होगा से लोग क्या डिसाइड किए होते हैं कि जैसे ही सारे बच्चों का प्रेजेंटेशन देके हो जाएगा हम क्या करेंगे एक चिट्ठी उड़ाएंगे एक चिट्ठी मतलब बहुत सारी चिट्ठी उड़ाएंगे उसमें से ना तीन चिट्ठी निकालेंगे वो चिट्ठी में किसके नाम लिखे हो स्कूल के सारे टीचर्स के नाम लिखे हो गे. जिस भी तीन छिट्टी का नाम तीन छाए गई भी टीचर का नाम आया वो टीचर स्टेज पे आएगा और उस टीचर से इस ऑडिटोरियम में जितने भी बच्चे जो भी सवाल पूछना चाहते हैं उनको आजाद दिए पूछो ठीक है तो वो सिलसिला स्टार्ट होता है देन हम जो होता है दो बच्चे को स्टेज पे बुलाता है वो लोग ऐसी टोपी लेते हैं ठीक है उसमें स्लिप स्लिप जो होती है पेपर को चार छिट्टी वो सब आते हैं बहुत सारे ना छिट्टी डालते हैं सब टीचर का नाम डाल के लोग करते हैं फिर ऐसा शेक करते हैं तो तीन टीचर जो नाम निकलते हैं वो कौन है देख लो तीन छिट्टी पहला छिट्टी खोलते हैं तो निकलती है मिस फिलिप्स दूसरे सर का नाम है मिस्टर वॉटसन और थर्ड मिसेस डेल इमान ये तीन टीचर अब क्या करेंगे बताओ ये तीन टीचर अब स्टेज पे आके बैठेंगे और बच्चों का आंसर देंगे ठीक है तो ये तीन टीचर का नाम आया अब क्या होता है देखो क्वेश्चन आंसर सेशन बिगेन होगा ना अब यहां पे देखो क्या होता है सबसे पहले कौन खड़ा होता है देन हम आ गया वो देन हम ठीक है हमने देखे ना देन हम बड़ा खतरनाक है तो देन हम तो के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की देन हम जो ना एक ट्रेन बॉक्सर है भाई ठीक है एक तो फेलियर है मतलब चार पांच साल पहले से उसका ड्रॉप आउट चल रहा है तो एकदम ऐसा ट्रेन टाइप बॉक्सर है उसकी बॉडी वॉडी अच्छी है तो इसलिए ना उसको पीटी करना पसंद नहीं उसको गेम खेलना पसंद तो ये सबसे पहला सवाल उठाता है और टीचर लोग से पूछता है क्या पीटी ट्वाइस वीकली फॉर ट्वेंटी मिनट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम बीस मिनट पीटी कराते हो हफ्ते में दो दिन वेस्ट ऑफ टाइम है क्यों करा रहे हो हमको पीटी चेंज करो ठीक है तो ये क्या रिप्लाई करती है ये ये फिलिप्स है फिलिप्स रिप्लाई करती तीन टीचर में से कौन रिप्लाई कर रहा है याद रखो देनहम का आंसर ये दे, ये टीचर देगी ये सर जो थे ना बच्चे लोग जो भी आंसर पूछ रहे थे उनके आंसर का जवाब उनकी बोलती बनकर मतलब उनका आंसर का जवाब ही तो नहीं दे रहे थे और ये टीचर भी नहीं दे रही थी ये बड़ी चालाक टीचर थी बच्चे लोग की बोलती ब, ब, बोलती बन कर रही थी तो देनहम का जो सवाल था एकदम परफेक्ट सवाल था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इसने क्या आंसर दी कि देखो बेटा एवरी सब्जेक्ट्स इनक्लूडिंग पीटी एंड गेम हैड बिन केयरफुलसीडर इन द टाइम टेबल सो ई स्टूडेंट रिसीव फ्रॉम इट ठीक है हमने सोच समझ के ही पी टी और गेम्स ये सब चीज को कंसिडर किया है और हमारी स्कूल में इतनी फैसिलिटी नहीं है अपना ग्राउंड भी इतना बड़ा नहीं है कि हम जो है गेम जैसे सब्जेक्ट गेम जैसे एक्टिविटीज को रखें अगर अगर तुम जैसे बच्चे जो इतने फॉर्चुनेट है फिजिकली इतने अच्छे है तुमको तो गेम की ऑलरेडी जरूरत नहीं है एक फिजिकल एक्टिविटी की तुम क्यों मांग रहे हो ऐसा पूछती है ऐसा बोलती है और क्या बोलती है देखो आ, नहीं उसके बाद <coughs> देन हम आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं थोड़ा सा देखो लास्ट अपना है आ, ये थोड़ा सा बस सीन होगा उसके बाद आपकी नॉवल एंड हो जाएगी इतना ही है बस और कुछ नहीं है तो देखो देन हम जो होता है वो बोलता है Why do do we have to do PT? हम जैसे गेम छोटे छोटे बच्चों को पीटी कराओ हम जैसे बड़े बच्चों को, को।, तो को, को फुटबॉल खिलाओ और जॉली गेम खिलाओ जॉली गेम मतलब वो भाग दौड़ वाले सब जो गेम होते वो अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था उसके पॉइंट ऑफ यूसर सही है ना फिलिप्स क्या आंसर देती है देखो फिलिप्स टीचर जो होती है पहले तो एकदम इनोसेंट फेस बना लेती है मतलब कि अपने फिजिकल अपियरेंस से ही ना ऑडियंस का ध्यान और, और बोलते ना वो करने की कोशिश करती है कि सबको लगे कि हाँ ये जो आंसर देगी वो सही देगी ठीक है क्योंकि अभी उसकी इज्जत का सवाल है इसको करेक्ट आंसर तो देना ही पड़ेगा बच्चे का बंद करने के लिए तो ये क्या बोलती है देखो ये बोलती है कि सुनो देन हम मेरी बात हमारी स्कूल में हमने जो टाइम टेबल बनाए है ना वो सिर्फ तुमको स्कूल के अंदर रहने के लिए नहीं पढ़ाए हैं तुम एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम ये स्कूल छोड़कर जाओगे दुनिया देखोगे तो दुनिया में हर चीज तुमको चाहिए नहीं मिलती दुनिया में हर चीज जो तुमको चाहिए वो तुमको दुनिया में हर चीज थोड़ी मिलेगी तो उसके लिए हम तुमको प्रिपेयर करवा रहे हैं जैसे कि अभी तुम्हारी डिमांड है कि गेम्स होना चाहिए बट हम तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे ताकि तुम प्रैक्टिस तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाए तुम प्रैक्टिकल लेवल पर समझ पाओ कि जब कोई चीज हमको चाहिए और हमको नहीं मिलती है तो कैसे टैकल करना है तो इसके लिए हम तुमको इसके लिए हम तुमको क्या करवा रहे हैं प्रैक्टिस करवा रहे तो ये सुनकर देन हम जो होता है रुक जाता है बोलते हैं अब मैं क्या बोलूं उसने तो ऐसा आंसर दे दिया कि भाई अब मतलब होता है ना बस भूलती बन करने के लिए ऐसा आंसर है ये क्या बात हुई कि भाई दुनिया में क्या है? ऐसा थोड़ी, में थोड़ी इतना सोचते तो तो हैं और ना, देन हम। ये, जब उसने, तो उसने आर्ग्यूमेंट ही नहीं किया पुअर देन हम न्यू डेट ही है है बिन देन हम को पता था कि उसने मुझे हरा दी है आर्ग्यूमेंट में अब मैं इसको कुछ बोलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा क्योंकि इसने बहुत खतरनाक आंसर दिए ठीक है और ये बहुत खुश हो जाती है कि मैंने तो भाई बोलती बंद कर दी तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो अपने राइटर है ना सबसे पहले तो क्या बोलते पता है राइटर ना ये ये सब देख रहे होते हैं ना ऑडियंस में बैठ के यार ऑडियंस में बैठे हुए हैं वो भी सर है ना और वो देख रहे हैं स्टेज में देन हम और उसका आर्ग्यूमेंट चल रहा है फिलिप्स का तो ई आर देखते हैं ना तो क्या बोलते हैं बोलते हैं ये फिलिप्स ये यहाँ पे स्टेज पे आकर इतनी भोली बन रही है अरे ये क्लास में बच्चों को पकड़ पकड़ के मारती है इतनी खडूस टीचर है और स्टेज पर के सामने, एक तो सामने बट एकदम वैसे तो यहाँ पे यह शॉक्ट हो जाते भाई फिलिप्स को देखो कितनी हो गई है और दूसरा और क्या बोलते हैं बोलते हैं कि भाई ये फिलिप्स ने मेरे स्टूडेंट देनहम को मेरे बेचारे दैनहम को इस तरीके से निचोड़ के फेंकी मतलब इस तरीके से उसने बेचारे को खा ली जिस तरीके से भूखी बिल्ली जिस तरीके से एक भूखी बिल्ली एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा होता है ना उसको खा लेती है उसके पर तक नहीं छोड़ती वैसा मतलब उसकी बोलती तक बन कर दी एग्जांपल एग्जाम्पल आपके टेक्स बुक में लिखा गया और फिर चैप्टर एंड है <laughs> देखो ऐसा लिखा है दिस फ्रीली इनोसेंट लुकिंग पर्स पर्स मतलब क्या कैट ठीक है इनोसेंट ना चेहरा ऐसा बनाई जैसे बहुत ही इनोसेंट है क्या कर दी गॉबल्ड एकदम खा लिए पूरा पूरा एक एक फेदर पकड़ के विदाउट लिविंग एनी टाइनियस फेदर मतलब वो बेचारे बच्चे का एक शब्द बोलने लायक उसको नहीं छोड़ी ठीक है इतने उसने ऐसा करी तो यहाँ पे क्या करते हैं ब्रेथवर्ड ये सारी बातें अपने मन में सोच रहे होते हैं फिलिप्स के बारे में और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा वो खुश भी हो जाते हैं कि चलो यार ये सब बात तो बात की है लेकिन मेरे बच्चों ने मस्त प्रेजेंटेशन दिए देन हम ने और कैन फरमान ने बाकी सारे जोसेफ ने भी अच्छे से हैंडल करी बहुत खुश हो जाते हैं और ये बात से साबित होता है क्या कि जो ई आर ब्रैथवट ने चेंजेस लाए थे अपनी टेक्निक्स में वो काम आई वो क्या हो गई फ्रूटफुल साबित हो गई ठीक है तो फिर यहाँ पे सब अपना प्रेजेंटेशन एंड हो जाता है और हेडमास्टर फिर से स्टेज पे जाते हैं सबके सबकेशन मेहनत को तारीफ करते हैं और फिर आपका नॉवल सेक्शन एंड हो जाता है बस इतना ही है तो अपन ने ये जो नॉवेल पढ़े इसमें ज्यादा बातें है बट अकॉर्डिंग टू प्लॉट्स है पहले प्लॉट है रेसिज्म का फिर प्लॉट आया किसका प्रेजेंटेशन फिर फरमान की मैंने बात करी है ना फिर देनहम की बात करी फिर फिलिप्स और देनहम का आर्ग्यूमेंट की बात करी फिर इधर पे मतलब क्वेश्चंस आपको एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आएगा तो आपको उसी पॉइंट को कवर करना है ना तो ये सारी बातें और फिर बिहेवियर वाला भी यहाँ स्टूडेंट का बिहेवियर क्या था कैसे चेंज करें तो ये सारी चीजें आई होप ये नोट्स ने आपके लिए आसान कर दी होगी अभी हम क्या करते हैं थोड़ा सा दस पंद्रह सेकंड के लिए रुकते हैं आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन जाए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं देख लो सामने लगा देते ठीक है समझ में आ गया एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो दिमाग में घुस गई नॉवल एकदम अच्छे से सिंपल सी भाषा हिंदी में आपको समझाई उतनी बड़ी नॉवल आपको देखो स्टोरी समझ में आ गई ना अपने मन से लिख देना दो मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा टेंशन मत लो कि आपको बहुत लिखना पड़ेगा दो मार्क्स का क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप तीन पॉइंट भी लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे स्टार्टिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन लिख देना कि नॉवल लिखी गई यार बेट के द्वारा ऑटो बॉयोग्राफिकल ये एक पॉइंट मिल गया और फिर तीन पॉइंट अपने मन से डाल दो मिनट्स ब्रेक ट्वेल्व सेकेंड्स में ठीक है यस 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 बस अपन अभी क्या करेंगे हल्का सा इसको सॉल्व करेंगे पूरा नहीं क्योंकि थ्योरी लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा बस पॉइंट में बताऊंगी क्या कौन से टॉपिक में कौन सा आंसर रहेगा और फिर अपन बढ़ जाएगा नोवेल नंबर 4.3 पॉइंट पांच मिनट बाद जो अभी सॉल्व करते हैं इसको फटाफट फट। फिर ब्रेक ले लेंगे देखो पहला क्वेश्चन क्या है हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से समझना कौन से सिचुएशन क्या है हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल हाईलाइट द कंडक्ट ऑफ ईआर ब्रेथवर्थ क्लास गौर से सोचो हाफ ईयरली रिपोर्ट जो हो रहा है उसमें ईआर ER ब्रेथवर्थ के क्लास के जो बच्चे हैं उसका कंडक्ट कंडक्ट मतलब क्या बिहेवियर तो आप यहां पे कौन सा पॉइंट कवर करोगे मुझे बताओ आप आप इधर पे कवर करोगे Then, हम जिस तरीके से सबको सब, सब गर्ल्स के सामने मिस लगा के बुलाया वो वाला पॉइंट कवर करोगे एक मार्क्स दूसरा पॉइंट याद है कमांडेबल ग्रेविटी से लोग बैठे उससे क्या पता चलता है लोग बिहेवियर पता चलता है ना कितने अच्छे है तो कमांडेबल ग्रेविटी वाला अच्छे से लोग ने बिहेव करे और फरमान वाला एग्जाम्पल कि उसने कैसा प्रैक्टिकल लेवल पर समझाया दो दो लाइन और लास्ट यहाँ थीम भी दे दोगे दे दे। हल्का सा बाय दे 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 दे। का तीन पॉइंट लिखे मिल जाएगा दो में से दो मिल जाएगा आराम से तीन पॉइंट भी लिख रहे हो ना दो मार्क्स के लिए मिल जाएगा दो में से दो बस इससे पता चलता है कि बी आर ब्रतवट के बच्चे तो बिहेवियर यहां पे देखो बिहेवियर हाफ रिपोर्ट का आप ये मत समझना कि बच्चों का बिहेवियर लिखना है आपने पता चला पहले वाला बिहेवियर लिख दिया कि बच्चे स्लैम करते थे ब्यूज करते थे बुली करते थे नहीं 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 यहाँ पे बिहेवियर कब की बात हो रही है हाफ ईयरली रिपोर्ट और हाफ ईयरली में तो लोग ने अच्छी चीज की है ना तो वो सारी बात कवर करनी है क्वेश्चन अच्छे से रीड करना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इन द क्वेश्चनिंग सेशन देन हम वॉज एक्सप्रेसिंग फ्यू स्टूडेंट्स फीलिंग इलिवस्ट्रेट क्वेश्चनिंग सेशन कैसे पहचानोगे आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग सेशन किसके साथ हो रहा है बताओ देन हम किसके साथ कर रहा था क्वेश्चनिंग यस yes. मिस फिलिप्स के साथ उसका चल रहा था हमने देखे थे ना कि वो बाकी सारे बच्चे उसको देखो बोल रहे थे देन हम देन हम तो आप पे क्या बात लिखोगे आप पीटी और गेम का पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देके आओगे कि वो क्या बोल रहा था कि पीटी क्यों हटाओ और गेम क्यों लाओ बच्चों के लिए पीटी रखो हमारे लिए गेम रखो वो ये बोल रहा था ठीक है तो ये सब बातें सुनकर सब लोग और गेम में क्या गेम ठीक है फुटबॉल कबड्डी वो सब बात कर रहा था मिस फिलिप्स इफेक्टिवली हैंडल द क्वेश्चनिंग सेशन क्या लिखोगे पता है ना हम तो आपको दुनिया के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं वो वाली बात लिखोगे कि क्या करी फिलिप्स ने क्या बोल के उसकी बोलती बन करी कि हम तुमको दुनिया के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं कि दुनिया में तुमको जो हर चीज चाहिए हर चीज नहीं मिलती कुछ चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं ना तो हम भी आपको वही कर रहे हैं तुमको गेम चाहिए बट हम तुमको गेम नहीं देंगे सीखो कैसे हैंडल करना है ऐसा ऐसा बोल के बोलती मन करती है और क्या है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इवेंट विच टूक प्लेस यहाँ पे तो अपने को पूरा ना समरी uh, देना है कि पंद्रह नवंबर को क्या हुआ तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से चार पॉइंट कवर करोगे कोई भी चार पॉइंट कवर कर दो सिचुएशन के आपको मार्क्स मिल जाएंगे मतलब पंद्रह नवंबर को छोटी क्लास आई मतलब आपको जो भी चले लिख दो मार्क्स के लिए मार्क्स तो मिलने वाले वैसे भी

कि जब सब कुछ चल रहा था तो यार ब्रेथवर्ड बैठ के ऑडिटोरियम में सुन रहे हैं ना बैठ के तो उन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिए थे लास्ट में देन हम और वो सोच के बिल्ली वाला एग्जांपल याद है वो और फिलिप्स वाला भी हाँ तो दो पॉइंट इधर पे कवर हो गए कि फिलिप्स जो है कैसे इनोसेंट बन रही है ये वाला पॉइंट नहीं वैसे तो तीन पॉइंट देखा जाए तो ये फिलिप्स वाला पॉइंट कवर हो गया कि वो इनोसेंट बन रही है हाँ हाँ बच्चे सुधर गए देन हमने जब सबको मिस नाम से बुलाया तो सर भी खुश हो गए प्लीज हो गए ये वाला पॉइंट ये शो करता है कि सर सब कुछ देख रहे हैं और साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और लास्ट वाला वो कैट वाला एग्जाम्पल बस दो भी लिखोगे तो वैसे मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि थोड़े इसको एलोबरेट करके लिखने पड़ेगा समझ गई होगी बात कैसे आपको लिखना है? देखो यहाँ पे तो अपने कुछ याद नहीं करे एक बार चीज समझ में आ गई ना

Class 12, सबसे confidently, किसने दिया? फरमान फरमान के के क्या खतरनाक तरीके से उसने आया है ना voice ये वो तो class 12 के example देके class वो तो का का समझाओगे और आपको याद है कि वो बोल रहे थे शायद है छोटे छोटे बच्चे छोटा छोटा रिपोर्ट दे रहे के भाग रहे हैं तो, तो ये दो कंपेरिजन करने का आंसर सही है फरमान वॉज इनोवेटिव ड्रामेटिक इन प्रेजेंटेशन पूरा वेल well, शेलिसन को बुलाया गैलोस को लेकर Skeleton, सवाल पूछा बताओ ये फीमेल के अलावा और क्या बता सकते हो आप कोई आंसर नहीं दे पाया तो उसने क्या कंक्लूजन दिया कि वी ऑल आर सेम इन फ्रॉम एक्सटर्नली हम अलग बस स्टेज हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्टेज हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द प्रेजेंटेशन स्टेज हैज द्रेट इम्पैक्ट ये ऑडिटोरियम के स्टेज की बात हो रही क्या? मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते है से प्रेजेंटेशन तो, को, तो अपन जो चीज प्रेजेंट कर रहे होते है, उसमें थोड़ा आ जाते है। अगर आपको अपने फ्रेंड के सामने एक रूम में प्रेजेंटेशन देना है तो आप अलग तरीके से दोगे अब वही प्रेजेंटेशन आपको पूरी स्कूल के सामने स्टेज पे खड़ा कर दिया तो आपका क्या बदलेगा प्रेजेंटेशन देने का तरीका बदलेगा कि नहीं बदलेगा तो वही है कि ये ना आपको क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटोरियम में हुआ ऑडिटोरियम में ग्रीन स्लेट स्कूल ने क्या किया ऑडिटोरियम में प्रेजेंट किया वहां पे सारे क्लास के बच्चे टीचर प्रिंसिपल थे ना तो बच्चे लोग ना अपना बेस्ट वर्जन दिखा रहे थे अपना बेस्ट वर्जन दिखा रहे थे प्रेजेंटेशन ठीक है पीवाई क्यू क्या आया फटाफट देखते हैं फिर सेशन को हाउ रिकी ब्रेथवर्ट मैनेज टू ब्रिंग चेंजेस बोली थी ना वही लिखोगे क्या चेंजेस लाए बताओ फटाफट क्या उन्होंने अपने टेक्टिक्स अपनाए थे डिस्क्राइब हाउ मैनेज टू ब्रिंग द चेंजेस इन द बिहेवियर टीचिंग स्टाइल टीचिंग स्टाइल में चेंज लाए हा टीचिंग स्टाइल टीचिंग स्टाइल में तो सबसे पहले वो एक्सकर्शन uh, लेके जाने लगे फील्ड ट्रिप थिएटर म्यूजियम ये चार नाम याद रखना ठीक है टीचिंग स्टाइल प्रैक्टिकल लेवल पे समझाने लगे दूसरा रिस्पेक्ट बच्चों को सर गर्ल्स लोग को सर मिस नाम से बुलाने लगे मिस एग्जाम्पल देना जैसे मिस जोसेफ मिस डॉड ऐसा हाउ डस ब्रेटवर्ट मैनेज टू इंक्रीज द कल्चरल एक्सपोजर ऑफ द क्लास सेम आंसर है सेम बोलो मतलब well, क्वेश्चन लिख अलग है बट आंसर सेम होगा क्योंकि देखो ना कल्चरल एक्सपोजर ऑफ द क्लास कल्चर मतलब क्लास के बाहर जाके पढ़ाना क्लास के बाहर मतलब ये चार जगह सेम आंसर होने वाला है तो बच्चे लोग को मजा है दो क्वेश्चन सेम आंसर बस ये पिछले साल का क्वेश्चन था तो बस अभी अपन क्या करेंगे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे पांच मिनट का कोई कहीं जाएगा नहीं ऐसा नहीं कि पांच मिनट आपका पांच पचास मिनट हो गया ठीक है चलो जी समझ में आ गई होगी बात पांच मिनट का ब्रेक ले लो आप भी पानी वानी पी लो मैं आती हूं नावल के साथ चलो टेक केयर पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व करे सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे तो समझ लो कि नॉवल को अंडरस्टैंड करना कितना इंपॉर्टेंट है मस्त आ हम्म सिनेमेटिक शॉट्स है मुझे में आ रहा है अच्छे से <laughs> वही है कि एक बार स्टोरी समझ गई ना पूरा नॉवल क्लियर हो जाएगा कोई ऐसा भी क्वेश्चन आए लिख लेगा कंटेंट गिनती के चार पांच ही है बस वही कंटेंट से अलग 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 क्वेश्चन बनाए गए लोग हाँ ऊपर के दो क्वेश्चन अलग थे बट आंसर सेम था ऐसे ही हाँ. <laughs> पूरा आ जाए ना आपका तो कपिट भी गया ही था सिर्फ मैं आपको पास भी तो नहीं देंगे ऐसे पढ़ा <laughs> तुम सारे लेक्चर यहीं पे आ अटेंड कर रहे हो अभी मतलब फैब से हम्म फैब से वही तो मतलब मेरी क्लास चल रहा हम्म बट

सर की भी जर्नी बहुत अच्छी इंस्पिरेशन <laughs> कहाँ से कहाँ अच्छा है ऐसी होना चाहिए मेहनत तुम साइंस क्यों पांच मिनट हो गया कितना कुछ देख रहे हैं तीन तीन छात्र ये अभी कितने बज रहे हैं सिक्स थर्टी ना हम्म <laughs> थोड़ा अभी ये वाली मैं फटाफट पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वाली ये मेरे को, को करना है हम्म मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्या फटाफट पढ़ाऊ हम्म तो और और फास्ट पढ़ाऊँ डिटेल मतलब हाँ नहीं बट देखा जाए तो फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ स्किप कर रही हूँ इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ उसके बाद भी <laughs> अभी फटाफट पढ़ाती हूँ ताकि हो जाए इसको मैं को क्या करूँ यहां पे जाने बोला था हाँ यही है ना हम्म तो देखो

जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से घुमा फिरा के आएंगे या तो आपको एक आएगा करेक्टर स्केच लिखो यार ठीक है करेक्टर स्केच तो ये भी याद रखना करेक्टर स्केच यार ब्रेथवट का कर लेना में बात चलो अभी अपन क्या करते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं नॉवल फोर पॉइंट थ्री अराउंड द वर्ल्ड इन एट्टी डेज है ये ना इधर पे ब्लिंक हो रहा है ब्लिंक हो रहा है मतलब कुछ प्रॉब्लम है अरे यार हेमंत कुमार एक, एक मिनट है बस वॉइस बैटरी चेंज कर देती हूं रेडी हो जाओ सब लोग इन्फॉर्म कर दो हेलो हाँ हेमंत यहाँ ना शायद बैटरी का प्रॉब्लम हो रहा है ब्लिंक हो रही है तो अपने फ्रेंड्स लोग को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो कि ब्रेक हो चुका है एंड और इधर पे स्टार्ट हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड इन एट्टी डेज नॉवल फोर पॉइंट टू सॉरी नॉवेल फोर पॉइंट थ्री की कहानी अभी मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में जाऊंगी मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ अब मैं फास्ट हो जाऊंगी ठीक है अब गौर से सुनो अराउंड द वर्ल्ड इन एट्टी डेज यहां पे अपने तीन मेन कैरेक्टर है क्योंकि आपको कैरेक्टर स्केच आता है तो कैरेक्टर स्केच सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट के ऊपर पूछा जाता है तीन मेन कैरेक्टर अपने कौन है एक एक करके जानते हैं आ जाओ जल्दी से देखो अराउंड द वर्ल्ड इन एट्टी डेज की आपको यह बुक दिख रही है डिटेक्टिव फिक्स भी है बट इतना वो नहीं है इसको गिनती में नहीं लेंगे बहुत ही साइड रोल प्ले किया है कहीं ना कहीं उसने मेन ये है फिलिप्स फॉग पासा पाटो एंड ओधा कौन है ये लोग जानते हैं आ जाओ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है प्रोटेगनिस्ट का आपको कैरेक्टर याद करना है प्रोटेगनिस्ट कौन है फिलिप्स फॉग साथ में उसका साइड में ओधा एंड पासा पाटू कौन है ये लोग क्या करने वाले सब देखेंगे डिटेक्टिव फिक्स ने फोक को अरेस्ट क्यों किया या कैसे किया कहां किया इसकी इंफॉर्मेशन अपने को पढ़नी है आ, ये जो अपना फिलिप्स है उसको एक दिन एक्स्ट्रा कैसे मिल गया ये अपन पढ़ेंगे औधा कैसे कनेक्टेड है रिवॉर्ड ऑफ फिलिप्स रुक जाओ अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अपन जब तक पढ़ेंगे नहीं ना दिमाग में नहीं जाएगा तो क्वेश्चन बाद में तो देखो होता क्या है ये जो आपके सामने बीच में इंसान नजर आ रहे हैं ये मैंने मूवी का निकाल के लाई क्योंकि इसके ये वाली नॉवल के ऊपर मूवी भी बनाई गई है अराउंड द वर्ल्ड एट्टी डेज नाम की तो उसमें से मैंने थीम निकाल के लाई तो ये बीच में आपको इंसान दिख रहा है इसका नाम क्या है इसका नाम है फिलिप्स फॉग ठीक है इसका नाम क्या है फिलिप्स फॉग ये कैसा करेक्टर है इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है सबसे पहले तो ये अपने स्टोरी का प्रोटेगनिस्ट है ये एक चैलेंज लेता है अपने दोस्तों के साथ कि मैं भाई देखना पूरी दुनिया घूम के दिखाऊंगा मात्र अस्सी दिनों में मात्र कितने दिनों में अस्सी दिनों में और ये जो है पागल नहीं है जो शर्त है। है ऐसी शर्त लगा रहा है ऐसा समझ समझना कि भाई ये पागल है इसलिए ऐसी शर्त लगा रहा नहीं ये ना बहुत शातिर बहुत डिसिप्लिन बहुत मेहनती जो बोलता है वो करके रहता है पंचुअल ऐसा टाइप का इंसान है बहुत अमीर है लेकिन सिंपल लाइफ जी रहा है और इसका ना घर मतलब बार मतलब घर बार इन द सेंस अच्छा दरवाजा बंद कर दो क्या हेमंत नहीं बंद कर दो या तुम बाहर से कर दो तुम बाहर से लॉक कर दो ठीक है और इसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है मतलब ये अकेले रहता है बस किसके साथ अपने सर्वेंट के साथ अपने नौकर के साथ और वही नौकर अपना पासा पाट हुए ठीक है उसको सोशलाइज करना नहीं पसंद है बट उसने एक चीज डिसाइड किया कि मैं हर शाम एक जगह क्लब में जाऊंगा ठीक है बस थोड़ा सा एंटरटेन होने के लिए बाकी कुछ फ्रेंड व्रेंड उसको लेना देना नहीं होता और वो बैठ लेता है कि मैं अस्सी दिन के लिए घूमूंगा तो आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई फॉक का करेक्टर स्केच लिखो तो आपको ये सारे इसमें से कोई भी चार पॉइंट कवर कर लेना ठीक है इसमें से कोई भी चार पॉइंट कवर करना मैंने बता दी फॉग के बारे में ठीक है अब दूसरी मेन कैरेक्टर अपनी कौन है जी आ, इस पे आते पासा पाटू पे। पासा पासा पे कौन है फॉग का सर्वेंट है नौकर है ठीक है फॉग का नौकर है पासा पाटू कैसा नौकर है धोखेबाज नहीं बहुत ज्यादा लॉयल ये जो है अपने मालिक फोक के साथ पूरी दुनिया उसके साथ में घूमता है बहुत ज्यादा भोला है बहुत ज्यादा ह्यूमरस भी है इंटेलिजेंट है ब्रेव है और साथ में इमोशनल भी है ये सारी क्वालिटीज ना अपन स्टोरी पढ़ेगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि ये सिचुएशन में अचानक रोने लगता है तो रोने लगता है मतलब ये इमोशनल है है ना कोई भी सिचुएशन को फटाफट हैंडल करता है तो क्लेवर है से, मतलब हंसाता है ये सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फोग को शर्त जिताने में याद रखना पासा पाटू का सबसे मेजर रोल था फॉग को शर्त जिताने में अब कैसे था क्या था कुछ जानेगे थर्ड कैरेक्टर अपनी स्टोरी की है औधा औधा कौन है औधा है इंडिया की प्रिंसेस ओके ऐसे इमेजिन करो और ये एक रियल स्टोरी नहीं है ये इमेजिनरी स्टोरी है मतलब राइटर ने खुद ही अपने मन से बनाए इंडियन प्रिंसेस है जो कि किडनैप कर ली गई होती है अब ये जो फॉग होता है ये तो दुनिया घूम ही रहा होता है तो ये जब इंडिया जाता है ना तो उसको पता चलता है कि पे इंडिया की प्रिंसेस है वो कैद हो गई है तो वो उसको रेस्क्यू करता है अब रेस्क्यू कर लिया नहीं, उसको बचा लिया तो औधा बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तुम किधर जा रहे हो आगे तो वो भी बोलता है ठीक है आ जाओ तो ये क्या करते हैं औधा फॉग और पासापाटू अब आगे साथ में ट्रैवल कर कंटिन्यू टू ट्रैवल बहुत खुश होती है औधा कि इतना अच्छा इंसान मेरे को उसने बचाया और इसका भी नेचर बहुत हम्बल होता है मतलब प्रिंसेस का मतलब ये नहीं कि वो घमंडिया बिल्कुल नहीं उसका नेचर हार्ट बहुत अच्छी है वो और बाद में उसको फॉग से हो जाता है प्यार और उस कर देती है वो उसको प्रपोज तो यहाँ पे ये होता है सीन अब देखो फॉग ने क्या रिसाइट किया होता है कि ना मैं कैसे दुनिया घूमूंगा ये लोग रहते हैं लंदन में ये सारी चीज किधर हो रही है लंदन में एक रिफॉर्म क्लब है ठीक है यहां पे कौन यहाँ पे और उसके चार दोस्त वर्सेस फोर के बीच में शर्त लग जाती है किधर पे लंदन के रिफॉर्म क्लब में फॉग और उसके चार दोस्त मतलब फॉग एक तरफ है और उसके चार दोस्त दूसरी तरफ है फॉग क्या बोलते हैं मैं दुनिया घूम सकता हूं आरस्ती दिनों में लोग बोलते हैं तू तो नहीं घूम सकता ये बोला कि अगर मैं घूम गया तो घूम लिया तो तो ये लोग क्या बोलते हैं अगर लिया तो, तेरे को हम इनाम इनाम नहीं घूम पाया तो ते को हमको देना पड़ेगा है ना तो बोलते हैं ठीक है, है अब वो क्या डिसाइड करते मैं क्या करूंगा? लंडन से ये वाली कंट्री जाऊंगा बॉम्बे जाऊंगा फिर बॉम्बे से कैलकता फिर हांगकांग योकोहामा सैन फ्रांसिसको न्यूयॉर्क फिर लंडन तो यहाँ पे इसका क्या हो गया पूरी के पूरी ऐसा अर्थ उसने कवर कर लिया मात्र दुनिया इसका प्लान होता है ठीक है अब होता क्या है जब ये पूरा कर ही रहा होता है ये तो देखो यहाँ पे सीन हो जाता है किधर पे बॉम्बे में है ना क्या सीन हो जाता है औधा वाला सीन है ना कि जब वो बॉम्बे आता है तो औधा को रेस्क्यू करने के चक्कर में उसका थोड़ा टाइम चले जाता है ना याद रखना लंदन से निकला कितने बजे की ट्रेन पकड़ता है वो रात के 8:45 फोर्टी की ट्रेन यानी अस्सी दिन बाद उसको रिफॉर्म क्लब 8:45 फोर्टी को ही आना है किसी भी हालत में एक मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए ना अस्सी दिन बाद डेट वेट क्या मैं बताऊंगी फिलहाल के इतना याद रखो कि लंदन के रिफॉर्म क्लब में फॉग और उसके चार दोस्त के बीच में शर्त लगती है कि मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूँ फॉग ऐसा बोलता है अगर घूम लिया तो बीस हजार पाउंड उसको मिलेंगे वो डिसाइड करते हैं यहाँ 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 से जाऊंगा बट होता क्या है जब वो बॉम्बे जाता है तो औधा उसको मिल जाती है इंडियन प्रिंसेस घूम किडनेप कर ली गई तो उसको रेस्क्यू करता है ना तो, तो यहाँ पे उसका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है पर वो बुरा नहीं मानते होता तो चलो ठीक है यार मैं एडजस्ट कर लूंगा फिर यहाँ पे वो औधा को साथ में लेके चल रहे तो कलकाता में अब कौन है कलकता में पौधा पासापाटू और

और उसको लंदन पहुंचना है और लीवरपूल से भी लंदन पहुंचने का समय छह घंटा होता है तो देखो याद रखना लीवरपूल और लंदन के बीच में कितने आवर का डिस्टेंस है सिक्स आवर्स का डिस्टेंस है ठीक है तो यहां जब वो लीवरपूल में पहुंचता है ना तो उतने में क्या होता है एक डिटेक्टिव फिक्स नाम का इंसान मतलब तो फिक्स नाम है उसका डिटेक्टिव फिक्स नाम का इंसान क्या कर लेता है पॉग को अरेस्ट कर लेता है सोचो मतलब ऑलमोस्ट वो पार ही हो गया है बस उसको पहुंचना ही है लंडन और छह घंटे की दूरी लीवरपूल के एक जेल में डिटेक्टिव फिक्स आता है अरेस्ट कर लेता है क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया क्या हो गया तो होता क्या है जब ये लोग ना इधर रिफॉर्म क्लब में बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना लोग ना एक्चुअली में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं है ना तो ये लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं ना तो उसमें खबर होती है क्या खबर होती है कि एक बड़ी सी बैंक में एक चोर ने डाका डाला है चोरी किया है और भाग रहा है लंदन छोड़ के तो ना ये डिटेक्टिव फिक्स को क्या लगता है कि ये फॉग ना ये दुनिया घूमने का बहाना बना रहा है ये ना शर्त लगा रहा है कि मैं ना दुनिया घूम सकता हूँ ये भाग जाए और कभी आएगा ही नहीं और वो जो बैंक होती है ना वो बोलती है कि जिसने भी ये चोर को पकड़ लिया उसको हम बहुत बड़ा इनाम देंगे तो इनाम की लालच में डिटेक्टिव फिक्स भी इन लोग के पीछे 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 घूम रहा होता है ये बात उन लोगों को कब पता चलती है लिवरपूल में जब उसको अरेस्ट करता है वो पीछे से पकड़ के पीछे पीछे चुपके चुपके लोग के पीछे घूम रहा था कौन फिक्स ठीक है तो आपको क्या याद रखना है भाई दुनिया सब लोग ने घूमे हैं फॉग ने भी घुमा औधा औधा तो इधर से आई पासा तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग से से ही था और फिक्स भी से। पर फिक्स के बारे में बाद में पता चला जब उसने आप बोलोगे कैसे जब वो लीवरपुल में लोग गए तो उधर पे एक बड़ी सी जेल होती है है ना तो ना उधर पे उसको ऐसा लगता है मतलब देखो इधर पे वो लंदन पहुंच जाएगा उसको लग सकता है कि इधर पे क्यों रुके मतलब ऐसा कुछ तो सीन होता है उधर पे कि लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं तो डिटेक्टिव फिक्स पीछे से आता है और बोलते हैं कि तुम अरेस्ट कर दिए गए हो हमको पता है कि तुम यहाँ पे भागने की कोशिश किए हो लंदन से तुमने बैंक में डाकर डाले हो तो यहाँ पे ना फॉग को क्या करने का मौका नहीं देते हैं अपना सफाई देने का मौका नहीं देते यहाँ पे ये यह जब सीन क्रिएट होता है ना ये वाला सीन कि डिटेक्टिव फिक्स ने अब फॉग को अरेस्ट कर लिया है तो सबसे ज्यादा निराश सबसे ज्यादा सैड कौन होगा सबसे ज्यादा सैड इमोशनल इतना रोता है इतना रोता है कि बता नहीं सकते पासा पाटू बहुत सैड हो जाता है क्या बोलता है कि ये इंसान पूरा रास्ता हमारा पीछा किया और मैं अपने मालिक का ध्यान नहीं रख पाया तो मैं कितना बुरा नौकर हूं ये वो ये वो चलता रहता है साथ में औदा भी उसको देख के वो भी इमोशनल हो जाती है तो याद रखना ये वाले सीन में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है इमोशनल ऐसा कुछ भी तो ये वाला टचअप आपको देना है कि वो पहुंच ही गया था छह घंटा बचा था लीवरपूल में डिटेक्टिव फिक्स ने उसको अरेस्ट कर लिया तो पास इमोशनल हो गया और अपने अपने आप को ब्लेम करने लगा कि मैंने अपने मालिक की रखवाली नहीं कर पाया और मैंने जो है डिटेक्टिव फिक्स को नहीं पकड़ पाया ठीक है अब होता क्या है अब सुनो इतना तो मतलब इतनी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है ना कि आप ही गौर से सुनो कि आप पूरी दुनिया घूम चुके हो बस थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है पहुंचने वाले थे खुश थे सब कुछ हो गया उतने में अरेस्ट कर लिए ठीक है तो यहां पे कोई दूसरा इंसान होता तो पगला जाता जेल तोड़ता अपनी सफाई देने की कोशिश करता कि भाई मैं नहीं हूं वो चोर मैं नहीं हूं लेकिन फॉग ने ऐसा कुछ नहीं किया फॉग ने ऐसा कुछ नहीं किया वो शांति से एकदम साइलेंट हो गया एकदम शांत मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा है जेल में बैठा है बस तो आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फिलिप्स फॉग ना बहुत बहुत शांत है है और पासा पाटू इमोशनल क्रेजी तो आप रिफरेंस समझ रहे हो कौन सा रिफरेंस दोगे ये वाले ही रिफरेंस दोगे लीवरपूल वाला कि लीवरपूल में जब वो अरेस्ट हुआ तो अरेस्ट होने के बावजूद उसने कोई हल्ला नहीं मचाया उसने कोई क्रेजीनेस नहीं किया शांति से बैठा था जेल में ठीक है और पासापाटू इमोशनल हो गया तो ये वाला डिफरेंस लिवरपूल वाला आपको देना है अब होगा क्या सब लोग यही सोच रहे थे औधा भी यही सोच रही थी पासा पाटू भी सोच रहा था अब क्या होगा हार गए है ना लेकिन उतने में अच्छा है थोड़ा एक दो घंटे बाद एक दो घंटे बाद फिक्स भागता 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 फिर से आता है और फॉग उससे माफी मांगता है बोलता है आई आई एम एम रियली रियली सॉरी सॉरी मुझे तुम तुम चोर, नहीं मेरे से हो गई, चोर तो तीन दिन पहले पकड़ा गया है तुम इधर से जा सकते हो ऐसा बोलता है कौन फिक्स फॉग को थोड़े टाइम बाद टाइम देखो यहां से यहां पहुंचने का छह घंटा था या तो उसके पास क्या ऑप्शन है नॉर्मल ट्रेन पकड़ के जाए जो कि अब फायदा नहीं है क्योंकि लेट पहुंचेगा या तो दूसरा ऑप्शन है एक्सप्रेस ट्रेन पकड़े एकदम फास्ट ट्रेन पकड़े जो कोई स्टेशन पर रुके नहीं धनाधन भागे मतलब घंटे का रास्ता चार घंटे में करके दे तो ये पहुंच सकते हैं तो जब ये बात हुई ना कि फिक्सनेस से माफी मांग मांगा बोला कि तुम जा सकते हो ठीक है तो फॉग ने तो ऑफकोर्स पहले तो उसको मारा ठीक है यहाँ पे आपको लगना है कि उसने उसको एकदम मारा और एकदम भागे अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताती हूँ इधर पे आऊँ समझ में आ गई होगी बात स्टोरी क्या चल रही है ये सब मैंने आपको बताई देखो एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ गौर से सुनो मैंने आपको ये बोली कि रिफॉर्म क्लब में शर्त लगती है फिलिप्स फॉग और उसके चार दोस्त के बीच में क्या शर्त लगती है फिलिप्स फॉग बोलते हैं मैं दुनिया घूमूंगा मात्र अस्सी दिनों में कितने रुपए की शर्त लगती है ट्वेंटी थाउजेंड पाउंड की शर्त लगती है ठीक है Folk जो होता है लंदन से रात आठ बज के फोर्टी फाइव मिनट की ट्रेन पकड़ के दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ता है ठीक है उसको वही टाइम में कब रिटर्न आना है ट्वेंटी याद रखो ट्वेंटी वन आने वाला है मतलब उसको ट्वेंटी वन को सैटरडे रात आठ बज के फोर्टी फाइव मिनट में कैसे भी करके रिफॉर्म क्लब रिटर्न पहुंचना है पूरी दुनिया घूमकर ठीक है ये सीन है Liverpool से लंदन पहुंचने का डिस्टेंस है सिक्स आवर्स फॉग ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था लीवरपूल और उसके हाथों में भी छह घंटे थे वो पहुंचने ही वाला था उतने में फिक्स उसको कर लेता है अरेस्ट फिक्स उसको कर लेता है अरेस्ट यहाँ पे उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है मतलब हाथ में बचे है चार घंटे और पहुंचने के लिए लगेगा छह घंटा तो उसके हाथ में क्या ऑप्शन है कि मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे एकदम भाग के जाना पड़ेगा तो तीनों एकदम भागते हैं जेल से निकलते हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं ना डिटेक्टिव फिक्स की वजह से तो तीनों भागते जेल से निकल के देखो ऐसी जेल होती है और उसके बाद उसके बाद कहा गया अच्छा पूजा बताती हूँ उसके बाद क्या होता है वो लोग ना स्पेशल ट्रेन पकड़ते क्या पकड़ते हैं स्पेशल ट्रेन कैसे पकड़ते हैं ट्रेन वाले को ब्राइव करके मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसा खिलवाते हैं और बोलते हैं कि एकदम भगा ये ट्रेन जब ये लोग एकदम फटाफट ट्रेन लेके भागते हैं तो ये लोग लंदन कितने बजे पहुंचते हैं लंदन ये लोग पहुंचते हैं आठ बज के पचास मिनट पर पहुंचना था कितने बजे आठ बज के फोर्टी फाइव मिनट पर यानी पांच मिनट लेट हो गए और वो भी लंडन के रेलवे स्टेशन में पहुंचे रिफॉर्म क्लब जाने के लिए और 15 मिनट चाहिए तो ये लोग हार गए तो यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे ये जो सीन है कौन सा फिलिप्स फॉग औधा और पासा पाटू ये लोग क्या हो जाते हैं एकदम ये ठान लेते हैं मतलब ये मान लेते हैं कि हम हार चुके हैं अब हमको क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी थाउजेंड देना पड़ेगा और यहाँ पे फॉग जो है अब बर्बाद हो गया क्यों बर्बाद हो गया क्योंकि उसने जो ट्रेवलिंग किया है वर्ल्ड की फ्री में थोड़ी होती है खर्चा ख, रहना खाना पीना कितना लगता है ना तो याद रखना नाइनटीन थाउजेंड पाउंड क्या हुआ है स्पेंड हुआ है ट्रेवलिंग में अब वो हार गया हार गया यानी अपने फ्रेंड्स को इसको कितना पैसा देना है ट्वेंटी थाउजेंड पाउंड एडिशन हो गया इतना खर्चा उसको घूमने में लगा इतना पैसा अब उसको अपने दोस्तों को देना है हार गया अब तीसरा क्या होता है लोग जब घर जाते हैं तो पता चलता है कि भाई घर में अस्सी दिनों से गैस चालू है मतलब गैस पूरा लीक हो रहा है और इतना लंबा बिल आ गया तो भाई गैस का बिल अलग देना है बैंक में इतने पैसे नहीं है और जितने भी है अगर भर भी देगा तो कंगाल हो जाए ये तीनों लोग क्या होते हैं फिलिप्स फॉग के घर में आते हैं ठीक है फिलिप्स फॉग औधा और पासापाटू आते हैं बहुत इमोशनल होते हैं तीनों लोग यहाँ पे फिलिप्स से बात ही नहीं करना चाहता बोलता है मुझे समय दो मैं जब ठीक हो जाऊंगा तुमसे बात करूंगा इससे बात नहीं करता बोलते है, मुझे समय दो शाम हो जाती है रात हो जाती है बाद में वो ना पासा पाटू को बोलता है औधा को बुलाओ मुझे उससे कुछ बात करनी है पासा पाटू जाता है औधा के पास और बुलवाता है औधा को अब फॉग और औधा बैठे हुए हैं। फॉग जो है वो औधा को बोलता है मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमको इधर पर लाया मैंने सोचा था कि मैं छर्थ जीत जाऊंगा और तुमको अच्छे से रख लूंगा उस पैसे से बट अब मैं कंगाल हो गया हूं जितना पैसा था मेरे पास सब लग गया ट्रेवलिंग में अब दोस्तों को भी देना है और गैस का भी अलग आ गया मुझे माफ कर दो मैं तुमको नहीं संभाल पाऊंगा really तो मुझे माफ कर दो ऐसा सब औदा को बोलता है ठीक है तो यहाँ पे औधा क्या बोलती है कि तुमको क्या लगता है मैं लोग थोड़ा चलता है इमोशनल सीन वगैरह औदा बोलती है कि मैं जब उधर पे किडनेप्ड हुई

औौधा जो है फोगो को प्रपोज कर देती है ठीक है तो फोग भी अफकोर्स खुश हो जाता है और ये भी मानते हैं कि हां भाई अच्छी लड़की है मतलब पैसा देख के मेरे से नहीं कर रही है, तो मैं तो कंगाल हो गया उसके बाद भी मेरे से शादी करने के लिए रेडी है तो एकदम खुश हो जाता है मतलब सबका मूड एकदम अच्छा हो जाता है ठीक है वो बोलते हैं चलो भले ही मैं शर्त हार गया बट इतनी प्यारी लड़की जीत लिया ठीक है तो ये ऐसा बोलता है और एकदम खुश हो जाता है एकदम खुश हो जाता है और पासा पाठू बोलता है जल्दी जल्दी आओ आओ और उसके बाद पासा को क्या बोलता है तुम क्या करो जो है पासा को क्या बोलता है जाके शादी होती है ना पृष्ठ से डेट निकलवाओ शादी कर रहे हम ठीक है शादी कर रहे हैं जी तो यहां पे सुनो हो क्या रहा है हो क्या रहा है फॉग पासा पाठक बोलते हैं पृष्ठ को लेके आओ फॉर मैरिज हम शादी कर रहे हैं कोई बात नहीं मैं हार गया बट औधा को जीत लिया ठीक है अब होता क्या है गौर से सुनो पासा पाटू भी खुश हो जाता है कितनी अच्छी खबर क्या बात है यार पासा पाटू भी भागते हुए भागते हुए भागते हुए जाता है और पृष्ठ को ढूंढता है ठीक है लेकिन रास्ते में उसको एक ऐसी खतरनाक खबर पता चलती है कि भाई पूरे जज्बात बदल जाते हैं जब ये पासा पाटू जब पासा पाटू ये पृष्ठ को शादी लोकी फिक्स करने के लिए ढूंढने जाता है तो पासा पाटू को ये पता चलता है कि आज ट्वेंटी वन लोगों कितने एक मिनट इधर पे आओ मैंने क्या तो लोगों कितने तारीख को पहुंचना है हम्म देखो ट्वेंटी वन डिसेम्बर को पहुंचना था सैटरडे था है ना कहां गया हाँ ट्वेंटी वन डिसम्बर को इन लोग को पहुंचना है एक्चुअल में ये लोग का जो सीन है मतलब ये लोग जो कर रहे हैं पृष्ठ को ढूंढ रहे हैं भाग रहे इधर उधर ये लोग को क्या लग रहा है कि आज ट्वेंटी टू है ठीक है क्या लग रहा है आज ट्वेंटी टू डिसम्बर है कैसे मैं बताती रुको क्योंकि उन लोग के हिसाब से ट्वेंटी वन डिसम्बर को वो लोग रात आठ बज के पचास मिनट पे लंडन पहुंचे सो गए सैड हो गए किसी से बात हुई नहीं सुबह मिले और आज सुबह सुबह एक दूसरे को प्रपोज करे आज ट्वेंटी टू है वो लोग के हिसाब से सुबह के लेकिन जब पासा पाटू पृष्ठ ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसको ये पता चलता है कि भाई आज एक्चुअल में ट्वेंटी टू नहीं आज तो एक्चुअल में ट्वेंटी वन है यानी कल यानी पिछले दिन ट्वेंटी वन नहीं पिछले दिन ट्वेंटी दिसंबर था सुबह हो रही है दोस्तों सुबह सुबह इन द सेंस कुछ दोपहर वाला आफ्टरनून वाला सीन होता है यानी अभी भी चांस है देखो ना कितने तो बजे पहुंचना है इक्कीस दिसंबर रात के आठ बज के फोर्टी फाइव मिनट में पहुंचना है आप बोलोगे ये क्या हो गया ऐसे कैसे एक दिन मिल गया उन लोग को है ना तो बताती हूँ रुको तो होता क्या है ये चीज अभी पता चली पास पार्टू को कि भाई आज 22 नहीं आज तो 21 दिसंबर है और रात के आठ बज के मिनट में अभी पहुंचने का चांस है तो ये बात जब पास पार्टू को पता चलती हो तो सब छोड़ छाड़ के अपना घर भागता है फिर से ठीक है अपना इधर पे भागता है फॉग के घर फॉग का कॉलर पकड़ता है ऐसा खींच के कार में फेंकता है बोले चलो भाई चलो क्योंकि ना एक मिनट भी लेट हुआ तो हार सकते हैं है ना तो फिर जल्दी से लोग उसको कार पे बिठाता है फॉग भी बोलते हैं भाई क्या हो गया क्या हो गया कुछ नहीं सब इतनी तेज में बोलते हैं कि कार वाले को जितना तेज चला सकता है तू चला इसको तू एरोप्लेन बना दे कार को इतना फास्ट लोग चलाते हैं देखो जो भी डॉगी के ऊपर चलाने चला दे तो इतना फास्ट लोग जाते हैं और जब क्या होता है बताए 840 का जब सीन हो रहा होता है तो यहाँ पे रिफॉर्म क्लब में तो भाई हल्ला मच रहा होगा है ना क्योंकि रिफॉर्म क्लब में कौन वेट कर रहे होंगे रिफॉर्म क्लब में उसके दोस्त वेट कर रहे होंगे ना चार दोस्त और चार दोस्त के अलावा और भी दुनिया भर के लोग खड़े थे क्योंकि इतनी बड़ी शर्त लगी है तो सब एक दूसरे से और शर्त लगा रहे है। होते है ना मैच इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान तो वो लोग की तो लगी साथ में अपन भी अपने फ्रेंड लोग के साथ लगाते पता नहीं कितने लोग की शर्त लग जाती है तो ये लोग के शर्त के बीच में और भी दूसरे लोग एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे तो सब एक्साइटमेंट एक थे आठ बज के फोर्टी मिनट हो गए आठ बज के फोर्टी टू हो गए आठ बज हो गए और आठ जैसे ही फोर्टी होने जा रहे थे उतने में दरवाजा खुलता है और रिफॉर्म क्लब में एंट्री होती है भाई साहब फिलिप्स फॉग की और वो क्या बोलता है क्या बोल के एंटर करता है आई एम जेंटलमैन हियर आई एम इधर पर मैं हूं सब शॉक्ट हो जाते हैं रीडर्स लोग अभी भी कंफ्यूज हो गए कि भाई एक दिन कैसे मिला उसको बच्चे 45 है। तो ये के में क्या शर्त लगी थी। में वो हुआ उसकी वजह से उसको स्पेशल ट्रेन लेनी पड़ी बाद में पता चला की वो आउट हार चुका है तो फिर हार के लोग निराश हो गए एक दूसरे से बात करे तो फिर प्रपोज करे फिर एक दूसरे से लोग ने शादी का वादा करे शादी करने के लिए किसको भेजे लोग ने पासा पाटू को लोग ने भेजे प्रिस्ट के पास पास पार्टू जब प्रिस्ट के पास गया तो उसको पता चला कि भाई आज ट्वेंटी टू नहीं आज ट्वेंटी तो वन है यानी भी अपने पास चांस है कि अपन जीत सकते हैं कैसे जीते आ जाओ किधर गया तो हुआ क्या देखो अपना वर्ल्ड में ये जो अपनी धरती है ना है ना पूरी जो ऐसा ही जो पूरा ग्लोब है है ना इसमें थ्री सिक्सटी डिग्री माना जाता है ना सर्कल तो डिग्रीज है ना आपको पता है डिग्रीज ऐसे 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 डिग्रीज अपन ने बना के रखे है तो टोटल कितनी डिग्रीज है थ्री सिक्सटी डिग्रीज ठीक है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मतलब एक डिग्री से दूसरी डिग्री में पहुंचने के लिए इंसान को लग जाते हैं फोर मिनट्स तो ये जो फॉग था ये कितनी डिग्री पार किया इसने तो पूरी डिग्री पार किया ना क्योंकि उसने पूरी दुनिया घुमाया तो जब इसने पूरी डिग्री पार किया यानी इसको जो है फोर फोर मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे थे क्यों क्योंकि ना ये उल्टा जा रहा था देखो सन ऐसा जा रहा तो आपका दिन फास्ट जाएगा एक दिन आपका घटेगा और रिवर्स जाओगे तो एक दिन मिलेगा रिवर्स रिवर्स मतलब कैसे बताऊं कि आप अमेरिका में रहोगे तो आपको पता है कि वहां का टाइम अलग होता है सूरज उगने का ये वो तो जब रिवर्स हो रहा था तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया कैसे इधर पे देखो अगर हम 360 को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से यानी कितने मिनट्स मिल गए मिनट्स मिल गए 144 को अपन डिवाइड करेंगे सिक्सटी से यानी कितने घंटे मिल गए चौबीस घंटे और चौबीस घंटे मतलब पूरा एक अक्खा दिन इंटरनेशनल लाइन मेरिटेरियन जिसको हम बोलते हैं ठीक है नॉर्थ एंड साउथ पोल से जब क्रॉस करते हैं टाइम बढ़ता घटता है ठीक है मुझमें आ रही है बात तो ये जो सीन हुआ पूरा वर्ल्ड जाने अनजाने में डिग्री को पार कर करके चार चार मिनट तो उसको जो है ना एक्स्ट्रा मिलते गए मिलते गए मिलते गए और एट दी एंड जब वो पूरा पार हो गया तो उसका सेवेंटी नाइन डेज ही कंप्लीट हुआ था तो बट उसको लगा एट्टी है बस इतनी ही बात थी तो यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा डे मिल जाता है और आपकी स्टोरी हो जाती है खत्म और लास्ट में बस इतना लिखा होता है कि ट्वेंटी थाउजेंड पाउंड किसको मिल गए फॉक को मिल गए क्योंकि फॉक जीत गया खर्चा कितना हुआ घूमने का नाइनटीन थाउजेंड प्रॉफिट कितना हुआ एक हजार पाउंड उसमें से भी फॉक जो होता है आधा यानी 500 सौ पाउंड फिक्स को दे देता है सोचो और पांच सौ पाउंड पासा पाटू को दे देता है अभी 500 पार्ट टू भी जो होता है ये 500 पाउंड लगा देता है गैस का बिल भरने के लिए ठीक है फिक्स को देखो मतलब फिक्स ने उसके साथ बुरा किया उसके बावजूद भी उसने उसको दिया सब बोलते हैं कि भाई फिलिप्स तेरे हाथ में क्या आया फिलिप्स के हाथ में तो कुछ नहीं आया तो फिलिप्स बोलता है मेरे हाथ में तो सबसे बड़ी चीज आई है <laughs> है, मेरी हाथ में तो सबसे बड़ी चीज आई अरे भाई इंडिया की प्रिंसेस मेरे हाथ आई यार रौधा मेरे हाथ आई दुनिया की सबसे प्यारी लड़की खूबसूरत लड़की मेरे हाथ आई और क्या चाहिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड मुझे मिला है इस जर्नी में तो ये ऐसा बोलता है ठीक है ऐसा और इसके बीच में बात होती है मतलब पासा पटोर उसको बोलते हैं यार मालिक तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं आया तुम्हारा तो बीस हजार uh, मिला तुमको नाइनटीन थाउजेंड पाउंड खर्च हो गया आधा आधा तुमने हमको दे दिए तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं आया तो बोलता है मेरे हाथ आदा दुनिया की सबसे प्यारी लड़की ऐसा बोल के आपका चैप्टर की नॉवेल की सॉरी Ending हो जाती है। तो आपके इस चैप्टर में बहुत सारे प्लॉट्स आपको तो पूछ इंटरनेशनल लाइन वाला सिक्वेंस याद रखना कि कैसे लोग को एक दिन एक्स्ट्रा मिला वो समझाना थ्री फोर्टी फाइव थ्री सिक्सटी टू फोर ओके समझ में आ गया पूरा का पूरा स्टोरी जल्दी बताओ एकदम शॉर्ट में एकदम क्रिप्स में पूरा के पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर कर दी तो इसमें जो भी मैं चीज लिखी हूं ना कंटेंट फोकस करो ये सब लिख कर आना है आपको ट्वेंटी पाउंडी ए फिलिप्स ओके बस ये अपना इधर पे खत्म हो गया फोर पॉइंट थ्री ये स्टार्ट करते हैं मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ इधर पे दी थी ना स्टार्टिंग में दे दी थी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो समझ में आया कि नहीं आया देखो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ, इसके अपने कैरेक्टर स्केच तीनों के याद करना याद मत करना मैं दे दी हूं इसमें मिल जाएगा डिटेक्टिव फिक्स कैसे अरेस्ट किया लिवरपूल की कहानी कैसे उन लोग को एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया उसकी कहानी हाउ ऑल दैट इज कनेक्टेड विद द रिवॉर्ड ऑफ फिलिप्स ठीक है वो पूरी कहानी समझाना एंड वाली चलो मजा आया शॉर्ट में में आपको फोर पॉइंट फोर समझाती हूँ क्या बात है समझ में आ गया ग्रेट चलो बहुत अच्छी बात है चिंदी ओ हो ठीक है ब्रेक चाहिए ठीक है ठीक है, है चलो दो मिनट का ब्रेक ले लो कोई बात नहीं दो मिनट का ब्रेक और फिर फ्रेश माइंड के साथ फाइनली लास्ट नॉवेल 4.4 सात बज गया यार यहीं पे वैसे मैंने एट थर्ट एट हाँ। ग्रामर फटाफट करा दूंगी एक घंटे में ग्रामर भी बाकी है मेरे दोस्त ऐसा समझता हूँ कि क्या भाई खत्म मेरा बस मैं आपको नौ बजे तक तो पढ़ाऊंगी नौ बजे तक तो पढ़ोगे क्या थक जाओगे समझ गया मजा आ गया चलो अच्छी बात है इंग्लिश का हर पेपर सॉरी इंग्लिश का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना ठीक है आए या ना आए आपको नॉवेल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ भी हो रहा है तो थीम लिख देना उसमें कुछ ना कुछ तो स्टोरी समझा देना उसको छोड़ के आना कभी ठीक है एग्जामिनर आपको आधा एक मार्क्स दे देगा थीम लिखने पर दस बजे तक पढ़ाओ ओहो क्या बात है <laughs> तो अपना तो वैसे ये सेशन एंड हो जाएगा साढ़े मतलब मैक्स टू मैक्स आठ साढ़े आठ तक मुझे जहां तक ये ग्रामर को भी टाइम है अभी उसके बाद ठीक है अपना मेंटी भी होने वाला है ठीक है उसके बाद अपना सैंपल पेपर यार फाइनली लास्ट सैंपल पेपर हैश नंबर टेंथ तुम अटेंड करते थे खुशी सैंपल पेपर वाला सेशन नहीं अच्छा तो सैंपल पेपर वाली अपनी सीरीज फाइनली आज एंड होने वाली है लास्ट सैंपल पेपर अपन करेंगे ओके okay. कोशिश करूंगी कि आज रात में लाइव आऊं और आपके डाउट सेशन लू जो भी आपके छोटे मोटे इधर उधर के जो भी डाउट होगे क्लियर कर दू इंग्लिश के ठीक है हर एक सेक्शन के जो भी रैंडम क्वेश्चन जो भी होगे सब सवाल के जवाब दे दूंगी क्या बात है यार लगभग दो लाख बच्चे लगभग दो लाख बच्चे इस सेशन को देखकर गए हैं ओवरऑल अपने दो चैनल पर क्या बात है क्या ये वीडियो ट्रेंडिंग पे जा सकती है क्या आप ये वीडियो को ट्रेंडिंग पर लेकर जा सकते हो <laughs> देखने वाली बात होगी मतलब यार ऐसे तो बहुत दूसरे जो अपने सी बी एस ई बोर्ड वाले होते हैं उन लोग का जब एग्जाम आता है तो उनके मैराथन की वीडियो ट्रेंडिंग पर रहती है क्या अपने महाराष्ट्र की वीडियो ट्रेंडिंग पर जा सकती है ये तो तभी हो पाएगा जब लेक्चर में इस सेशन में लाइक ज्यादा हो गए लाइक ज्यादा हो गए मतलब ये सेशन ज्यादा पसंद किया जा रहा है और जो सेशन ज्यादा पसंद किया जाता है वो ट्रेंडिंग पर जाता है और व्यूज भी ऑफकोर्स मैटर करते हैं सो या बोलते ट्रेंडिंग पर है <laughs> स्क्रीनशॉट लेकर लगभग अगर किसी को ट्रेंडिंग पर ये दिखता है तो क्योंकि भाई हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि एक एजुकेशन वीडियो अगर ट्रेंडिंग पर जाती है ठीक है ऑलमोस्ट नाइन थाउजेंड बच्चे लाइक करके गए अपना सेशन को क्या बात है नौ हजार बच्चे और उधर पर उधर भी नौ हजार यानी टोटल अठारह हजार चलो फिर हाँ <coughs> <coughs> फुल फॉर्म में चल रहे हैं मैम <laughs> कल पूरी रात भी भाई साहब खतरनाक दो दिन की तो बात है है ना अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अगर मेरे एंड से पूरा मैं कर सकती हूँ तो मैं क्यों शांत बैठू भाई मैं करूंगी सिंपल सी बात है ना अगर जो चीज मुझे ऐसी है जो चाहिए इंसान को सामने वाले को उसकी जरूरत है तो दो दिल खोल कर दो क्यों रोग उसके लिए वो करते पता नहीं मैं तो भाई दिन रात एक कर दू करने के लिए <laughs> चलिए जी फाइनली so, हमारा ब्रेक होता है इधर पर एंड और नॉवल भी होने जा रही है एंड 4.4 पॉइंट फोर द साइन ऑफ रिटर्न बाय एर्थर कैनन डॉट क्यूट नेम तो यहां पे ये राइटर है हमारे इस नॉवल के और ये नॉवल भी क्या है एक इमेजिनरी बेस्ड नॉवल है कोई मतलब वास्तविक तौर तो से कुछ इसका लेना देना नहीं है साइन ऑफ पोर बहुत भाई मिस्टीरियस है ठीक है मतलब आपको ना एंड में पता चलेगा कि भाई हुआ क्या था थोड़ा सा ना इसमें थ्रिलर भी आने वाला है सस्पेंस भी है तो मजा आएगा देखते हैं स्टोरी में क्या होगा प्लीज मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ सतर्क कर रही हूँ यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि कैरेक्टर बहुत सारे हैं ठीक है थीके? कौन किसका भाई है कौन किसका बेटा है कौन चोर था कौन कुछ खजाना लेकर भागा कौन किसके साथ शादी किया ये सब आपको याद रखना है तो देखो ये ना इतने सारे कैरेक्टर एक दो तीन जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अपन पहले अपन जान लेते देखो इसके ऊपर भी मूवीज बनाई गई है Sherlock Holmes हम आपने देखे होगे यार बहुत सारे हॉलीवुड की मूवीज में Sherlock Holmes को ऐसा करैक्टर लिया जाता है Sherlock Holmes मतलब आगे यानी समझ जाओ एकदम खतरनाक डिटेक्टिव दुनिया का कोई भी केस हो सॉल्व करेगा एक ऐसा करैक्टर बनाए है Arthur Conan Doyle ने अपनी लाइफ में जहां पे Sherlock Holmes एक ऐसा करैक्टर है जो दुनिया का कितना भी मिस्टीरियस केस हो कितना भी बोलते ना क्लू ही नहीं है क्यू केस सोल्व नहीं हो सकता वैसा केस भी वो सॉल्व कर देगा शेरलॉक होम तो ऐसे बहुत सारे कार्टून्स भी आए जिसमें कार्टून्स के नाम कैन रख दिए क्योंकि सर ने जो थे ये शेर लॉक होम को बनाया तो ये मूवी भी आई है देखो ये मूवी का मैंने पोस्टर लगाया लगाई ताकि आप इमेजिन कर पाओ ये बीच में कौन है शेर लॉक होम है ठीक है ये मैरी है ये इसका केस सॉल्व करने वाला है ठीक है मैरी का ये इसके डैडी है इसके डैडी गायब है देखे इससे चलो स्टार्ट करते मैंने थोड़ा ना यहाँ पे बहुत सारी इमेज लगाई हूं पहले को देखने तो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर आ रहा है क्या वीडियो में आ रहा है ना चलो ठीक है सो मैं आपको ना ये पूरी ये वाली कहानी मस्त फटाफट फोटो से अपन समझेंगे तो आपको ना मजा भी आएगा समझने में अब गौर से सुनो अपनी इस स्टोरी में सबसे पहला कैरेक्टर कौन है ये जिसका नाम क्या है शेरलॉक होम्स ये अपने स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है ठीक है क्योंकि यही पूरा का पूरा केस सॉल्व करने वाला है ये प्रोटैगनिस्ट है इसका पार्टनर कौन है ये इसका नाम क्या है डॉक्टर वॉटसन पहले ये सर्जन था बाद में जॉब छोड़ दिया बीच वाली लेडी इसका नाम क्या है मैरी इसका ही केस सॉल्व करने वाले हैं क्या केस है देखते हैं शेरलॉक होम प्रोटेगन है डिटेक्टिव है मैरी का केस सॉल्व करने वाला है बहुत इंटेलिजेंट शार्प और वर्कोहोलिक टाइप का इंसान है दो मार्क्स के लिए इतना ही लिखना है और पैराग्राफ बनाकर लिखना ठीक है दूसरा कौन है डॉक्टर वॉटसन पार्टनर है शेरलॉक का आर्मी में क्या था सर्जन था मैरी से प्यार हो जाता है देखो ये इन दोनों को प्यार होता है ना <laughs> खतरनाक जोड़ी है तो ये ठीक है तो कौन है ये डॉक्टर वॉटसन को मैरी से प्यार होता है लोग करते हैं शादी और फिर आ, वैसे शादी की बात हाँ प्रपोज किया तो वही तो यहाँ पे शार्प है होम्स को बहुत हेल्प करता है आ, केस सॉल्व करने के लिए ठीक है अब देखो होता क्या है मैरी जो है वो आती है किधर आती है बेकर स्ट्रीट आप बोलोगे बेकर स्ट्रीट क्या है मैरी आती है बेकर स्ट्रीट ब्रेकर स्ट्रीट नाम की ये एक जगह है इट इज अ प्लेस जहां पे शेरलॉक होम ने अपना ऑफिस खोला है ठीक है तो इट इज अ प्लेस जहां पे शेरलॉक होम्स का क्या है ऑफिस है कोई भी क्लाइंट का कुछ भी केस है लोग क्या करते हैं बेकर स्ट्रीट में जाते हैं और अपना केस सॉल्व करवाते हैं तो उसी प्रकार से मैरी भी आती है वो अपने हाथ में, में कुछ पर्स लाई है ठीक है हाँ, रुक जाओ अरे मैरी के बारे में तो पता नहीं भूल गई रुक जाओ रुक जाओ मैरी मैरी क्या है वो अपने दस साल से उसके जो फादर है गाया भी उसको ढूंढ रही है मैरी जो है एथर नाम के इंसान की बेटी है उसको साल में एक बार पर्स रिसीव हो रहे हैं कौन भेज रहा है वही नहीं पता उसको पता लगाना है शेलॉक होम के पास आई है सोल्व करवाने के लिए और एट दी एंड डॉक्टर वॉटसन का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है आर्थर आर्थर कौन है कौन है मैरी के डैडी मैरी के डैडी आर्थर कैप्टन ठीक है ये कौन थे ब्रिटिश ऑफिसर अंदामन आइलैंड की जेल में जेल के बॉडीगार्ड थे ठीक है फादर ऑफ ये शॉल्टो नाम का एक इंसान है उसके करीबी दोस्त हैं ये याद रखना शॉल्टो और आर्थर एक दूसरे के दोस्त थे शॉल्टो और आर्थर हेल्प जोनाथन स्मॉल बट चीटेड विथ शॉल्टो देखेंगे स्टोरी आपको समझ में आएगी बाद में डाइट ड्यू टू हार्ट अटैक आर्थर जो है बेचारा उसकी डेथ हुई हार्ट अटैक से ठीक है थीके? फिर अपना नेक्स्ट कैरेक्टर है ये ये कौन है आर्थर का करीबी दोस्त आर्थर का करीबी दोस्त कौन है शोल्टो ना तो ये शोल्टो की बात हो रही है तो शोल्टो मेजर जॉन शोल्टो इसका फुल फॉर्म है मतलब तो पूरा नाम है ये भी क्या है वही है ना दोनों दोस्त मतलब एक ही जगह काम करते थे तो अंदामन आइलैंड का ये भी प्रेसनर गार्ड था इसके बच्चे कौन है आर्थर की बेटी तो मैरी है शोल्टो के बेटे कौन है शोल्टो के दो बच्चे हैं एक है बार्थोलोमियो नाम का और एक है थेडियस नाम का ठीक है ये भी सेम उसी की तरह आर्थर की तरह जॉनसन स्मॉल को धोखा देता है यानी कि हम ये बोल सकते हैं आर्थर और शॉल्टो मिलकर जॉनसन स्मॉल को धोखा दिए है क्या धोखा दिए देखे ये भी क्या है हार्ट अटैक से बेचारे की इसकी भी डेथ हो जाती है दोनों की सेम ही कहानी है ठीक है तो यहां पे ना आपको क्या याद रखना है बस इतने याद रखना है कि इसके बेटे बार्थलोमियो ठेडियस है बाकी तो सब सेम ही है ना ये ये ये, ये पूरा सेम है उस पीछे की तरह आर्थर की तरह ये कौन बताई मैंने दो बेटे है ना उसके बार्थलोमियो और ठीक है तो ये पहला बेटा बार्थलोमियो और ये थे नहीं नहीं उल्टा है सॉरी ये ठेडियस है जो भी सेम ही दिख रहे वैसे भी दोनों <laughs> मान लो एक थेडियस है और एक है ठीक है तो चलो थे क्या है अपन ने देख लिया शोल्टो का बेटा है और यही वो इंसान है यही वो इंसान है जो मैरी को ना पर्ल भेज रहा है अब क्यों भेज रहा है वो जानने वाली बात है इतना तो है में इंफॉर्मेशन है नहीं बेचारा ना इसकी डेथ हो जाती है मर्डर हो जाता है ये लिख देते इधर पे मर्डर कौन करता है वो भी लिख देते चलो मर्डर करता है टोंगा नाम का इंसान हाँ सच में टोंगा नाम है उसका अब नेक्स्ट कैरेक्टर अपना है जोनाथन स्मॉल ये अपना कौन है जोनाथन स्मॉल इसका ना पैर इसका एक पैर ना लकड़े का है दिख रहा है इधर पे इसका एक पैर क्या है वुडन ठीक है क्यों बिकॉज इसको मची थी एक बार बहुत बोलते हैं ना तो चले जाता है तैरने समुंदर में तो उसको बेचारे का एक पैर मगरमच्छ खा लेता है तो फिर उसके बाद हो जाता है लंगड़ा तो उसके बाद से वो ऐसा घूम रहा है वुडन लेग लेकर ठीक है जॉनथन स्मॉल क्या है एक पैर उसका वो लकड़े का है ये भी ब्रिटिश में सर्व किया था देखेगा देखेगा आपको बाद में समझ में आ जाएगा मैं आपको बताऊंगी क्योंकि अभी नहीं ये टोंगा है ठीक है इसकी बात हो रही थी ये टोंगा मडर करता है बारह का टोंगा कौन है एक आदिवासी देखकर ही लग रहा है ठीक है टोंगा और टोंगा जो है टोंगा और जॉनथन स्मॉल एक दूसरे के साथी होते हैं बताऊंगी बताऊंगी पहले ना सिर्फ कैरेक्टर स्केच में दे रही हूँ क्योंकि ये कैरेक्टर है ये ये है तो कैरेक्टर स्केच का स्क्रीन लेना है और लास्ट अपना कैरेक्टर है ये इसका नाम क्या है इसका नाम है टॉबी ठीक है टॉबी तो टॉबी कौन है ये ना शेरलॉक होम का डॉगी है जो कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है तो याद रखो टॉबी ने भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है यार मैरी का केस सॉल्व करने में चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं टॉबी तो हो गया चलो अब मैं आपको फटाफट बताती हूँ पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की स्टोरी क्या है कैरेक्टर स्केच हो गया क्योंकि आपके एग्जाम में कैरेक्टर स्केच आता है थीम आता है और मैंने क्या बोली थी बेकर स्ट्रीट में क्या है बेकर स्ट्रीट में क्या है बेकर स्ट्रीट व्हाट इज बेकर स्ट्रीट बताओ कौन बताएगा बेकर स्ट्रीट में शेरलॉक का ऑफिस है क्या बात है आयशा यस शेरलॉक शेरलॉक का ऑफिस है यानी बेकर स्ट्रीट में कौन बैठता है शेरलॉक और वॉटसन बैठते हैं तो जिसको भी अपना केस सॉल्व करवाना है वो किधर पे जाएगा बेकर स्ट्रीट में जाएगा तो मैरी जो होती है वो जाती है बेकर स्ट्रीट अपना केस लेकर एक चिट्ठी वो उसको दिखाती है शेरलॉक होम को वो चिट्ठी कुछ इस प्रकार की होती है उसमें लिखा होता है मिस मैरी मॉर्स्टन और क्या लिखा हुआ होता है इधर पे यहां पे अभी ब्लर है इधर पे लिखा हुआ होता है कि यू हैव टू कम अलोंग विथ योर फ्रेंड्स एट लासियम थिएटर किधर पे लासियम थिएटर पे ना कोई इंसान इसको बुला रहा है लास्यम थिएटर में कोई इंसान इसको बुला रहा है अब कौन इंसान है क्या है वो नहीं पता ठीक है ये पहली छिट्टी ये देखो मैरी बैठी है शेरलॉक होम और वॉटसन को बता रही है कि मेरे को है दूसरी चीज क्या बोलती है दूसरा लेटर के साथ मेरे को ना हर साल एक पर्ल मिलता है ये ओरिजिनल पर्ल है सभी की नकली पर्ल है तो और कौन भेज रहा है क्यों भेज रहा है मुझे कुछ नहीं पता मुझे पता लगाना है कि कौन मेरे को भेज कौन रहा है ये सब पर्ल्स ठीक है तो ये इसका क्या है सेकंड दुविधा है मुझ में आ गया होम तो, देखता है पल ऐसा नोटिस करता है और बोलते हैं अरे बाप रे तो असली पल है ठीक है ऐसा वो बताता है फिर तीसरा वो बोलती है देखो मेरे को एक और लेटर मिला है एक और लेटर मिला है इस लेटर में बस लिखा है द साइन ऑफ फोर क्या लिखा है द साइन ऑफ फोर इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता इसको वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड साइन ऑफ फोर इसके पीछे क्या मिस्ट्री है क्या मेरे को इंसान मेरे को कुछ बोलना चाहता है पर मैं समझ नहीं पा रही हूं तो आज तो चलो जाके खेल खत्म करते हैं थिएटर में वो इंसान बुला रहे हैं उससे मिलते हैं चलो तो रिक्वेस्ट करते कि आप लोग मेरे साथ आओगे एज अ फ्रेंड बनकर तो लोग हाँ बोल देते बोलते चलो हम जाते हैं ठीक है तो लोग रेडी हो जाते अब जब ये आई थी तो है ना पसंद आ गई ना वॉटसन को तो जाती है तो उसको <laughs> देख रहा होता है घूर रहा होता है यहाँ पे सब होता है मतलब फिर ना यहाँ पे वो तारीफ कर रहा होता है ठीक है ऐसा खड़े खड़े रहकर ना बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करें कितनी अच्छी थी ये थी वो थी तो पीछे से उसको डांटते हैं हैं बोलते कि अरे भाई इतना बड़ा केस सॉल्व करना है और तेरा ध्यान किधर जा रहा है तो फिर वो उसको क्या बोलते हैं कि भाई तुम तो एकदम कैलकुलेटिंग मशीन हो यार है ना मतलब सिर्फ काम 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 वर्क जरा ऐसा तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है शेरलॉक होम्स को वॉटसन बोलता है कि यार तुम कैलकुलेटिंग मशीन हो है ना मशीन लोग कैसे होते हैं बस एक ही चीज में फोकस होता है कोई दूसरी चीज नहीं करते तो शेरलॉक होम्स का भी एक ही पर इसका दोनों जगह डाइवर्ट हो रहा था काम में भी और उसमें तो ये चीज इधर पे आपको लिखनी थी वॉटसन वाली ये लोग जाते हैं ये लोग दोनों फ्रेंड इसके थिएटर में ठीक है लासम थिएटर में जाते हैं तो ये इसको कौन मिलता है थेडियस ठीक है थेडियस मिलता है थेडियस मैरी को कुछ बोलता है गौर से सुनो थेडियस ना ये लोग सबको मिलकर कुछ बोल रहा है क्या बोलता है कि सुनो मैरी सुनो मैरी मेरे फादर थेडियस के फादर कौन थे शोल्टो मेरे फादर शोल्टो ने मुझे बोला था कि हमारे घर में खजाना है ठीक है हमारे घर में खजाना है और उस खजाने की पार्शियल हकदार यानी उसमें से कुछ हिस्सा पार्शियल हायर कौन है पार्शियल हायर मैरी है कैसे मैरी है क्योंकि मैरी के डैडी आर्थर है शोल्टो और आर्थर एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे है ना अब आर्थर तो बेचारा हार्ट अटैक से डेथ हो गई उसकी तो अब आर्थर के बच्चे को मिलना चाहिए तो इसलिए वो बोल रहा था कि मेरे डैडी ने बोले कि पार्शियल इसका ना इसमें कुछ हक है मैडी को दे देना क्योंकि इसके डैडी की तो डेथ हो गई बच्ची को दे देना ठीक है तो मेरे पास एक खजाना है चलो मैं देता हूँ आज अपन उस खजाने का फाइनली डिवाइड कर देंगे और वो बोलती तुम तो मुझे पल क्यों भेज देते यार तो वो बोलते थे तो मैं आपको तुमको बताना चाहता था हिंट देना चाहता था कि कुछ कीमती है पल भेजूंगा तो तुमको समझ में आएगा ना कि कोई इंसान इतनी महंगी चीज मुझे क्यों बेच रहा है भेज रहा है है ना तो आपको फिर ऐसा लगता कि हाँ मुझे आना चाहिए तो फाइनल आ गई तो वो बोलती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है तो लोग क्या करते हैं प्लान के मुताबिक रूम में जाते हैं और अच्छा हाँ एक और चीज़ वो बोलती है कि इसका तो पता होता है ना कि मेरे डैडी ऐसा है और मेरे डैडी का बेस्ट फ्रेंड शॉल्टो था तो पूछती है कि शॉल्टो का क्या हुआ मतलब शॉल्टो अंकल का क्या हुआ तो ये बोलता है कि मेरे डैडी जब मुझे ये बता ही रहे होते हैं कि हमारे घर में ट्रेजर है खजाना है और उसकी पार्शल हकदार तुम हो उतने में ना विंडो में कोई एक इंसान उनको दिख जाता है वो देखो ये शॉल्टो है अपने बेटे को बता रहे होते हैं कि हमारे घर में ये खजाना वजाना है उतने में विंडो में उनको एक इंसान दिखता है खतरनाक वाला वो इंसान इतना खतरनाक होता है कि वो देखते हैं उसको डरते हैं उनका हार्ट अटैक से लेट हो जाता है तो इधर पे अब सिर्फ ऐसा मत समझना कि वो इंसान डरावना था इसलिए वो डर गए उनको हार्ट अटैक आ गया ऐसा नहीं था देखेंगे हम कि ये इंसान कौन है आप मुझे गेस्ट करके बताना कि ये कौन था ठीक है तो क्या बोला उसने कि उस डेथ हो गई अब डेथ मुझे इतनी बात तो पता थी कि भाई हमारे घर में खजाना है और इसमें से तुमको हक देना है पर वो खजाना किधर है वो बताने से पहले उनकी डेथ हो गई तो हम मैंने और बारथलोमियो ने यानी ठेडियस ने और बार्था ने बहुत मेहनत मशक्कत किए बहुत इयर्स बहुत सालों तक ढूंढे और फाइनली बारथलोम यानी मेरे भाई को वो मिल ही गया ठीक है हमारे घर से हम्म मिल ही गया खजाना ठीक है देखो लोग को मिल गया खजाना अब क्या होता है वो ये सभी बता रहे हैं उन लोग को बोलते हैं कि चलो हम जाते हैं खजाने को डिवाइड करते हैं ठीक है अब वो लोग ऊपर वाले रूम में जाते हैं जहां पे खजाना रखा हुआ है उतने में वो लोग के घर की जो नौकरानी होती है इसका कुछ नाम नहीं दिया है ये उसकी नौकरानी होती है एकदम तो भागते भागते आती है और बोलती है कि सुनो ये जो ऊपर वाला रूम है इसमें बारथलोमियों ने दरवाजा बंद करके रखा है और दरवाजा खोल ही नहीं रहा है प्लीज देखो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई तो यहाँ पे शेरलोक होम सब भागते भागते आते हैं दरवाजा खोलने की कोशिश करते दरवाजा नहीं खुलता तो लोग दरवाजा क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं दरवाजा लोग हैं और जैसे ही दरवाजा तोड़ते हैं जी वो लोग को बार्थलोमियो मरा पड़ा दिखता है तो ये कौन है ये है बार्थलोमियो ठीक है जिसके पास क्या था खजाना था ना इसको खजाना मिल जाता है वो थेडियस भाई भाई है तो बार्थोलोम के पास खजाना था ये लोग जब अंदर गए तो देखे बेचारा बार्थलोम के गर्दन में तीर लगी हुई है तीर से उसको किसी ने मार दिया है इसके कपड़े के ऊपर साइन ऑफ लिखा हुआ है तो लोग बोले सेम चीज मैरी के मैरी को भी लेटर मिला साइन ऑफ फोर बार्थलोम को यानी कोई एक इंसान है जो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है भाई वो वोडियस तो नहीं है है ना तो ये देखो बार्थलोम को बेचारा तो अब यहां से एक्चुअल केस शुरू होता है ठीक है यहां से

लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस रूम में कोई ऐसा इंसान आया जो लंगड़ी खेल खेल के चल रहे लंगड़ी खेल खेल के मतलब कि उसने दो पैर का इस्तेमाल करके भागे ही नहीं है एक पैर उठा उठा के जब भागते चलते ना वैसा पैर का निशान है सिर्फ एक एक पैर का निशान है और कुछ ऑयल तेल वगैरह कुछ गिरा होता है तो उसमें ऐसा कुछ लकड़े का कुछ ना आ जाता है सीन दूसरी चीज जो बार्थलोम के गर्तन पे तीर लगी होती है तीर शेलोकोम पहचानता है कि ये तीर जो है आदिवासी लोग यूज करते हैं तो ये डिक्लेयर करता है कि भाई इस रूम में दो लोग आए थे क्या शेलोकोम क्या बोलता है कि इस रूम में दो लोग आए थे ठीक है पहला कौन पहला पहला कौन पहला इंसान वो जिसका पैर वुडन का है सिर्फ इतना ही पता है उसको और नाम वाम नहीं पता शेरलॉक होम ऐसा अज्यूम करता है उसका एक पैर असली है और एक पैर लकड़े का है और दूसरा एक ऐसा इंसान है कोई तो जो कि आदिवासी है अपने को पता है कौन है मैंने कैरेक्टर स्टेज में बता दी कौन है बताओ वुडन पैर वाला जो है उसका नाम क्या है जोनथन स्मॉल जोनथन स्मॉल और आदिवासी कौन है टोंगा ठीक है यानी साइन ऑफ ना ये लोग लगा के भाग रहे इन लोग को ढूंढना पड़ेगा तो शेरलॉक होम का सिलसिला शुरू हो जाता है कि भाई अब तो ढूंढ के रहेगा ठीक है और फिर हाँ और रूम चेक करते तो बारसोलोमी रूम से खजाना गायब यानी खजाना लोग लेके भागे है ना बार्थोलोमी का मर्डर कर दिए खजाना लेके भाग गए अभी लोग दोनों को ढूंढना पड़ेगा तो शेरलॉक होम शुरू हो जाता है कि भाई ढूंढना तो पड़ेगा देखो तो लोग बहुत सर्च करते ये करते वो करते बहुत ही लोग हर एक चीज को डिटेक्ट करते हैं, इसको टॉबी को लोग सुंगवाते हैं और बताते कि देख भाई कुछ डिटेक्ट करके पता कि ये इंसान लोग इधर पर जो आए थे तो लोग यहाँ पे किधर पर है तो यहाँ पे याद रखो ये जो टॉबी होता है क्या करता है डिटेक्ट करता है क्या कि इस रूम में जो इंसान आया था ना वो एक थेम्स नाम की रिवर पे टॉबी लोग को लेकर जाता है ये सब वर्डिंग याद रखो थेम्स नाम की ठीक है टॉबी जो है शेरलॉक होम्स को थेम्स नाम की रिवर के पास लेकर जाता है तो शेरलॉक होम को पता चल जाता है कि भाई इस रिवर में नाव लेकर टोंगा और जॉनसन स्मॉल भाग रहे हैं अब कौन सी नाव वो नाव पता लगानी पड़ेगी तो फिर लोग फिर बहुत मेहनत मशक्कत करते हैं और फाइनली वो लोग को पता चल जाता है अरोरा क्या है अरोरा वो बोट का नाम ठीक है रिवर का नाम है जो टॉबी ने पहुंचाया उस रिवर में में अरोरा नाम की बोट में कौन है स्मॉल जोन स्मॉल एंड टोंगा अगर ये बोट उन लोग को मिल गई तो उन लोग दोनों भी मिल जाएंगे और फिर इन लोग से सब सच उगलवा देंगे कि तुम क्यों ये साइन ऑफ फोर लेके भेज रहे थे क्या तुमको मैरी के डैडी किधर है ये पता है तुमने खजाना बार्थल से लेके क्यों भागे बार्थे का मर्डर क्यों करे ये सबका जवाब ये लोग ही दे पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे लोग शुरू करते हैं अरोरा बोट को ढूंढना तो यहाँ पे ना लोग पहले तो दो तीन चार पांच बच्चों को काम देते कि जाओ यार तुम ढूंढ के आओ ये लोग तो नहीं कर पाते बच्चे लोग थोड़ा काम नहीं कर पाते तो ये खुद ही अपना ये जो शेलखों हमें खुद ही फेस बदल के जाता है और बहुत सारे होते हैं ना वहाँ के लोगों से पूछने की कोशिश करता है ये अरोरा बोट किधर है क्या है ऐसा सब फिर ना Finally, को पता चल जाता है कि अरोरा बोट में ना मतलब ये रात, में चलती है, शाम में रात में। तो क्या करते हैं है, है? एक एक तो, तो है। है? लोग है, तो लो फाइनली नजर पड़ जाती है नजर पड़ जाती है इधर पर एक बोट है उस बोट में अरोरा लिखा हुआ है और उसमें एक आदिवासी बैठा हुआ है इस पर नजर पड़ जाती है शेरलॉक होम्स की जैसे ही टोंगा देखता है ना कि हमको कोई नजर मार रहा है तो टोंगा क्या करता है फिर से तीर चलाता है उसको तीर चलाने बहुत अच्छे से आती है ना वार्थ लोमे पर भी चला दिया था फिर से तीर मारता है ठीक है लेकिन बेचारा अनफॉर्चुनेटली वो तीर कहीं और लग जाती है देखो यहाँ पे नाव पे लग जाती है और उतने में बेचारा <laughs> शेर लॉक होम ही उसको क्या है गोली से टपका देता है ठीक है ये शेर होम क्या कर देता है उसको गोली मार देता है यानी टोंगा का फिर पैर ऐसा फिसल जाता है और फिर वो ऐसा गिर जाता है देखो ये दिख रहा है अरोरा बोट लिखा हुआ है अरोरा बोट से नीचे गिर जाता है और बेचारा मर जाता है तो अरोरा बोट में से गिर के टोंगा की डेथ होती है बिकॉज हाँ गोली मारा किसने शेरलॉक होम्स ने ठीक है अब कौन निकलेगा टोंगा तो निकल गया अब जॉनथन स्मॉल गया पकड़ा गया तो जॉनथन स्मॉली भागने की कोशिश करते तो बेचारे को पहले एक पैर तो बेचारा अपनी तरफ से पूरा भागने की कोशिश करता है कि भाई मेरे को बचा मतलब बच जाऊं बच जाऊं बट जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है उतने में लड़खड़ा ही जाता है वो और फाइनली गिर जाता है यहां पैर अटक जाता है उसका गिर जाता है और ये लोग उसको पकड़ लेते हैं

ये दूसरी चीज तो ये क्या बोलता है कि मैं पहले जब बहुत सालों पहले एक आइलैंड में बॉडी गार्ड की जॉब कर रहा था मतलब होते ना यहां पर घूम रहे हैं जेल बॉडी गार्ड नहीं नॉर्मल का बॉडी गार्ड बॉडीगार्ड उतने में मेरे पास ना तीन अरब लोग आते हैं मैं देखो ये ये है जॉनसन स्मॉल मैं अपना काम कर रहा हूं उतने में मेरे पास ना तीन अरब आते हैं इधर पे दो ही है तीन अरब आते हैं ठीक है थीके? और मुझे धमकाते हैं ये जॉनसन स्मॉल यहाँ मुझे धमकाते हैं अरब लोग और बोलते हैं कि आज इस आइलैंड में इस जगह में एक बहुत अमीर इंसान आने वाला है खजाना लेकर आएगा उस इंसान का अपन मर्डर कर देंगे और खजाना लेके रफू चक्कर हो जाएगी इधर से खजाने में हक अपन चारों का होगा कौन चारों तीन अरब और एक ही है चार तीन अरब और एक ही है। लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि अगर तूने नहीं किया ये काम तो हम ते को टपका देंगे ऐसा लोग हमको कि उसको क्या करते हैं धमकाते हैं तो मैं मान लेता हूँ देखो उसको धमकाते वरना ते को मार देंगे तो मैं मान लेता हूँ ठीक है और अकॉर्डिंग टू प्लान वो लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं ठीक है ठीके? और फिर क्या हो जाता है फाइनली वो लोग आ, इंसान आता है अमीर इंसान उसको उसका मर्डर करते हैं खजाना लेते हैं और तीनों भाग जाते हैं ठीक है थीके? पहले तो दो तीन साल एश कर लेते हैं लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं फाइनली पकड़े तो जाएंगे ना इतने बड़े इंसान की चोरी करे उन लोग ने तो जॉनथन स्मॉल गिरफ्तार कर दिया जाता है एक जेल में ठीक है एक जेल में अब जॉनथन स्मॉल बैठा हुआ है समझ गए क्या गिरफ्तारी हुई क्यों हुई क्योंकि वो पकड़ा गया कि उसने एक अमीर इंसान का मर्डर करके एक ट्रेजर लेकर भागाया खजाना लेकर तो अब एक अंदामन आइलैंड की एक जेल में ये गिरफ्तार होके बैठा है उधर पे उसका एक दोस्त बनता है टोंगा ठीक है टोंगा बहुत अच्छा होता है लोग बहुत एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं ठीक है अब होता क्या है उस जेल के जो दो होते है। कौन है अंदामन आइलैंड के दो बॉडीगार्ड कैरेक्टर्स कैरेक्टर किसमें पड़े मेजर शोल्टो हेडियस और बार्थोलोमे के डैडी और मैरी के डैडी आर्थर देखे थे ना कि वो लोग जेल के प्रिजनर थे और इसी जेल में जोनाथन स्मॉल कैद था तो ये क्या करता है जोनाथन स्मॉल शोल्टो और आर्थर को बोलता है कि मेरे को तुम इस जेल से बाहर निकलवाओ तो मैं मेरे पास एक खजाना है उसमें मैं तुमको थोड़ा सा हिस्सा दूंगा ठीक है ऐसा उसको ललचाता है और बोलता है ये किसको बोलता है ये ना स्मॉल जो है शोल्टो को बता देता है कि देखो ये खजाना इधर इधर रखा है ठीक है तुम वहां से लेकर आओ और मुझे भगवाओ इधर से अब होता क्या है जैसे ही चोनथन स्मॉल ये बात बताता है शोल्टो को शोल्टो निकल तो पड़ता है खजाना लेने के लिए लेकिन ही ही ही, लेकिन रिटर्न नहीं आता भाग गए जी शॉल्टो जी शॉल्टो ने क्या कर दिया स्मॉल को धोखा दे दिया इसलिए हमने देखे थे कि शॉल्टो ने स्मॉल को चीट किया है स्मॉल ने बोला कि तुम क्या करो मेरे को जेल से भागवाओ मैं खजाने का हिस्सा दूंगा खजाना इधर पर रखा है खजाना लेकर आओ शॉल्टो गया खजाना लेने लेकिन कभी रिटर्न ही नहीं आया कभी रिटर्न नहीं आया तो जब ये बात इसको पता चली कि मुझे इसने धोखा दिया है शॉल्टो भी और साथ में आर्थर भी ठीक है दोनों रफू चक्कर हो गए गायब हो गए इसको धोखा देकर ठीक है अब इसका गुस्सा आ गया कि अब मेरे को कैसे भी करके इस जेल से भागना है तो टोंगा ने हेल्प किया टोंगा ने जेल से भगवाने में हेल्प किया ये जब बाहर निकला बहुत सालों तक ढूंढना 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 और फाइनली फाइनली ये उसके हाथ एक दिन बारथल शॉल्टो लगी गया एक दिन तो क्या मुझे आप बता सकते हो जो शॉल्टो के डैडी ऐसा डरे हुए थे विंडो में देखकर वो विंडो में किस इंसान को देखे हो गए शॉल्टो डर गए थे ना शॉल्टो जो है उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई क्यों क्योंकि उन्होंने विंडो में एक इंसान को देखे तो विंडो में कौन था इंसान हा आ? स्मॉल शॉल्टो ने स्मॉल को धोखा दिया था हम जो इंसान को धोखा देते हैं उसके सामने से आने से आने डरते हैं है ना तो फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है तो ये साइन ऑफ फोर क्या था तो उसने बोला साइन ऑफ फोर ये था कि इस खजाने में सिर्फ चार लोग का हक है साइन ऑफ फोर सिर्फ चार लोग का हक है तीन अरब और एक जोनथन स्मॉल बाकी सारे जो लोग हैं शोल्टो आर्थर बार्थोलोमियोडियस किसी का हक इसमें नहीं है ठीक है तो मैं तुम लोग को यह बता रहा था ओके तो ये सब बातें होती है वो सब कर देता है ओके फिर ये लोग बोलते चलो यार ठीक है खजाना देख लेते हैं मस्त खजाना <laughs> खोलते हैं तो खाली डब्बा निकलता है <laughs> खोलते हैं तो कुछ है ही नहीं खाली डब्बा सब मुंह देखते दूसरे का ये क्या है भाई इतना मेहनत मशक्कत कर रहे हैं खजाना 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 खूम गया खजाना घूम गया खजाना खेल तो खजाना ही नहीं है ख़जाना, 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 तो बोलते हैं कि किधर गया तेरा खजाना भाई <laughs> खजाना ही गायब। तो बोलता है कि हाँ मेरे को तो मालूम था कि मेरे को पकड़ा मैं पकड़ा गया हूं ना तो अब मेरे को तो भाई ईगो है कि मैंने उस इंसान का मर्डर किया था मेरे इंसान का तो इस पर मेरा हक है तो मैं अभी इसको मैं वक्त क्यों करूं पुलिस लोग लेके जाएंगे इसमें मेरा हक है और अगर आप लोग मुझे नहीं दे रहे हो तो ये खजाना किसी और का नहीं मतलब मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं इसलिए मैंने क्या कर दी पूरा खजाना रिवर में बहा दिया रिवर में पूरा खजाना फेंक दिया अब जाओ तुम लोग खाली डब्बा लेके अब कर लो मेरे को ऐसा फर्क नहीं पड़ता <laughs> ऐसा बोलता है और फिर क्या हो जाते हैं आपके चैप की एंडिंग हो जाती है भाई साहब <laughs> समझ में आ गया होगा यानी पूरे एंड में जिस खजाने के पीछे लोग भागे 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 एंड में वो खजाना पूरा पानी पानी हो गया और बेचारा शॉल्टो को अरेस्ट कर दिया गया टोंगा का मर्डर का मर्डर हो गया और आर्थर और शॉल्टो का हार्ट अटैक से डेथ हो गई है ना मैरी के डैडी कहाँ है क्या है कुछ अतः पता चला ही नहीं बस इतना पता चला कि हाँ वो उनके हार्ट अटैक से डेथ हो गई बस इतना पता चला बट वही धोखा दिए थे इसलिए है ना तो आपको याद रखना हु इसमें कंफ्यूज मत होना मतलब जैसे कि अपने को पता है कि टोंगा ने किसको मारा टोंगा ने बारथलियों को मारा तीर से ठीक है ये बात क्लियर दूसरा शेरलॉक ने टोंगा को मारा और कितना का डेथ हुआ है आर्थर एंड शोल्टो किस डेथ हुई डाइड हार्ट अटैक उसमें से शॉर्ट हो तो भाई स्मॉल को देख के डर गया और इसका कुछ अता पता नहीं इसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए ठीक है तो वो समझ में गई होगी आपको ये वाली नॉवल आई होप इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कैरेक्टर के सबसे पहले सिर्फ प्रोटैगनिस्ट का यानी कि शेरलॉक होम वॉटसन और मैरी का और जॉनसन स्मॉल का भी कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट बार्थोलोमियो वाला सीन मुझ में आ गया बार्थोलोम हाँ यस फाइनली ओवर मैरी का केस क्या है और शेरलॉक होम्स ने डिटेक्ट किया डिटेक्टेड वो, वुडन लेग और वो किया ना उसने कि कोई तो इधर पे आया तो कैसे डिटेक्ट किया उसकी बातें बस इतना ही याद करो ये स्टोरी एक बार समझ गई ना कैसे भी क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर लोगे ठीक है so, सो आई होप आपको ये जो है नोवेल समझ में आई होगी अच्छे से कुछ आपको डाउट है क्या उट सो kind of hmm. so, अभी हम लेंगे थोड़ा पंद्रह बीस मिनट का ब्रेक ठीक है अब आप लोग स्नैक्स खा लो पानी पी लो अच्छे से रेस्ट कर लो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रामर सेक्शन एक घंटा मैं पूरा का पूरा आपके जितने भी ग्रामर के टॉपिक है उसको मैं मैराथन करवाऊंगी ठीक है फास्ट फॉरवर्ड में ठीक है सो so, हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगी हर एक सॉरी सॉरी हर एक तो नहीं दो क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इट इज नॉट पॉसिबल कि वो उसके लिए तो अलग तीन घंटे चाहिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं स्किप करने वाली हूँ सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स ये दो टॉपिक को स्किप करके बाकी सारी टॉपिक आपको मैं मैराथन में करवा दूंगी ठीक है तो चलिए जी 15 मिनट ब्रेक्स नॉवल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ में भेज दूंगी टेलीग्राम पर ये पूरा जो आपको दिख रहा है पीपीटी पूरा ढाई से ढाई पेज का कुछ है ये ये भी पूरा आपको उठा के मैं दे दूंगी टेलीग्राम पर कभी सेशन के बाद ओके चलो बाय एवरी बाय मतलब सिर्फ पंद्रह मिनट के लिए बाय कमेंट भी देखती अब तक आप लोगों के यस yes. आ जाओ खा पी के पंद्रह मिनट बाद <laughs> इसको चालू रखो अच्छा नहीं नहीं। चालू रखो सेशन पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट तक नहीं अब भी जस्ट हुआ है मैं वो देख रही थी वो भी स्टॉप कर दू क्या अभी कोई लेक्चर नहीं है ना दूसरा तो के बच्चे तो बात ही हो गए अच्छा इसको कदम होने में कितना लग जाएगा छोड़ दूंगा आपको थाने तक मैं सब थाने से जाती है ना पूरा माहौल था इसमें जाती है ट्रेन में मतलब लोकल डब्बा में ना लोकल में तो कभी ना सब लड़के वो चिड़चिड़

ओके ओके हेलो 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 स्टार्ट हो गया हां हो गया ओके हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन हो चुका है समाप्त जी पार कर लिए है हमने आपका 16 16 मार्क्स के सारे के सारे नॉवेल्स ठीक है कोई भी इधर पे मैंने ऐसा नहीं कराया हूँ कि कोई चीज स्किप करी हूँ मतलब पढ़ाते के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है बताते गई हूँ ठीक है समराइज वे में बताने की कोशिश की हूँ साथ ही साथ राइटिंग स्किल भी अपना हो गया अब बारी आती है ग्रामर की जहां पे आप सबकी गाड़ी रुक जाती है प्रैक्टिस ठीक है so, सो कोशिश मेरी रहेगी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जाम में आपके एग्जाम में जितने भी ग्रामर आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके मुताबिक आपको मैं ये ग्रामर की चीज करवा पाऊँ तो दिल थाम के बैठ जाइए और पेन पेपर हाजिर कर लीजिए दोस्तों तक खबर पहुंचा दीजिए कि मैम लाइव आ गए हैं ब्रेक खत्म हो गया है और ग्रामर खत्म करने जा रहे हैं चलिए जी लेट अस बिगिन विद द सेशन ग्रामर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एग्जाम में ग्रामर जो है ये कितने मार्क्स के लिए आएगा लगभग आठ से लेके दस मार्क्स तक आएगा ठीक है आठ से लेके दस मार्क्स तक ये आपका कैरी करने वाला है ओके okay? ये सारी टॉपिक आपकी लिस्टेड है जिसमें से आइडियम क्लॉजे वर्क एग्जेक्टिव सफिक्स कोलोकेशन वर्ड रजिस्टर कोड मिक्सिंग ये सब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज तक ये आपके एग्जाम में नहीं आए हैं और आप भी इसको मत पढ़ो स्किप कर दो ठीक है ये सारी टॉपिक मत पढ़ो स्किप कर दो आगे बढ़ते हैं कौन कौन से पढ़ेंगे हम टेंस पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी टाइप्स ऑफ सेंटेंस रेथोरिकल आर्टिकल प्रीपोजिशन नहीं वो तो नॉर्मल सा है रिथोरिकल इन्फिनेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं हो पाएगा रिमूव ये ये स्पीच नहीं ये स्पीकर स्पीच वाले टॉपिक नहीं है तो यहाँ तक अपन करने वाले पहली टॉपिक हैशटैग नंबर वन डाल दो जहां पे हम अभी करने जा रहे हैं आपका टेंसेस टेंसेस क्या होता है और हमको ये कैसे दूसरे दूसरे सब आ, ग्रामर में काम आता है फटाफट करेंगे ठीक है तो टेंसेस का मतलब क्या होता है टेंस क्या करता है कोई भी एक्शन का टाइम दिखाता है एक्शन का टाइम दिखाता है इस मोमेंट आप पढ़ रहे हो तो एक्शन क्या हो रहा है पढ़ने का कब हो रहा है इस मोमेंट अगर मैं बोलूंगी परसों आप एग्जाम लिख रहे होंगे, तो एक्शन क्या है लिखना होगा कब फ्यूचर में तो ये सारी बातें जहाँ पे कोई भी काम कब हो रहा है वो सारी बातें टेंसेस में होती है फटाफट हम देखेंगे कि अपने टोटल बारह टाइप के टेंसेस अपने टोटल कितने टाइप के टेंसेस होते हैं बारह टाइप के ठीक है टाइम कितना होता है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर काम कितने होते हैं चार सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक है तो क्या हो जाएगा अपना टोटल ट्वेल्व टेंसेज अपने को मिल जाएंगे हर टेंसेस का खुद का अलग फॉर्मूला होता है अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिए तो सब कुछ आसान है ठीक है अगर आपने मेरी पहले वाली मैराथन वाली वीडियो देख चुके हो ग्रामर की तो आपको ये बहुत आसान लगेगा ठीक है बस आप लोग मेरे डिमांड कर रहे थे तो मैंने चलो याद फिर से करा देती हूँ है ना वैसे तो मैंने करा दिया आपको मैराथन कितने बच्चे ग्रामर का मैराथन ऑलरेडी देख चुके हैं

जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी ना कि मैं इस स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ पेन पेपर लेकर पढ़ा रही हूँ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट होगी ठीक है तो वर्ब कितने टाइप के होते हैं वर्ब दो टाइप के होते हैं एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वॉज वर आते हैं और मेन वर्ब की जो तीन फॉर्म होती है ना सी सो सीन ठीक है ये सब इसकी बात हो रही होती है तो अपने को क्या देखना है कि हर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब लगाना है इतनी बात आपकी क्लियर हो गई तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम रहेगा कौन बदलेगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ठीक है तो वही अपने को देखना है हर एक टेंसेस में समझ में आ गया चलो एक एक करके भी देखते हैं कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगने वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा होगा सब्जेक्ट होगा ठीक है अपना हेल्पिंग वर्ब होगा इज एम आर और ऑब्जेक्ट सॉरी मेन वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगा मेन वर्ब जो होगा अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगा ठीक है और ऑब्जेक्ट ये पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला क्या सब्जेक्ट रहेगा वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह अपनी आई एस फॉर्म पकड़ लेगा और ऑब्जेक्ट ठीक है तीसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा अगर सिंगुलर है तो लगाएंगे सब्जेक्ट डायर है तो डू लगाएंगे और इधर पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये तीन फॉर्मूले मिलते हैं किसके प्रेजेंट सिंपल के तो देखो यहाँ पे क्या है आई प्रीफर माई कॉफी सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो देखो ये वाला फॉर्मूला पूरा हो रहा है ये वाला फॉर्मूला ठीक है तो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मुला ध्यान रखो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है और कुछ भी नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट इज एम आर आपकी फर्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो इंडेफिनेट देख के डर मत जाना मतलब सिंपल होता है कंटिन्यूस को दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव इसमें अपना क्या होगा सब्जेक्ट होगा ओके okay? सिंगुलर है तो इज आई है तो एम प्रूरल है तो आर प्लस वर्ब अपनी आई एन जी फॉर्म में होगा और ऑब्जेक्ट बस इसका इतना सी फॉर्मूला है तो देखो शी ये सिंगुलर है तो मैंने क्या चूज करी तीनों में से इसमें से इस चूज करी ठीक है वर्ब मेन वर्ब की आई एनजी फॉर्म लगाई और मैं क्या बोल रही हूं आपका टेंसेज का दिल और जान है वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हर टेंसेज में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होगा अलग अलग मेन वर्ब होगा ठीक है तो ये देखो यहाँ पे अलग 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 शब्द कॉम्बिनेशन नेक्स्ट अपना है प्रेजेंट परफेक्ट इसमें क्या होता है सब्जेक्ट होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे सब्जेक्ट प्रूरल है तो हैव लगाएंगे ठीक है वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में रहेगा वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में रहेगा और ऑब्जेक्ट इट इट सिंगुलर है तो हैज लगाए वर्ब को अपनी थर्ड फॉर्म में लिए और बाकी सेम टू सेम फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट यानी कि सिंगुलर है तो हैज बीन रूरल है तो हैव बीन अपनी आईएनजी फॉर्म में और ऑब्जेक्ट ये इसका फॉर्मूला देख लो शी सिंगुलर है तो हैज बीन सिंगिंग वी होता तो हम क्या कर देते कर देते और कुछ नहीं करते वी हैव बीन सिंगिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल में क्या होता है इसके तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं पहला है सब्जेक्ट होगा वर्ब अपनी आ गया समझ जाना सिंपल पास्ट है ठीक right, है दूसरा फॉर्मूला है डिड लगा हुआ है जब भी डिड आएगा अपना वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म पकड़ लेगा ठीक है क्यों बिकॉज डिड ऑलरेडी पास्ट है दूसरा सब्जेक्ट वॉज है है तो, है तो तो और और अपने में देखो, पे क्या हो रहा है यहाँ पे वो अपनी सेकेंड फॉर्म में है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो रहा होगा सब्जेक्ट हो रहा सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर अगर अपना सब्जेक्ट है तो इज सॉरी Subject singular है तो वॉज रूरल है तो वर सी फॉर्म में 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 और object. देख लो वॉज 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 इसलिए, नेक्स्ट अपना क्या है पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में क्या होता है सब्जेक्ट होता है सिंगुलर हो या हो सबके साथ हेल्पिंग ऑफ हेड लगेगा सिंगुलर हो या प्र सबके साथ शी हैड 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 वी दे आई सबके साथ लगेगा तो टेंशन नहीं, नहीं है उसका जैसे हैव हैज का 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 टेंशन टेंशन है 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 इज एम आर वर इसमें नहीं सब में लगा दो और वो अपनी थर्ड फॉर्म में रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है दे हैड फिर कौन से पास्ट परफेक्ट इधर पे देख लो ही हैड लेफ्ट थर्ड फॉर्म है लीव का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है पास्ट परफेक्ट है ना तो हैड बीन और वो अपनी आई एनजी फॉर्म में दे हैड बीन सिंस चाइल्डहुड दे हैड बीन गोइंग देर वी हैव बीन लर्निंग वी हैड बीन वी हैड बीन लर्निंग ग्रामर सिंस थ्री पीएम ग्रामर नहीं सॉरी इंग्लिश वैसा फ्यूचर सिंपल में क्या होता है सिंपल है सब्जेक्ट लगाएंगे लगाएंगे विल फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट ठीक है फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है सब्जेक्ट होता है विल बी वह अपनी आई अपनी आईएनजी फॉर्म में और ये ये कांस्टेंट ऐसा नहीं कि कुछ एक्सेप्शन है सेम है ये आया इसको कंटिन्यूस में फ्यूचर कंटिन्यूस में करो तो यही फॉर्मूला लगेगा इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट फ्यूचर के लिए विल लगाएंगे परफेक्ट बनाने के लिए हैव लगाएंगे सिंगुलर हो रूरल हो सबके साथ विल मतलब शी विल 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 दे आई सबके साथ प्लस hmm. की फ्यूचर परफेक्ट ना हाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट देखिए दे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अपनी थर्ड मैंने क्या बोली पूरा वर्ब का खेल है

टेंसेस का अगर आपको ये आता है ये फॉर्मूला आपको क्लियर है तो अभी आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे ये ये, आपके पिछले साल के क्वेश्चन लाई हूं इसको सोल्व करते पहला क्या है सब्जेक्ट विल प्लस वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट तो देखो दिस सब्जेक्ट लगाए विल फर्स्ट फॉर्म में टू रिक्वायर एन एक्सरसाइज ऑफ विल हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन शी टूक मैनी ब्रिथ टेकिंग फोटोग्राफ राइट यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या फॉर्मला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अपना शी है ना तो शी आएगा सब्जेक्ट है वर्ब की आई एन जी फॉर्म ठीक है क्या कर देंगे शी हैज बीन टुक क्या बन जाएगा आई जी फॉर्म टेकिंग मैनी ब्रिथ टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ ठीक है यस करेक्ट शी हैज बीन टेकिंग देयर इज एन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या फॉर्मूला थार सिंगुलर है तो हैज लगेगा वो अपनी थर्ड फॉर्म में देर हैज एन एंटायर

देखते हैं इसको स्किप करते हैं थोड़ा सा ये ना इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या फॉर्मूला था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बस और आगे पीछे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सच एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट

तो जो जो कट कर दी ना उसके बाद जो भी बचे है, उसको याद कर लो मतलब आपको क्या याद कैन नाम का एबिलिटी एबिलिटी शो करता है कुड में साथ में पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी माइट रिमोट वुड और साथ साथ तो इसको, भी कट कर है पे। habit, advise, इसको याद करो बिकॉज इसी

वी और हेलमेट पूरा कॉपी पेस्ट बाइक तक ठीक है तो मस्ट लगाना था बस इतना ही काम था इधर पे क्या है राइट यूजिंग सेंटेंसेस इन शोइंग सर्टेनिटी सर्टेनिटी कौन शो करता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब है जो सर्टेनिटी शो करता है जी कौन बताएगा पॉपुलर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का और सबसे इजी विल ना विल है ना विल सर्टेनिटी शो करता है तो अपन को क्या करना है विल लगाना है विल किधर लगाएगी ऑलरेडी अगर अपने क्वेश्चन में कोई हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो उसको हटाएगे जैसे ये कूड हाँ कूड है ना तो इसको हटाएगे और उसकी जगह विल लगाएगी अगर क्वेश्चन में नहीं है तो अपन सोचेंगे अगर क्वेश्चन में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको रिप्लेस कर दो बस तो द अर्थ तो विल बस विल स्टैंड से पूरा कॉपी पेस्ट I stood on the right to drink. Use to. Use to. बहुत आसान हेल्पिंग वर्ब है ना तो हेल्पिंग हमेशा सब्जेक्ट के बाद आई यूज टू स्टूड नहीं आएगा स्टूड नहीं ये स्टैंड बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैन लगाने के लिए बोल रहे हैं बहुत सिंपल वुड हटा के बस कैन लगाना है या ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ गया तो भाई मजा आ जाएगा Obligation. Obligation कौन करता है 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 ना This state of will. Will है, देखो तो so, लगा देंगे बाकी copy -paste. फिर आ गया तो so, देखो कैन है ऑलरेडी तो कैन हटा के फिर मस्ट लगा देंगे कॉपी पेस्ट वी मस्ट लाइफ ग्रेसफुली बहुत ईजी ऑब्लिगेशन फिर आ गया कैन हटा के मस्ट कंपल यहाँ पे हैव टू हट ठीक है समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ग्रामर नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक अपना नंबर एक्टिव वॉइस वॉइस पैसिव जहां पे हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपने को कोई भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाना है या पैसिव से एक्टिव बनाना है अब फर्क क्या होता है एक्टिव में क्या हो फर्क होता है पैसिव में क्या फर्क होता है अगर आपके लिए मान लो कोई इंसान है ठीक है आपका बाबू है एग्जाम्पल उसने आपके लिए कोई गिफ्ट लाया ठीक है तो ये सब्जेक्ट है काम इसने किया लाने का क्या, क्या लाया उसने वॉच लाया ये ऑब्जेक्ट है ठीक है ये ऑब्जेक्ट बन गया और जो काम किया है वो सब्जेक्ट बन गया तो अगर आपके मुंह से ये बात निकलती है कि मेरे बाबू ने मेरे लिए गिफ्ट लाया ठीक है मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है बाबू इसलिए तो पहले उसके मुंह से पहले उसका नाम निकला ना माए बाबू तो ऐसा कोई भी सेंटेंस है जहां पे इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट को दे रहे होते हैं वो सेंटेंस हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस ठीक है सब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस देंगे अब दूसरा केस दूसरा केस में हम क्या करेंगे बाबू गया भाड़ में उसने क्या दिया उससे फर्क पड़ता है ठीक है तो जो उसने दिया वॉच मिली वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा दिस वॉच और देखो बाबू को फेक बेचारे को एंड में तो सब्जेक्ट एंड में तो हमारे बोलने की भाषा में जब इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्ट को दे रहे होते हैं तो पैसिव माना जाता है आपके एग्जाम में गौर से सुन लो बहुत क्वेश्चन आते हैं जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के होते हैं ठीक है तो ये आपको अच्छे से दिमाग में चिपका के रखना है अब इसके बहुत सारे रूल्स है कि आप कैसे एक एक्टिव वॉइस को कैसे वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो सबसे पहला रूल कि हमेशा जो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब होगा ना वो हमेशा हमेशा क्या होगा थर्ड फॉर्म में बैठा होगा रुक जाओ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या रूल है देखो सबसे पहला रूल है अपने को ना दोनों की पोजिशन चेंज करना है ना मतलब सब्जेक्ट अपने क्या होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है और ऑब्जेक्ट एंड में होते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट को पहले लाओ सब्जेक्ट को एंड में लाओ तो सबसे पहला काम क्या करेगा इंटरचेंज करेंगे दोनों को ठीक है कोई भी सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव में बनाना है तो पहले रिवर्स करो दूसरा क्या है उसके बाद हेल्पिंग आपको लगाना है है ठीक ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो सोचना है अब मैं आपको बताऊंगी कौन सा हेल्पिंग वर्ग कब लगेगा उसके बाद मेन वर्ब जो होगा वो हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म में होगा ठीक है उसके बाद बाय लगा होगा कंपल्सरीली और उसके बाद सब्जेक्ट होगा ये अपना क्या होगा एक्टिव को पैसिव से बनाने का फार्मूला सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वो अपनी थर्ड फॉर्म में कोई भी पैसिव हो कोई भी कैसा भी सेंटेंस आ रहा है मेन वो अपनी थर्ड फॉर्म में ही रहेगा बाय और सब्जेक्ट तो अभी कन्वर्ट करते हैं अभी आप बोलोगे कि हमें पहचानू कैसे मैं कौन सा हेल्पिंग लगाना है तो अगर आपके क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बैठा है तो आप कौन सा लगाओगे इसमें से चूज करोगे इज एम आर सब्जेक्ट सिंगुलर उस हिसाब से हो जाएगा अगर आपका sentence present perfect है, तो तो आपका passive voice में ये यूज हो has been, have been, तो ये होगा आपको टेबल याद करना पड़ेगा सिंपल सी भाषा देखो अभी मैं इसको करवाती जैसे है ये हो गया। ठीक है रिवर्स करना है सबसे पहला फॉर्मूला क्या था the thief को पहले लाएंगे टेंस क्या, क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है इज है ना तो मेरा सब क्या है ये इज सब इज अब मेन वर्ब क्या लगाऊंगी थर्ड फॉर्म चेजेस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी चेज्ड उसके बाद क्या था हम्म hmm. बाय और फिर अपना पुलिस तो ये अपना फॉर्मूला के हिसाब से अपन ने बना दिए वैसे ही इज़ माउस इतना लिख दिए फिर टेंस लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट के लिए देख वॉज वर तो ये सिंगुलर है तो वॉज मेन वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में द बाय द कैट सिंपल पास्ट है नाज राइट का रिटर्न हो जाए थर्ड फॉर्म ना राइट रोट रिटर्न दर वि तो नहीं आया इतना पता होगा ना कि बाय हर ये सेम है तीनों सिंपल पास सिंपल पास्ट में ही है तो अपन उसको हटा मतलब ठीक है अभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ये वाला सॉल्व करते ही स्कैटरड हर एशेस ओवर द हिमालय ऐसे सेंटेंस आते हैं ना कि बिगिन द सेंटेंस विद दिस ऐसे सेंटेंस आता है ना तो समझ जाना कि ये वाला आपका जो सेंटेंस है ये अपना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछ रहा है पूछा नहीं है आपको समझना पड़ेगा क्योंकि देखो हर एशेस ये ऑब्जेक्ट हर एशेस ओवर दी हिमालय स्कैटर्ड सिंपल पास्ट हर एशेस 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 सिर्फ एश नहीं यानी प्लूरल है तो वर वर्व ने थर्ड फॉर्म में स्कैटर्ड बाय हिम यहाँ पे भी सेम ही अप्लाई करेगा सिंपल पास्ट है ना इसलिए मैं स्किप करती हूँ ये पिछले साल आया 2022 में सिंपल पास्ट है देखो फिर से तो अपन सिंगुलर तो वॉयस पिछले साल आया बोलो सिंपल ठीक है थीके? बस इतना ही है पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा हेल्पिंग, हाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अपनी हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में बाय और फिर सब्जेक्ट एंड में समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक रिथोरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक आ जाओ रिथोरिकल क्वेश्चन आप बोल गए क्या लिखे हो मैम खबरदार तूने आंसर दिया हम आंसर दे तो अच्छी बात है ना <laughs> यहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि सामने वाला आंसर देगा यही सोच के क्वेश्चन पूछते हैं ना तो क्वेश्चन से ना चार टाइप के होते हैं याद रखो एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है आपका एक यस नो क्वेश्चन जो हेल्पिंग से स्टार्ट होते हैं जिसका आंसर यस नो आता है इस ये वाला डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछोगे तो जो आंसर आता है वो डिटेल में आता है वेयर डू यू लिव तो आंसर डिटेल में देगा वाई हुम ऐसे सब क्वेश्चन डब्ल्यू एच का इस्तेमाल करोगे तो आंसर डिटेल में यस हेल्पिंग से क्वेश्चन का कर स्टार्ट करोगे तो आंसर यस नो में रहेगा ठीक है इज दिस योर बुक कैन आई मीट यू तो हाँ यह नाम क्वेश्चन होता है क्वेश्चन टैग यहाँ पे अपन क्या करते हैं सामने से सवाल पूछते हैं कन्फर्मेशन के लिए कि तुम कल आ रहे हो है ना तो है ना जो एंड में हम पूछते हैं रिकन्फर्मेशन के लिए और लास्ट अपना होता है रेथोरिकल क्वेश्चन जहाँ पे हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर अपने को नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन जिसका अपने को आंसर नहीं चाहिए और एग्जाम्पल हम बोलते भाई क्या तुम पागल हो इसका आंसर थोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं ना अपने मुंह से बस निकल जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन अपने क्या आते हैं रिथोरिकल में आते हैं ठीक है थीके? जैसे अभी ना रिथोरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है आप अपना क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे ना जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है बोर्ड की तरफ से उसमें कितने सारे रेथोरिकल क्वेश्चन पूछे गए ना आपको तो आपको क्या करना है जो भी आपका क्वेश्चन है पहले उसका आपको क्या बनाना है क्वेश्चन टैग बना दो ठीक है क्वेश्चन टैग बनाना आपको आता है बहुत सिंपल है हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगा उसका अगर आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो आप आपका नेगेटिव बना दो जैसे कि आर का बन जाएगा ठीक है पॉजिटिव है तो नेगेटिव ये अपना क्या बन गया क्वेश्चन टैग बचपन में आपने पढ़े हो गए तो क्वेश्चन टैग अपन एंड में करते हैं ना तो रिथोरिकल अपन क्या करेंगे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख देंगे ठीक है तो समझ में आ गया क्वेश्चन के स्टार्टिंग में Aren't you यू student? क्वेश्चन मार्क अब देखो एक और क्वेश्चन अब यहां पे नेगेटिव है क्वेश्चन में ही नेगेटिव है तो अपन क्या करेंगे इसको पॉजिटिव बना देंगे मतलब अपना हेल्पिंग क्या हो जाएगा आर यू student? क्वेश्चन टैग अगर आपको आता है तो ये बहुत आसान है नेक्स्ट देखो दे राइट एग्जाम अब यहां तो अपना हेल्प है ही नहीं अब क्या करेंगे अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है जहां हेल्पिंग हेल्प क्वेश्चन में है ही नहीं तो सहायता लेना प्रेजेंट है तो, है तो, does, है तो, do. तो अपना सेंटेंस देखो प्रूरल है और प्रेजेंट में है रोट नहीं है तो अपन किसके सहायता लेगे प्रूरल है और प्रेजेंट है डू की तो डोंट दे राइट एग्जाम ये इसका अपना आंसर रहेगा मुझ में आया अब ये है present singular. तो किसकी सहायता नेगेटिव बना देगी राइट एग्जाम आप बोल गए हटा दिया राइट से क्योंकि डज ने ऑलरेडी वो काम कर दिया इसका इसलिए ही रोट एग्जाम पास्ट है डिड क्वेश्चन पॉजिटिव तो मेरा क्वेश्चन टैग नेगेटिव रोट का बन जाएगा राइट right. क्यों hmm. 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 तुम किसके एन से देख रहे हो होने लग गया ओ, तो आराम से आराम से

टू तू, तू, तू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी मतलब होता है तो आपके एग्जाम में हमेशा याद रखना जेरंड और इन्फिनेटिव एक दूसरे से रिप्लेस होते हैं जेरंड और इन्फिनेटिव एक दूसरे से रिप्लेस होते हैं जेरंड क्या होता है जेरंड इज नथिंग बट दी आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है इन्फिनेटिव क्या होता है इन्फिनेटिव इज नथिंग इन बट टू प्लस वर्स्ट फॉर्म वब की आई एनजी फॉर्म और टू प्लस वब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेम देखो इंसेक्ट ऑलरेडीडी क्या करो जैर तो कर टू एस्केप को हटा के एस्केपिंग कर देगा एस्केपिंग कर देगा और इधर पे बिल्डिंग है इसको बोल रहे इन्फिनेटिव बनाओ तो क्या कर देगा बिल्ड टू बिल्ड ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे आ जाते फटाफट नहीं होगा ना में continuation. Next, अपना ग्रामर का टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहां पे हम क्या करते हैं जैसे हमने देखे टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ब्स है ना वैसे ही डिग्री ऑफ कंपेरिजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव की भी क्या होती है तीन फॉर्म होती है जैसे कि बिग बिगर बिगेस्ट कोई चीज छोटी है तो नॉर्मल किसी से कंपेयर कर दिए तो बोलिए बड़ा है कोई चीज सबसे बड़ी तीनों में से सबसे बड़ा कौन है ये है तो अपन बोल द बिगेस्ट ठीक है हाई हायर हाईस्ट लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट ये 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 ठीक है तो यहाँ पे होता क्या है अपन जो है एग्जेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को एग्जेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं पॉजिटिव फॉर्म एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म को कंपैरेटिव बोलते हैं और एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म को सुपरलेटिव बोलते हैं ठीक है, है? यानी कि आपके एग्जाम में आ रहा है कि देख इसको जो है तुझे कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आपको एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी बट उसका तो कुछ दो-तीन फार्मूला है गौर से सुनो ये फार्मूला याद कर लो टाइप 1 ऐसे देखा जाए तो तीन टाइप है बट मैं टाइप 1 को स्किप कर रही हूं ठीक है टाइप टू पे आते हैं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए टाइप के पॉजिटिव में अपना जो सेंटेंस है वो नो no अदर से स्टार्ट हो रहा होगा और एग्जेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म के आगे पीछे एज एज लगा होगा कंपल्सरिली कंपेरेटिव में क्या होगा टाइप वन की हालत यहां पे अपना एग्जेक्टिव सेकेंड फॉर्म में होगा और क्या लगा होगा देन एनी अदर देन एनी अदर फिर आ जाएगा सुपरलेटिव सुपरलेटिव में एग्जेक्टिव की थर्ड फॉर्म और द लगेगा द ग्रेटेस्ट द बेस्ट द वर्स्ट ऐसा टाइप थ्री में क्या होगा अपना पॉजिटिव वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा आगे पीछे एज एज एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म कंपेरिटिव में एक्जेक्टिव अपने सेकेंड फॉर्म में है और देन मैनी अदर लगा हुआ है देन अदर यहाँ पे एनी है और इधर पे मैनी है सुपरलेटिव में क्या होगा वन ऑफ द मोस्ट लिखा होगा वन ऑफ द सॉरी वन ऑफ द और अपने एग्जेक्टिव की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो ये फॉर्मूला है ये फॉर्मूले के बेस पे अपने डिग्री ऑफ कंपेरिजन सॉल्व हो पाएंगे ठीक है पहले अपन पहचानेंगे कि कौन से टाइप से क्वेश्चन आया है तो देखो ये वाला देखो द फ्लड ऑफ दिन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव द मोस्ट टाइप कौन सा है टाइप टू है क्योंकि इधर पे देखो द द सिर्फ द लगा हुआ है नहीं लगा है तो इसका अपने को क्या करने के लिए बोला है इसका अपने को बोला है कि इसको पॉजिटिव डिग्री बनाओ इसकी अगर अपने को पॉजिटिव डिग्री बनानी है द की तो क्या कौन सा फॉर्मूला अपनाएगा टाइप टू का ही अपनाएगा ना टाइप थ्री का नहीं अपनाएगा तो सुपरलेटिव का टाइप टू में क्या है पॉजिटिव में नो no अदर से स्टार्ट करना है एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म लगा के आगे पीछे एज एज चलो इतना समझ में आ गया है ना तो so, आंसर की शुरुआत नो अदर एडजेक्टिव क्या है डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स वेर एज डिस्ट्रक्टिव एज दाइनटीन सेवेंटी एट ऑइल इज वन ऑफ दर्ल्ड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी वन ऑफ द मेजर तो देखो वन ऑफ द आ गया यानी टाइप थ्री से आया है और क्या बोल रहा है

हाँ बस इतना ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन में ये वाला टेबल रट लो ना तो आपका सब कुछ आसान है ठीक है ग्रामर इज ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक है जितना आपको फॉर्मूला आता है रूल पता है कौन सा ग्रामर में क्या होता है जैसे रिथोरिकल में पॉजिटिव को नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव इसमें ये एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस लगाना है टेंसेज में बारह अलग अलग टेंसेज कहा कौन सा हेल्पिंग व कौन सा मेन वर्ब सब अलग अलग टॉपिक के अलग अलग रूल्स याद कर लो हो जाएगा अभी अभी अपन क्या करेंगे आर्टिकल करते फटाफट आर्टिकल में क्या होगा कोई भी आपकी चीज जो बहुत ज्यादा ह्यूज है ठीक है साइज में और बड़ी है रिस्पेक्ट देने लायक है भले ही फिर वो सिंगुलर है या प्रूरल है फर्क नहीं पड़ता

आप क्या लिए? एक ही अमरेला एक, मामूल सा अमरेला रखा हुआ छतरी रखी हुई है तो इसको द थोड़ी बोलेगे इतना तो कुछ उसने थोड़ी कुछ किया है तो क्या पे क्या करेगा अमरेला क्योंकि ये ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है फोकस आप अपने वॉइस पे रखना साउंड पे कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग्स में ना जाओ साउंड पे भी फोकस करो क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो स्टार्ट तो होते हैं वॉवल्स वॉवल्स से, वावल से जैसे यूनिवर्सिटी ये स्टार्ट वॉवल से हो रहा है बट इसकी आवाज य की आ रही है यूनिवर्सिटी ये। तो य की आवाज नहीं आनी चाहिए य की आवाज आई मतलब इसके साथ ए लग जाएगा ठीक है तो हमेशा आवाज किसकी आनी चाहिए अ आ ई ई वाली कहानी अगर है तो ए एन आएगा बाकी सिंपल है तो ए और कोई भी ऐसी चीज ह्यूज है बड़ी है रिस्पेक्ट देने लायक है जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर नदी माउंटेन होली बुक रिलीजियस बुक चीजों के साथ हम लगाते हैं ठीक डब्ल्यू एच क्वेश्चन हटाते हैं फिलहाल के लिए एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी पे आते नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक अपना है एक्सक्लेमेटरी जहां पे पहला टाइप ऑफ सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशन का होगा वो हाउ से स्टार्ट होगा और दूसरा वॉट ए से या तो वॉट एन से बहुत सिंपल है अगर आपका कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें ए या एन है ए या एन है तो आप क्या करोगे वॉट ए या एन से लगाओगे फॉर एग्जाम्पल ही इज अफुल गर्ल एग्जाम्पल आपने क्या देख ली मेरे सेंटेंस में ए है ठीक है आप क्या करोगे अपने सेंटेंस की शुरुआत वॉट ए करोगे वॉट ए इतना लिख देंगे इसके लिखेंगे वॉट अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज ठीक है वॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज और एक्सक्लेमेशन मार्क मान लो कि अ नहीं है तो क्या करोगे शी इज वेरी ब्यूटिफुल ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे आप इस्तेमाल करोगे हाउ का जब सेंटेंस में ए और एन नहीं है तो आप इस्तेमाल करोगे हाउ का ठीक है और एक और चीज याद रखना आपके सेंटेंस में वेरी वर्ड कौन कौन से वर्ड वेरी रियली इमेंसली ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो शो करते कि कुछ एक्सटेंड ज्यादा होना क्योंकि देखो ना अपुन ये सब हटा के एंड में एक्सलोमेशन लगाने वाले हैं ना इसलिए अपन तो अपुन् इस सबको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा शी इज वेरी ब्यूटीफुल तो हाउ से स्टार्ट हो रहा है ना हाउ यस हाउ ब्यूटिफुल इतना ही है एक्सप्लेमेशन दो टाइप का होता है अगर क्वेश्चन में ए है या एन है तो वॉट से स्टार्ट करना अपना एक्सप्लेमेशन बनाना अगर नहीं है तो हाउ से स्टार्ट करना बस और जो भी आपके क्वेश्चन में वेरी रियली एक्सट्रीमली इमेंशली यह सब है सबको निकाल देना है अपने को ठीक है ये आपके एग्जाम में देखो रिवर्स क्वेश्चन आ चुका है एक बार इसका समझो मान लो आपको बना दे बोली असर टिप ठीक मतलब इस क्वेश्चन अपना एक्सक्लेमेटरी और आंसर एसरटी बनाना है तो क्या करेंगे हाउ हॉट द नाइट वाज तो क्या कर देंगे द नाइट वाज वेरी हॉट फुल स्टॉप एसरटी मतलब क्या सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होना चाहिए कुछ चिंदी टॉपिक्स कुछ चिंदी टॉपिक्स करने की कोशिश करते हैं लाइट hmm. गई ना शायद इलेक्ट्रिसिटी No sooner को फटाफट करेंगे और बाकी सब मुझे लगता है आप लोग कर लोगे तो मैं दे लेगा ना? बस हाँ चले। हो पांच दस मिनट नो देन का फॉर्मूला लिख लो आपके एग्जाम में आता है कि नो no सूनर से सेंटेंस को स्टार्ट करो तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका फॉर्मूला रहेगा नो सूनर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ठीक ठीक है? है? आपका पहला sentence जो भी होगा आपका पहला sentence जो भी होगा देखो दो सेंटेंस डिवाइडेड गए कंपल्सरी डिवाइडेड बाय कॉमा तो ये आपका पहला सेंटेंस है ये होगा उसके बाद में देन लगाना है और फिर बचा हुआ बाकी का सेंटेंस लिखना है सेंटेंस नंबर टू सेंटेंस नंबर टू तभी इसको अपन बनाते हैं नो सूनर देखो No no लिख दी, फिर helping work. Helping work क्या है? नहीं है ना तो वो सेम कहानी entered. तो did के no sooner did. I the post office. इतना लिख दिए, फिर फिर क्या है? Then लगाना है, लगाना और फिर बाकी का पूरा सेंटेंस उठा के लिखना है पूरा कॉपी पेस्ट ठीक है तो ये अपना no sooner की कहानी होने वाली है नॉट ओनली बट ऑल्सो तो बहुत ही तो बताने की जरूरत नहीं है यार बचपन से सब करते आए हैं और ऑल दो वाला बता दूल दो वाला बता देती हूँ इजी है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है कि सेंटेंस को ना ऑल दो या दो से स्टार्ट करो तो आपको क्या करना है आपके सेंटेंस में ना बट दिख रहा होगा बट uh, या बट को हटा देना बस और अपने सेंटेंस की शुरुआत ऑल दो से कर देना इतना ही करना है आंसर क्या बन जाएगा ऑल दो या दो है ना अपना तो दो लिख दो आई हेड सक्सेसिव लिख देंगे कॉमा लगाएंगे बट को हटा देंगे बस ठीक है पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे समझ में आ गई होगी बातें आपको तो आज के टॉपिक मैंने आपको जो जो कराई हूं उतना ही आप लोगों को करना है ग्रामर नॉवल एंड राइटिंग स्किल कितना बज गया पौने छ घंटा ओके नोट्स so, बनाए हो तो ही आपको चीजें समझ में आएगी क्या हुआ क्या सेशन में वरना सब कहीं ना कहीं एक घंटे बाद दो घंटे बाद बाउंस हो जाएगा नोट्स so, अभी अगर नहीं बनाए थे तो पीछे से पीछे सेशन कर लो फिर से फास्ट फीड में करके देख लो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें कराई हूँ इस मोमेंट में सब कुछ पढ़ना इज नॉट पॉसिबल और पढ़ना चाहिए भी नहीं क्योंकि सब पढ़ोगे फिर भूल जाओगे फायदा नहीं तो इससे अच्छा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो जहाँ पे नाइन्टी परसेंट चांस है ये सब टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाली है अच्छे से पढ़ो सिंपलिसिटी में पढ़ो और जो पढ़ के गए हो घर से याद करके गए हो वो आप एग्जाम में लिख कर आओ ऐसा नहीं कि भाई समझ के तो गए पर एग्जाम में तो लिखने ही नहीं आ रहा है इसलिए सारे राइटिंग स्किल का मैंने क्या कर दी थी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन रेडीमेड दे दी ताकि आप लोग याद कर लो ठीक है, सो यस पीडीएफ मिल जाएगा मजा आ गया बिल्कुल <laughs> बनाया है ग्रेट वर्ल्ड रिकॉर्ड बच्चे बोल बहुत अच्छा लगा कि यहां पे लगभग सात हजार बच्चे है ना सब मिलाकर ओहो मतलब लगभग यहाँ पे एक लाख बीस तीस हजार और यहाँ पे भी एक लाख बीस हजार यानी लगभग साढ़े तीन लाख लगभग लगभग तीन साढ़े तीन लाख बच्चों को ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचा पाई है महाराष्ट्र की और जो टोटल अपने बच्चे महाराष्ट्र का एग्जाम देने वाले हैं वो तो होते भाई दस पंद्रह लाख तक ठीक है तो बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होगा तो आप उनको तक शेयर कर देना आज का एक्सप्लोमेटरी एक्सप्लेनेटरी पार्ट यहीं पे एंड होता है ठीक है और चैप्टर और पोयम का आई डोंट थिंक सो आपको मैराथन की जरूरत होगी चाहिए होगा क्या खुशी आपको क्या लगता है मैराथन अपना चैप्टर और पोयम का मैराथन चाहिए होगा नहीं ना इतना नहीं ना तो मेरे को नहीं लगता कि उसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है जितनी आप लोगों को इसकी थी है ना भी वहाँ पे तो पैसे से काम चली जाएगा तो अभी मेन मुद्दा ये है कि प्रेजेंटेशन इंग्लिश का कैसा रखे हर क्वेश्चन का क्या अटैम्प्ट करे तो अपन वो कल करेंगे ठीक है तो कल अपना पेपर प्रेजेंटेशन पे लेक्चर होने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि कल मेंटी क्विज अरेंज कर पाए ठीक है ताकि हम आपके ग्रामर का नॉवेल्स का जो भी क्वेश्चन है उसको धमाकेदार एकदम खतरनाक तरीके से मेंटी क्विज में इसको ना प्रैक्टिस कर पाए ठीक है ताकि आपको आपका लेवल पता चले कि आप कितना रैंक आ रहा हो क्या करेक्ट आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो ओके सो यस वेलकम एवरी अगर लाइक नहीं किए थे तो आप सेशन को लाइक कर दो एप्रिसिएशन क्या मांग रहे हाँ तो एप्रिसिएशन की तो मैंने वीडियो बनाई हूँ ऑलरेडी आप चेक कर सकते हो ठीक है यूट्यूब में डालो एप्रिसिएशन बाय शफक नजाज आएगा हा? हा? मैं बताती हूँ अभी लेक्चर के बाद बताती हूँ अच्छा कल हम बताए ना इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा और मेंटी क्विज रहेगा चाहिए ओ हो हो सब चाहिए कोयम चैप्टर पॉसिबल हुआ तो जरूर और भूलना नहीं अभी अपना आज रात में होने वाला है सैंपल पेपर ठीक है अभी घर जाके आपसे जो अपना सैंपल पेपर की सीरीज चल रही है ना वो चलेगी ऑफकोर्स अभी थोड़ा लेट होगा क्योंकि तो घर जाते आते मुझे एक डेढ़ घंटा लगेगा ठीक है तो फिर लगभग साढ़े दस साढ़े ग्यारह बजे के आसपास हम अपना क्या करने वाले हैं डिनर विनर करके आ जाना ओके आप मुझे पता है आपने दो तीन चीज में से डिमांड हो कि नॉवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो है ना चैप्टर नंबर सेवन मैंने अब तक नहीं करवाई हूँ तो चैप्टर नंबर सेवन करवा दो और अपना ये सैम्पल पेपर करवा दो तो ये तीन चीज आज रात में कोशिश करूंगी करने की ओके तो यस डू यू वॉन्ट टू से समथिंग कुछ दुविधा है <laughs> अच्छा तुम बोल रहे हो कमेंट में कोई बोला <laughs> oh, oh, oh. <laughs> क्वेश्चन पेपर की डिमांड कौन कर रहा है भाई पांच चार घंटा मैराथन अटेंड करके <laughs> क्वेश्चन पेपर चाहिए वाह 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 <laughs> ओ ओके मेरा नाम है शफक नाज तो पता ही नहीं था ओके <laughs> okay. हाँ सो so, अभी बताइए मैंने आप लोगों का इतना बड़ा सेशन ली आप लोगों को कुछ भी डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम है पीडीएफ मिल जाएगा यार पीडीएफ का बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा कोई ओके okay? क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दी हूं लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक हो या पिछले साल का हो सब कुछ एप्रिसिएशन हो बुक रिव्यू हो समरी राइटिंग माइंड मैपिंग पर्सनल रिस्पांस सब कुछ एक एक वीडियो फिगर ऑफ स्पीच कंपोज द पोयम राइमिंग स्कीम राइमिंग पैर एक एक टॉपिक पढ़वाई हूँ आपकी तो सर्च करने की देरी है सेशन hmm. एंड हो चुका है ठीक है So, आज हमने क्या करे आज हमने आपका पूरा का पूरा राइटिंग स्किल नॉवल एंड ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करे हैं ये सारी चीजों की आप नोट्स बना के रिवाइज करके जाओगे एग्जाम से पहले तो भाई आपकी नैया पार हो जाएगी ओके okay, इसके अलावा तो आपको पता ही है क्या क्या करना है सीन टेंशन पैसद की कहानी है अगर नहीं आपको आ रहा है तो भाई यूट्यूब में सर्च कर लो चैप्टर और मेरा नाम डाल दो आपको सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ मैंने पढ़वा दी हूँ एप्सोलूटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में ठीक है तो आपको जो भी चीज चाहिए जो भी सब वो चीज का नाम डालो शपक लिख दो आ जाएगा ठीक है अपने इस चैनल पे, न्यू इंडियन एरा चैनल पे पे न्यू भी मैंने बहुत सारे सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस पढ़वा के रखी इंग्लिश का तो इधर आप चेक करो सर्च करो ठीक है तो सेशन को समाप्त किया जाए शेल वी एंड द सेशन चलो जी तो ऑल द बेस्ट एडवांस में आप सभी को गुड लक खोल के आना है अपना बेस्ट देकर आना है लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो अपना बेस्ट देना और ऐसा नहीं है कि बहुत इतना मतलब डर जाने की पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ है ना ऐसा भी इतना भी सीरियस नहीं लेना है आपको ऐसा रहना है कि हाँ मैंने जितना भी पढ़ा हूँ अच्छे से पढ़ा हूँ और मैं सब चीज लिख कर आऊंगा ठीक है और बाद रिजल्ट की भी टेंशन नहीं लेना है आपने जितनी मेहनत करे हो उसका तो फल आपको मिलेगा ही ठीक है आपके आगे का जो भी एम है उस पर भी फोकस रखना है ओके चलिए जी तो यहीं पे हम सेशन को एंड करते हैं ओके बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ मुझे ये मैराथन लेने का मौका मिला और आप सबने इतना सारा प्यार दिए इतना सारा लाइक like दिए इतना सारा आर्ट्स मतलब कितने सारे बच्चों के सब के स्टेटस में ऑलमोस्ट यही अपना लिंक लगा हुआ था तो बहुत अच्छा लगा कि आपने सब चीज़ों को शेयर करें ठीक है सो तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव चीज़ों को शेयर करना चाहिए अभी तो बस शुरुआत है है ना बहुत सारे पेपर आपके अभी हो गए केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी तो इस चैनल पे आपको पता ही है सारे चैनल अपने सारे सब्जेक्ट के मैराथन होने वाले हैं है ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है ठीक है तो बस शुरुआत थी है ना पिक्चर अभी बाकी है और हम यहाँ पे जो मेहनत जिस तरीके से लगा रहे हैं उसका डबल एफर्ट आप अपनी तरफ से लगाओगे तो ही रिजल्ट निकल कर आएगा ठीक है आपको एफर्ट क्या लगाने हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसकी नोट्स बनाओ रिवाइज करो प्रैक्टिस करो नोट्स बनाओ रिवाइज करो प्रैक्टिस करो ठीक है रोज सुबह 11 बजे टेलीग्राम पर मैं आपको सैंपल पेपर भेज रही थी और बोल रही थी कि भाई इसको दो बजे से पहले सॉल्व करके दो कितने बच्चों ने इसको सॉल्व करे है मतलब टेलीग्राम पर कुल बारह हजार मतलब बच्चे है उधर पर तो डेढ़ सौ दो सौ बच्चे भेजते थे है हाँ ना तो आपके पास भी ऐसे प्रैक्टिस करो अस्सी 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 मार्क्स के तो आपका क्या होगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ठीक है चलिए जी सो फाइनली यहीं पे हमारा होने जा रहा है मैराथन एंड ऑल द बेस्ट अच्छे से पढ़ना अभी आराम कीजिए शांति रेस्ट कीजिए और फिर फिर से धूम मचाइए कल पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में आना मेंटी क्विज के लिए रेडी रहना ठीक है बाय एवरीवन हैव अ नाइस नाइट मिलते हैं बहुत जल्द एग्जाम का जो आपका पेपर एंड होगा तब हम फिर से मिलेंगे लाइफ में पेपर सॉल्व करेंगे ठीक है आपका बोर्ड पेपर कैसा था क्या था सारे क्वेश्चन सही थे गलत थे सब देखेंगे ठीक है सो बाय एवरी वन टेक केयर दिल से दुआ यही रहेगी कि जो बच्चे जितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं उनको उनका फल मिलेगा ठीक है जितनी शिद्दत से मेहनत करोगे याद रखना और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा कभी भी अपने पे अपने को क्या नहीं करना है डाउट नहीं करना है कॉन्फिडेंस रखना है ठीक है बाय एवरी वन बाय 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 Bye everyone. Thank you very much. Okay.